हेलो एवरीवन अ वेरी गुड मॉर्निंग कैसे हो आप लोग क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है और मैं दिखाई दे रही हूँ गुड मॉर्निंग एवरीवन क्या हाल चाल गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन जल्दी जल्दी से बता दीजिए क्या मैं आपको दिखाई दे रही हूँ आवाज़ आ रही है मेरी हाँ बेटा वीरेंद्र सिंह अभी मैं ही ट्रेन पकड़वाऊंगी तुम्हें तुम चिंता मत करो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सो कैसी है आपकी मॉर्निंग मुझे फटाफट से बता दीजिए और जल्दी जल्दी से सारे बच्चे आ जाओ यार क्लास को लाइक और शेयर कर दो फटाफट से फटाफट से चलो माइक इज सेट क्या हो गया भाई एक सेकेंड ऑल राइट अभी तक कुछ नहीं पढ़ा ग्रामर में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मैंने पहले ही बोला था कि आज की जो क्लास है आज की जो मेरे बच्चों वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है ठीक है क्योंकि हम लोग एक एक चीज को बहुत ज्यादा डिटेल में और अच्छे से पढ़ने वाले हैं शुरू से हम लोग शुरू करने वाले हैं बहुत ही बेसिक लेवल से हम लोग चीजों को पढ़ने वाले हैं बट उसके लिए आप लोगों को मन में यू you नो know, वो डिटर्मिनेशन रखना पड़ेगा वो दृढ़ निश्चय करके बैठना पड़ेगा कि यार आप बहुत दिन हो गए आज तो ग्रामर सीखनी ही है अगर आपके मन में ये है तो आज आप डेफिनेटली ग्रामर सीख लोगे बट फटाफट से आपको क्लास को लाइक और शेयर करना है ताकि सारे बच्चे आ जाएं हमारे और हम लोग शुरू कर सकें ठीक है खाना वाना खा लिया मॉर्निंग कैसी है जल्दी बता दो यार शुरू में थोड़ा बातचीत कर लेते हैं फिर तो अपन सीधा पढ़ाई में लगेंगे है ना आप कोई बातचीत हम नहीं करेंगे मतलब बीच बीच में ऑब्वियसली करेंगे फन करेंगे मजे करेंगे बट पढ़ेंगे भी है ना पढ़ेंगे ज्यादा ओके okay. अच्छा ये जो मैं पढ़ाऊंगी ना उसकी पीपीटी मैं आपको दूंगी टेलीग्राम पे ठीक है तो टेलीग्राम का जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में पहले नंबर पर है तो अभी तक जितने भी बच्चों ने ज्वाइन नहीं करा जितने भी हमारे नए बच्चे हैं है ना वो प्लीज टेलीग्राम याद से ज्वाइन कर लें ताकि आपको सारे नोट सारी स्लाइड मिलता रहे वहां पर ओके okay, चलो तो अब मैम आज हम करने क्या वाले हैं अगेन क्या क्लास लाइव है बेटा बिल्कुल लाइव है सोनू अब आज हम क्या करने वाले हैं आज मेरा एक ही मिशन है कि सारे बच्चों को ग्रामर आ जाए ठीक है हम आपके दिमाग में ऐसे भरने या ठूसने नहीं वाले मैं आपको बहुत आराम आराम से समझाने वाली हूँ आप बच्चों को अपने साथ एक कॉपी और एक पेन रखना है और आपको मुझे अभी डन बोलना है जो मैं बोलने वाली हूं। अगर आपने वैसा कर लिया है या आप कर रहे हैं तो आपको मुझे बोलना है मैम डन ठीक है तो आपको एक कॉपी एक पेन अपने साथ रखना है और जो मैं बोलूंगी वो आपको उसमें नोट डाउन करते हुए चलना है क्योंकि अगर आप ऐवी सिर्फ आ, सोफे पे लेट के अजाई में लेट कर छत पे बैठ कर सिर्फ अगर मुझे देख रहे हो तो कितनी देर देख लोगे आधा घंटा एक घंटा डेढ़ घंटा इससे ज्यादा आप नहीं पढ़ाई कर पाओगे तो एक पढ़ाई वाला इन्वायरमेंट बनाओ जैसे कि आप ट्यूशन में पढ़ते हो या आप सेल्फ स्टडी करते हो बिल्कुल वैसे ही तमीज से बैठो कॉपी पेन रखो फोन को कहीं पे टिकाओ ठीक है या लैपटॉप पे देख रहे हो तो उसे सामने रखो कहीं पर अच्छे से ताकि हाँ लगे कि आज मैं पढ़ने बैठा हूँ एक एक चीज को समझेंगे पहले मैं आपको वो चीज समझाऊंगी उसका एग्जाम्पल दूंगी और फिर मैं आप ही से क्वेश्चन सोल्व कराऊंगी ताकि आप में ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ भाई मेरे को आता है समझ में आया हाँ और आज शाम को सात बजे एक सेशन है चैनल पे आप लोगों ने देखा ही होगा तो उसमें आना बिल्कुल भी मत भूलना ओके डन सबने कर लिया शुरू करें शुरू करें तो चलो शुरू करने का जो हमारा मंत्र है वो हम लिख देते हैं कि मैम आई कैन डू इट ठीक है वो हम सबसे पहले लिखेंगे इन द कमेंट सेक्शन कि मैम आई कैन डू इट चलो जल्दी-जल्दी मैम आपने खाना खा लिया ऐसा कभी हुआ है बच्चों कि मेरा मैराथन हुआ और मैंने खाना खा लिया हूं कभी नहीं खाती मैं नहीं खाया मैंने अभी कुछ भी अभी मैंने बोला है कि थोड़ी देर में मुझे ब्रेड बटर दे, दे देना भाई चलो

आज तो हम लोग सारी चीजें सीख कर ही जाएंगे कितने ऐसे बच्चे हैं जो मुझे प्रॉमिस कर रहे हैं कि नहीं मैम अब बहुत हो गया बहुत हमने बैकलॉग कर लिए बहुत हमने लेटबैक एटीट्यूड दिखा दिया कि कल कर लेंगे परसों कर लेंगे बट आज वो दिन आ गया है कि आज अपने को पूरा करना ही है चाहे जितने भी एफर्ट लगे तो मैं दोबारा बोल रही हूँ बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर बैठो क्लास में ऐसे मत सोचना कि ऑनलाइन क्लास है तो बस जल्दी जल्दी ब्लै ब्लाय ब्लाय ब्ला होकर ख़त्म हो जाएगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आराम आराम से जब तक आपको नहीं समझ में आएगा तब तक मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगी ठीक है बिल्कुल जैसे आप ऐसा लगेगा आपको जैसे आप घर पे बैठ के पढ़ रहे हो जैसे आप होम ट्यूशन पे पढ़ रहे हो अगर आप ढंग से समझोगे अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो ओके चलो तो यार शुरुआत हम लोग करेंगे बेटा टेंसेज से ठीक है क्योंकि टेंसेज अगर आपको नहीं आता ना मतलब फिर आप आगे जो टॉपिक्स है उन्हें भी अच्छे से नहीं कर पाओगे ठीक है तो टेंसेज बहुत ज्यादा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ग्रामर टॉपिक के लिए तो टेंसेज आना बहुत जरूरी है जिनको आता है उनका और अच्छे से रिविजन होगा और जिन्हें बिल्कुल ही नहीं आता उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ठीक है बच्चे चलिए सो लेट स्टार्ट विद द टॉपिक नंबर वन टेंसेस

मैम क्वेश्चन है बेटा मैं लास्ट बार बता रही हूँ आपको अगर फुल ग्रामर मेरेथन है ना तो मतलब सब है ठीक है पहले मैं एक्सप्लेन करूँगी फिर मैं एग्जाम्पल दूंगी और फिर मैं क्वेश्चन कराऊँगी तो सारी चीज़ें हैं आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि मैं भी अकेले ही पढ़ा रही हूँ तो थोड़ा सा पेशेंस रख के चलो ठीक है अच्छा कुछ बच्चे हैं जिन्हें अब डर लगना ख़त्म हो गया है

तो आपस में ना तीनों की लड़ाई हो जाती है और तीनों क्या करते हैं अपने नए दोस्त बना लेते हैं ठीक है अब इनके दोस्त का नाम क्या है एक का नाम है सिंपल जिसे हम इनडेफिनेट भी बोलते हैं दो नाम इसने रख रखे हैं जैसे कुछ लोग घर का नाम पप्पू रख लेते हैं और बाहर का उनका अलग नाम होता है ना तो एक का नाम है सिंपल दूसरे का नाम है कॉन्टिन्यूस तीसरे का नाम है परफेक्ट और चौथे का नाम है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस अब अब आचंबे की बात क्या है कि तीनों के यही चारों दोस्त हैं बोलते है, वाह यार लिए बोलता तो कर तो लिए हाँ, तो कर लिए मैं क्या करूं समझ में आया तो क्या हो रहा है कि तीनों के दोस्त भी सेम है अब सेम कैसे है मैम देखो पास्ट सिंपल पास्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वैसे ही तुम्हारा प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट कंटीन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस और बिल्कुल वैसे ही तुम्हारा फ्यूचर सिंपल फ्यूचर कंटीन्यूअस फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस समझ में आया कि नहीं आया इतना क्लियर है देखो छोटे-छोटे स्टेप लेंगे और छोटे-छोटे स्टेप्स के बाद खुद को अप्रिशिएट करेंगे ठीक है इतना क्लियर है और देखो मेरे को एनर्जी मिलेगी तुम लोगों के कमेंट से तो यार कमेंट करते रहना कि यस मैम अब अब मैम अब हमें करना क्या है ये बताइए अब कुछ नहीं करना है आपको केवल बैठ के ताने मैम को सुनना है और मात्र आधे घंटे में ना मैंने तुम्हें टेंसेस सिखा दिए ना फिर तुम बोलना कि अरे मैम क्या बात बोली थी आपने ठीक है तो टेंसेस तो हम अभी सीख लेंगे मिनट से पहले इस तरीके से कि तुमने पहले कभी नहीं सीखे होंगे ठीक है तो यहाँ पर ऐसी हमें लाइन ड्रॉ करनी है अगर आप चाहो तो आप लोग अपनी कॉपीज में लाइन कर सकते हो अगर नहीं चाहो तो चुपचाप बैठ के समझ सकते हो और ये स्लाइड्स मैं आपको आपको दे दूंगी ठीक है है तो तो दिक्कत मत लो चलो तो यहां पर हेडिंग क्या डालनी है? सबसे पहले हम लोग सिंपल टेंस पे फोकस करेंगे तो आप ऊपर डालो प्रेजेंट फिर आप डालो पास्ट और फिर आप डालो फ्यूचर तो अभी हम क्या कर रहे हैं सिंपल टेंस को देख रहे हैं कि भाई ये जो सिंपल है या ये जो इनडेफिनेट है क्या होता है ठीक अब मेरी बात को ध्यान से सुनो और सब लोग मुझे जवाब देना आपने इस तरीके के सेंटेंस कभी सुने हैं या आप इस तरीके के सेंटेंस कभी इस्तेमाल करते हो कि मैं आता हूँ मम्मी खाना बनाती है पापा काम पे जाते हैं मेरी मम्मी भी काम पे जाती है हम लोग रोज़ स्कूल जाते हैं हमारे टीचर्स हमें पढ़ाते हैं सूरज रोज निकलता है हाँ शाम को ढल जाता है चंद्रमा फिर आता है इस टाइप के सेंटेंसेस सुने इनमें एक चीज जो कॉमन है वो क्या है अगर आप देखोगे ढंग से सुनोगे वो है ता है, ती है, ती और ते है। ये सिर्फ आपकी पहचान के लिए देखो बेटा किसी भी चीज को अगर मैं आपको ऊपरी ऊपरी लेवल से पढ़ा दूंगी ना बाहर बाहर से पढ़ा दूंगी तो वो काम चलाऊ होगा मान लो आपको चोट लग गई और मैंने एक कपड़ा बांध दिया बस वैसा होगा वो ठीक है बट अगर चोट लगी है तो अच्छे से हम अगर उसकी मरम पट्टी करेंगे तो वो ज्यादा जल्दी हील होगा वैसे ही अगर आपको मैं ढंग से समझाऊंगी अगर आपके दिमाग के अंदर बैठ गया ना टेंस तो कभी जीवन में पूरी लाइफ में टेंस बाहर नहीं निकलेगा ठीक है अभी तक जैसे आप पढ़ते आए हो काम चलाओ तरीके से इसीलिए बार बार ही भूल जाते हो ठीक तो आपने इस टाइप के सेंटेंसेस सुने यानी कि ऐसी चीजें बच्चों जो होती ही हैं जो नहीं तो रोजाना हो रही हैं या वो हमारी हैबिट है करना जैसे अगर मैं बोलू मैं तो पढ़ाती हूं अब भाई ऐसा तो नहीं है कि मैं आज पढ़ाती हूं कल नहीं पढ़ाती या कल पढ़ाया था परसों नहीं पढ़ाऊंगी मैं तो पढ़ाती ही हूं तो पढ़ाती हूं आ गया लास्ट में है ना तो मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है आप लोग बोलो अरे मैम हम तो पढ़ते ही है तो पढ़ते हैं ते है आ गया मतलब सिंपल प्रेजेंट है कि ऐसा नहीं आप पास्ट में पढ़ते थे ऐसा नहीं आप फ्यूचर में पढ़ते हो आप पढ़ते हो भाई आप कल भी पढ़ते थे आप आज भी पढ़ते हो आप कल भी पढ़ोगे राइट right, भाई सूरज आता है आता है ता है यानी कि सिंपल प्रेजेंट भाई रोज आता है तो ऐसा कोई काम बच्चों जो रोज होता है या जिसकी हैबिट है ठीक है मेरे पापा तो अखबार पढ़ते हैं अब उनकी हैबिट है हो सकता है एक दिन छोड़कर एक दिन पढ़ लें बट पढ़ते हैं वो उनकी आदत है उनकी हैबिट है राइट right, तो ऐसी चीजें हमारी सिंपल टेंस में आती हैं ठीक है जिनके अंत में आप अपनी पहचान के लिए ता है ती है ते है अब है का मतलब तो प्रेजेंट ही हुआ इतना तो सबको पता है है मतलब प्रेजेंट था मतलब पास्ट कोई काम था मतलब पास्ट और कोई काम है मतलब प्रेजेंट ठीक है बट ता है ती है ते है ते इज योर सिंपल अब इसका रूल सबसे पहले बच्चों को रूल से बड़ा डर लगता है समझना मेरी बात ध्यान से आप याद करो कि सब्जेक्ट अब सब्जेक्ट कौन है एस का मतलब क्या है यहाँ एस का मतलब है सब्जेक्ट सब्जेक्ट कौन है करता यानी कि जो काम को कर रहा है जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो अभी मैं सब्जेक्ट हूँ आप लोग अभी बैठ के पढ़ रहे हो तो आप सब्जेक्ट हो राहुल खेल रहा है तो राहुल सब्जेक्ट है ठीक है कोई इंसान जो काम को कर रहा है वो कौन है हमारा वो हमारा सब्जेक्ट है इतना क्लियर हो गया ठीक है अब क्या करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अच्छा जब जहां मैं ना बोलूं तब तक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते रहना वो होता है ना कि जब तक हम रुकवाए ना तू नाच राइट right. बिल्कुल वैसे ही जब तक मैं ना रोकू तुम्हें तुम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाओगे तो यहाँ पे कंफ्यूज मत हो अरे यार फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे सेकंड थर्ड बड़ा कर... नहीं अपने दिमाग को एकदम खाली कर लो ऐसे खाली स्लेट कर लो तभी समझ में आएगा पहले ही भर के रखोगे कुछ समझ नहीं आएगा फिर ठीक है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी अपने दिमाग पे अभी बिठा लो कुछ याद नहीं करना इसमें उसके बाद ना एक चीज है अब मैम वो एक चीज क्या है जो आप लोग भूल जाते हो एस और ई एस लगता है वर्ब के साथ और फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट अब मैम एस और ई एस लगाए कहा एस और एस आप लोग लगाओगे ध्यान से सुनना ध्यान से ठीक है सिंगुलर के साथ सिंगुलर मतलब एक वचन अगर आपका सब्जेक्ट है मान लीजिए ही है मान लीजिए शी है मान लीजिए इट है मान लीजिए किसी का नाम है तान्या हो गया है ना यहाँ पे अमीशा हो गया हान्या हो गया जसमान हो गया आयशा हो गया ये सब क्या है किसी के नाम है सिंगुलर है एक ही है राइट right? तो हम लोग इनके साथ एस ई एस लगाते हैं ये लगाना है अगर हमारे पास प्लूरल है ना क्या है प्लूरल बहुवचन अब अच्छा इसमें ना आई एक्सेप्शन है ये आता ही आता है आई के साथ एस सी एस नहीं लगाओगे यू के साथ नहीं लगाओगे वी के साथ नहीं लगाओगे दे के साथ नहीं लगाओगे कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है उनके साथ ए सी एस नहीं लगाना ठीक है मैम एग्जाम्पल दे दो एक बार ठीक है एग्जाम्पल दे देती हूँ अब मान लो हमने लिखा ही गो तो ये गलत है अब ये गलत क्यों है क्योंकि भाई ही तो सिंगुलर है और हमने वर्ब के साथ एस सी एस नहीं लगाया इसलिए मैम ये गलत है समझ में आया अब एक क्वेश्चन है कि मैम एस कहाँ पर लगाऊं और ई एस कहाँ लगाऊं कैसे मेरे दिमाग में बैठेगा अगर मुझे कुछ नहीं आता कि एस और ई एस मुझे कहाँ लगाना है बताइए तो देखो मैं बताती हूँ अगर आपका जो वर्ब है जो आपकी क्रिया है उसका जो लास्ट लेटर है वो ओ है सी एच है डबल एस है तो आप मैक्सिमम केसेस में ई एस लगाओगे वरना आप एस लगाओगे अब जैसे यहाँ पे लास्ट लेटर ओ है तो हमने ई एस लगा दिया ही गोज हो गया शी गोज हो गया मान लो वी है अब भाई वी के साथ तो एस ई एस लगता ही नहीं है ना तो खाली गो ही आएगा खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी समझ में आया अब आप लोग मुझे बताओ अगर मुझे एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस बनाना है अगर मैं बोलू कि मीना गाना गाती है तो आप लोग उसको कैसे बनाओगे मीना गाना गाती है कि अंग्रेजी कैसे बनाओगे देखो मैं बताती हूँ कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे अरे अंग्रेजी बनाना थोड़ी आएगा पेपर में क्यों बता रहे हो उसका लॉजिक है अभी पता चलेगा आगे अब मीना मुझे पता है ना इसकी सिंगुलर है मीना एक वचन है मीना बहुवचन नहीं है सो so, मीना जो वर्ब है सिंग उसके साथ क्या आएगा एस मीना सिंग्स क्या गाती है गाना सॉन्ग अब जब आपको ये पता है तो आपको ये भी पता होगा आपको पहचानना भी आ गया होगा पहचानना मतलब मान लीजिए ये सेंटेंस लिखा हुआ है है ना हमें बताना है टेंस कौन सा है अगर ये सेंटेंस लिख रखा है बच्चों और हमसे क्या पूछा है हमसे पूछा है कि भाई ये बताओ कि टेंस कौन सा है काल कौन सा है राइट तो आप यहाँ पर देखोगे कि भाई वर्ब के साथ तो ऐसा आ रखा है यानी कि कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है कोई इज एम आर कोई वाज वर कोई हैज हैव कोई हैड कुछ भी नहीं लगा खाली मेरे सब्जेक्ट के साथ वर्ब है और उसके साथ एस लगा है मतलब ये मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस है इतना सबको समझ में आया ना पहचान सम, सबको समझ में आई ना कि हमें पहचानना भी कैसे है इज इट क्लियर एवरीवन सिंपल प्रेजेंट दिमाग में गया अगर मुझे ये बोलना है कि वे स्कूल जाते हैं वे स्कूल जाते हैं तो दे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो अब एस ई एस तो नहीं लगाएंगे क्योंकि दे प्लूरल है प्लूरल के साथ हम लोग एस ई एस करते ही नहीं लगाते सो दे गो कहां जाते हैं टू स्कूल खत्म बात दे गो टू स्कूल सिंपल प्रेजेंट में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आता ठीक है चलो अब सिंपल पास्ट की तरफ चलते हैं अब पास्ट में देखो क्या है यहां पर था और तीनों को ऐसे ही पढ़ना है कंपेयर करते हुए ठीक है देखो जैसे हमारे रिश्तेदार हमें कंपेयर करते रहते ना, बिल्कुल हमें टेंसेस को भी वैसे ही कंपेयर करना है कि यहां पर है ता है, ती है, ता ती ते हैं। तो यहां पर क्या होगा ता था, मतलब ती थी, ते थे, थे, कोई काम जो हम आज से पहले तक किया करते थे अब नहीं करते जैसे मान लो अगर मैं पढ़ाना छोड़ दूं तो मैं क्या बोलूंगी अरे मैं पढ़ाती थी अब ऐसा नहीं है मैं सिर्फ कल पढ़ाती थी मैं सिर्फ परसों पढ़ा भाई एक टाइम था जब मैं पढ़ाती थी अब नहीं पढ़ाती हूँ समझ में आया तो ती थी सिंपल पास्ट सिंपल पास्ट ठीक है अब आप लोग जब स्कूल से निकल जाओगे कॉलेज वॉलेज कर लोगे तब तो आप बोलोगे अरे हम भी पढ़ा करते थे है ना तो ते थे अगेन इज सिंपल पास्ट कि भाई तुम पढ़ा करते थे टाइम था जब तुम पढ़ते थे अब नहीं पढ़ते हो समझ में आया और नो रानी स्कूल जाया करती थी वह गाया करता था ठीक है मेरा मामा मेरे घर आया करता था ठीक तो जिनके भी एंड में ता था सिंपल पास्ट ठीक है सिंपल पास्ट अब एक चीज का जो आपको खास तौर पर ध्यान रखना है वो क्या है ये अपनी कॉपी में लिख लेना पूरे टेंस की बिरादरी में जितने भी टेंस हैं सबके पास ठीक है केवल एक ऐसा सिंपल पास्ट टेंस ही है जिसमें हम लोग वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं और सिंपल पास्ट में में भी केवल सकारात्मक सेंटेंसेस इनके भी अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा भी आगे देखेंगे नहीं लगाएंगे सेकंड फॉर्म ऐसे मान लो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म एक चॉकलेट है और इसको मिल गई बस एक ही है दुनिया में खत्म बाकी और कहीं भी आप वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगाओगे ठीक है तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है अपने दिमाग में बिठा लीजिए कॉपी में लिख लीजिए तो सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट बस खत्म और कोई रूल नहीं है इसका कोई रूल नहीं है ठीक है अब अगर मान लो मुझे सेम सेंटेंस को लिखना है सिंपल पास्ट में कि मीना गाना गाती थी ऐसे नहीं बोल रहे कि उसने गाया कल गाया उसने नहीं नहीं गाती थी एक टाइम तक गाया करती थी अब नहीं गाती है वो तो कोई काम जो आप जो आप पास्ट में किया करते थे जैसे अगर हम बोले आप बोलो अरे मैं बचपन में नौटंकी किया करता था अब नहीं करता हूं भाई बड़ा हो गया हूं बचपन में मैं नौटंकी करता था तो ता, था लास्ट में आगे जो सिंपल पास्ट टेंस समझ में आया तो यहां पर अपन को अगर लिखना है कि भाई वे स्कूल जाया करते थे तो हम क्या करेंगे हाँ जी या वे स्कूल जाते थे हाँ यहाँ पे मीना सांगा सॉन्ग हो जाएगा वेरी गुड सिर्फ सेकंड फॉर्म हमें यहां पर लगानी है जैसे अगर गो है तो उसका सेकंड फॉर्म वेंट हो जाएगा बाकी पूरा सेम रहेगा दे वेंट टू स्कूल ठीक है क्लियर यस मैम मिल सकता इन द कमेंट सेक्शन चलो अब आते सिंपल फ्यूचर पे सिंपल फ्यूचर मतलब भाई कोई काम होगा बस सिंपली कोई काम होगा मैं स्कूल जाऊंगा मैं आऊंगा मैं खाऊंगा मैं पीऊंगा मैं ऐश करूंगा मैं अच्छे नंबर लाऊंगा मैं टॉप करूंगा सिंपल फ्यूचर अब एक बात ये लिख लेना अपनी डायरी में जो आप बच्चों को दिमाग में रखने की जरूरत है वो वो बात क्या है वो बात क्या है देखो आपका सबका बेस्ट फ्रेंड है ये बताओ मेरे को जल्दी-जल्दी अंदर कमेंट सेक्शन यार देखो किसी को कोई परेशानी तो नहीं हो रही ना कि मैम खाली पढ़ाओ पढ़ाओ बिल्कुल भी एग्जाम्पल मत दो मजाक क्योंकि मेरा स्टाइल ऐसा ही है मैं बिल्कुल ऐसे पढ़ा नहीं सकती क्योंकि मैं खुद ही बोर हो जाऊंगी तो मैं दुनिया को क्या ही पढ़ाऊंगी ठीक है मैं फालतू की बातें कर 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 ही पढ़ा सकती हूँ जिससे कि मैं भी बोर ना हूँ और तुम भी मतलब वो बिल्कुल भी फालतू नहीं है फालतू भी काम की बात है वो ठीक है हाँ तो सबका बेस्ट फ्रेंड है बड़ी बेकार चीज़ पाल रखी है यार सबने तो Just kidding. अच्छा कुछ लोगों का नहीं है बहुत बढ़िया तुम सब मेरी कैटेगरी के हो ओके okay, कुछ लोगों का है ठीक है तो बेटा तुम्हारी कैटेगरी का है फ्यूचर टेंस तो एक बात आप लोग अपने दिमाग में बिठा लो कि इसका भी एक बेस्ट फ्रेंड है बेस्ट फ्रेंड कौन है विल और शैल तो भाई ये तो पीछा ही नहीं छोड़ेगा पूरे टेंसेज में तो जहां पर भी फ्यूचर टेंस देखे ना दिमाग में पहले बिठा लो अरे सब्जेक्ट प्लस विल और शैल तो होगा ही ये इसका बेस्ट फ्रेंड है ये इसका पीछा नहीं छोड़ेगा समझ में आया तो विल और शैल तो आएगा ही आएगा अब आगे क्या करना है मैंने क्या बोला सेकंड फॉर्म की केवल एक जगह थी उसे मिल गई अब आपको कहीं पर भी दुनिया में सेकंड फॉर्म नहीं लगाना तो मैम फिर क्या करे फिर क्या मैम ने क्या बोला था जब तक मैं ना रोकू सारी जगह फर्स्ट फॉर्म लगा दो ठीक है तो वही जो फर्स्ट फॉर्म लगा है वही लगाएंगे और ऑब्जेक्ट सिंपल तो हमें कोई रूल को याद करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है हमें सिर्फ समझना है कि अच्छा सब्जेक्ट विल शैल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंपल फ्यूचर टेंस अब अगर मुझे बोलना है भाई वे स्कूल जाएंगे तो मैं, क्या करूंगी? मैं गाना गाऊंगी आई विल सिंग या आई शैल सिंग अ सॉन्ग बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम विल कहाँ लगाएं और शैल कहाँ लगाएं देखो बेटा क्या है कि जो शैल है ना वो आई और वी के साथ ही लगाया जाता है बस बाकी सबके साथ विल बट ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हर आई और वी वाले सेंटेंस में आप शैल को घुसा दो ऐसा कंपलसरी नहीं है ठीक है अब उनके साथ भी मोस्टली केसेस में विल लगाते हैं और शैल को एज अ मॉडल वर्ब यूज किया जाता है कि भाई कोई काम जो यू नो आपको करना चाहिए ठीक है जब आप पोलाइट होना चाहते हो फॉर्मल होना चाहते हो तब आप शैल लगा सकते हो वरना विल भी बिल्कुल ठीक है तो ऐसा नहीं है कि विल गलत है समझ में आया तो सिंपल प्रेजेंट टेंस मेरे ख्याल से सबको क्लियर है अगेन आई वुड रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू टू प्लीज लाइक एंड शेयर द क्लास एंड नाउ वी आर मूविंग टू द नेगेटिव सेंटेंस अब भाई पॉजिटिव सेंटेंस की बात करी नेगेटिव भी तो करेंगे नेगेटिव होता क्या है पहली बात तो कुछ लोग देखिए जो नेगेटिव हो जाते हैं या जो पूरी लाइफ ही नेगेटिव रहते हैं अरे यार मैं घर से बाहर निकल रहा हूँ मुझे कार मार देगी भाई नहीं 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 मैं ऊपर रहने लगूंगा एरोप्लेन मेरे पे गिर जाएगा अरे नहीं भाई मैंने कुत्ता पाल लिया तो वो मुझे ही काट लेगा मतलब नेगेटिव है ना नेगेटिव मतलब कोई काम सही नहीं हो रहा है तो वो वाले सेंटेंसेस जिनमें नहीं आ रहा है वो होते हैं नकारात्मक नेगेटिव सेंटेंसेस जिनमें नॉट आ रहा है है ना जिनमें नहीं आ रहा है अब यहाँ पर वैसे तो हर जगह नॉट लगा देते हो आई विल सिंग अ सॉन्ग आई विल नॉट सिंग अ सॉन्ग आई विल रीड अ बुक आई विल नॉट रीड अ बुक बन गया नेगेटिव बट यहाँ पे प्रेजेंट और पास्ट वाले जो नेगेटिव है ना बेटा उसका तुम्हें ध्यान रखना है मैम क्या ध्यान रखना है मैं बताती हूँ देखो सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की अब हर बार मुझे वो गाने का एग्जाम्पल देना पड़ता है मुझे लगता है लोग मारेंगे मुझे बाद में वो गाना सुना है ना सबने शी डोंट नो शी डोंट नो मुंडा उदे थे क्रेजी सुना है वो सुना है कि नहीं गाने उन्हें सुनते हो तुम मैम बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया सो प्राउड ऑफ यू हाँ नमकीन खाने में बिजी था बेटा थप्पड़ खिलाऊंगी मैं सच बता रही हूँ मैंने यहाँ कुछ खाया नहीं है तेरे को नमकीन खानी है हाँ पढ़ते पढ़ते खा रहा है तो कोई नहीं तू खा ले पढ़ाई छोड़ के मत खाइयो सुना है ना तो वो गाना गलत है सबको पता होगा ना मेरे मुंह से बहुत बार सुन लिया होगा कि वो गाना ही गलत बनाया है ठीक है वो गाना गलत क्यों है देखो इसलिए गलत है कि जब भी हम लोग प्रेजेंट का नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हमारे पास रूल क्या होता है इस्तेमाल करते हैं याद रखना किसमें प्रेजेंट के नेगेटिव सेंटेंस में ठीक है प्रेजेंट टेंस के नकारात्मक नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट और डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे फिर क्या लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट अब कुछ समझदार बच्चे जो जेनुअनली समझदार है टॉन नहीं मार रही वो ये पूछ सकते हैं कि मैम एक बात बताओ यहाँ तो प्रेजेंट टेंस में एस ई एस लगाया था तो जब नेगेटिव सेंटेंस बना रहे तो ई एस क्यों नहीं लगा रहे क्योंकि बेटा उनकी दुश्मनी है किससे डू नॉट और डज नॉट से तो याद रख लेना जिस भी सेंटेंस में डू do नॉट आएगा वहां पे एस ई एस अपनी शकल नहीं दिखाएगा नहीं दिखाएगा नहीं दिखाएगा सो ऑलरेडी डू नॉट गया नहीं दिखाएगा वो ठीक है अब बात ये उठती है कि मैम डू नॉट कहाँ आएगा और डज नॉट कहाँ आएगा तो मैंने बोला कि शी डोंट नो गाना गलत है क्यों गलत है क्योंकि बेटा जो भी सिंगुलर चीजें हैं ना जैसे ही हो गया शी हो गया इट हो गया फलाना का नाम हो गया मान लो मेरा ही नाम हो गया उनके साथ हम डज लगाते हैं क्या लगाते हैं उनके साथ डज लगाएंगे तो शी, नहीं होता। शी नो बहुत बार इवन मुझे भी याद है जब मैं स्कूल जाती थी तो बहुत बार इवन हम खुद हम खुद भी ये गलत बोल देते थे कि मैम ही डोंट नो मैम शी नो कभी मैम ने हमारी सही भी नहीं किया हमें इसलिए हम गलत ही बोलते गए है ना क्योंकि हमारे स्कूल में ग्रामर नहीं पढ़ाते थे तो कभी सही नहीं किया किसी ने कि बेटा डोंट नहीं डजंट आएगा क्या कर रहे हो पागलों क्या किसी ने सही नहीं करा ठीक है तो हम लोग क्या करते है? गलत करते हैं कि अरे नहीं नहीं डोंट नो डोंट नो डोंट नो नहीं सिंगुलर के साथ हमेशा डज लगाओगे और जो प्लूरल है उनके साथ डू लगाओगे ठीक है अब जैसे आई बी है इसमें आई हो गया यू हो गया वी हो गया दे हो गया बाकी कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो आप डू लगाओगे समझ में आया ही ओ सॉरी डोंट नो वी डोंट नो ठीक है कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है तो डोंट यानी कि डू और सिंगुलर के साथ डस अब मान लो कोई भी नकारात्मक सेंटेंस अगर हमें बनाना है ठीक है के मान लो हमने, हमने वो, हमें बोलना है कि वो गाना नहीं गाती है लास्ट में ती है ता ही रहेगा क्योंकि सिंपल प्रेजेंट है वो गाना नहीं गाती है तो हम क्या बोल सकते हैं कि भाई शी अब शी के साथ क्या आएगा Doesn't, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग ऑब्जेक्ट सॉन्ग समझ में आया मैम कैन यू बेटा सारी स्लाइड भेज दूंगी टेलीग्राम पे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए ना डिस्क्रिप्शन में पहले नंबर पर लिंक है हाँ भाई अरे वाह यार किसी ने मुझे सुपर चैट भी किया है अस्सी रुपए क्या बात है थैंक यू बेटा <laughs> हाँ भाई ठीक है इतना समझ में आया अब एक बात बताओ अभी तक इतना तो दिमाग में बैठ गया होगा कि मैम अगर हम प्रेजेंट टेंस में डू नॉट और डज नॉट लगा रहे हैं तो अगर हमें पास्ट का नेगेटिव बनाना है तो अपन डिड लगाएंगे यस और नो सिंपल सी बात है राइट right? तो भाई पास्ट में आप लोग क्या लगाओगे डिड लगाओगे तो अब हम क्या करेंगे सब्जेक्ट डिड नॉट अब क्योंकि पास्ट है तो कुछ बच्चे बोलेंगे मैम वो आपका सेकेंड फॉर्म लगाओ और कुछ लोग लगाते भी हैं वर्ब का सेकंड फॉर्म आज तक बड़े लोग भी स्पोकन इंग्लिश में जब भी इंग्लिश बोलते हैं तो डिड के साथ second form लगा देते हैं I didn't went there. ऐसे बोल देते हैं आई डिंट वेंट there क्योंकि उन्हें लगता है पास्ट है तो पास्ट लगाना है सेकंड फॉर्म वेंट लगा देंगे आप लोगों ने भी कभी ये इस तरीके की इंग्लिश सुनी होगी ये गलत है आई डिंट वेंट there कुछ नहीं होता

i didn't go there i did not go there verb का past form ठीक है एक एक नेगेटिव सेंटेंस बना के दिखाओ जल्दी-जल्दी सारे बच्चे एक-एक नेगेटिव सेंटेंस मुझे बनाकर दिखाओ फटाफट -फड़ से ठीक है अब मान लो ऊपर वाले सेंटेंस को ही मुझे पास्ट में लिखना है नेगेटिव पास्ट मैं भाई क्या लिख दूंगी शी डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग खत्म ठीक है तो ये बात आपको ध्यान रखनी है बाकी तो किसी का भी नेगेटिव बनाते हो तो, तो हम नॉट लगा देते हैं बट ये डू डज और डिड का इस्तेमाल आपको याद रखना है कि इन्हें हम नेगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस में हम डू और डस लगाएंगे, और लगाएंगे। She didn't eat food, बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया हा। ठीक है हाँ मतलब इतना याद रखना डिड आएगा तो फर्स्ट फॉर्म लगाना है हम उन लोगों में से नहीं बनना कि डिड के साथ सेकंड फॉर्म लगाकर आ गए ठीक है तान्या मैम डिड नॉट टीचेस नहीं होगा एस एस क्यों लगाएंगे हम यहाँ एस एस लगाना है नहीं नहीं लगाना है एस एस टीच होगा बट यार डिड नॉट टीच ऐसे क्यों बोल रहा हो कब से पढ़ा रही हो यार मैं वाह एक बच्चा बोल रहा है माई क्रश डोंट लव मी अब तुमने ये गलत लिखा है वो तुमसे प्यार नहीं करता नहीं करती वो तो चलो अलग ही बात है बेटा ठीक है बट माई क्रश इज सिंगुलर अब आपके अगर बहुत सारे क्रश है वो अलग बात है फिर बेटा सिंगुलर के साथ आप डू थोड़ी लगाओगे अभी अभी समझाया है कि सिंगुलर के साथ डज लगाना है अगर ऐसी इंग्लिश बोलोगे तो प्यार मिलेगा भी नहीं दोबारा डज लगाकर बोलो उसको तब शायद वो दे दे वापस प्यार समझ में आया तो सिंगुलर के साथ अब इस एग्जाम्पल से याद रखना सिंगुलर के साथ डू नहीं आएगा सिंगुलर के साथ डज लगाना है अगर आप प्रेजेंट में बात कर रहे हो पास्ट में बात कर रहे हो तो डिड आएगा डिड आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी खत्म बात ठीक है चलो इतना मेरे ख्याल से समझ में आ गया हमारे आ गया तो एक बारी सुपर एनर्जेटिक यस मैम ऐसे करके दे दो मेरे को और जितने इतने में लाइन ड्रॉ कर लू फिर चलेंगे कॉन्टिन्यूस टेंस पे ठीक है लेट मी जस्ट ड्रॉ अ लाइन फिर चलेंगे कॉन्टिन्यूस टेंस पे ग्रीन कलर की लाइन खींचते हैं, चलो इस बार ओके वन मोर चलो तो अभी दिमाग में क्या रखना है अपने को यस मैम दे दिया शाबाश मजा आ रहा है बोर तो नहीं हो रहे ना बोर मत होना ठीक है बेटा फ्यूचर का नेगेटिव बताया तो मैंने नॉट लगाना है सिंपल उसमें कोई लॉजिक नहीं है जैसे आई विल सिंग अ सॉन्ग आई विल नॉट सिंग अ सॉन्ग खत्म मेन वर्ब के आगे नॉट लगाना है उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें कोई ऐसा है ही नहीं जो आप ना कर पाओ ठीक है अब देखो यहां पर अपने को कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ेंगे तो फिर से तुम लोग दोबारा से लिख लो यहाँ पे लिखो प्रेजेंट फिर यहाँ पे लिखो past, और फिर आगे लिख दो future. अब पहले समझते हैं कॉन्टिन्यूस टेंस होता क्या है क्योंकि समझ नहीं आएगा तो करेंगे क्या खाक तो देखो व्हाट इज कॉन्टिन्यूस टेंस कोई काम जो कॉन्टिन्यू हो रहा है ठीक है कोई काम कॉन्टिन्यू हो रहा है जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं बताना मुझे कॉमेंट सेक्शन में अभी हम क्या कर रहे हैं पांच मिनट का ब्रेक चाहिए यार तुम पागल तो नहीं हो गए अभी हमने तो एक भी टॉपिक खत्म नहीं किया एक एक टॉपिक के बाद दूंगी पांच-पांच मिनट का ब्रेक अभी नहीं दूंगी ब्रेक टेंसस के बीच में थोड़ी बेटा ब्रेक मिलता है कैसी बात कर रहे हो आप आधा घंटा हुआ अभी क्लास को शुरू हुए हाँ भाई अभी हम क्या कर रहे हैं ये बताओ मोए मोए मत करो अभी मोए मोए इंस्टाग्राम पे कर लेना हम्म शबाश अब सारे बच्चे बोल रहे पढ़ रहे हैं है ना रहे हैं तो यहां पर रहे हैं रहा है रही है, ये सब है प्रेजेंट यानी कि कोई काम जो हम कर रहे हैं, जो कोई काम जो चालू है अभी ठीक है अब जैसे अगर कुछ बच्चे सो रहे हैं तो वो बोलेंगे हम सो रहे हैं कुछ बच्चे हम खा रहे हैं कुछ बच्चे हम जा रहे हैं हम पढ़ रहे हैं मतलब कोई काम जो आप अभी कर रहे हो एट द मोमेंट कर रहे हो मुझसे पूछो मैं बोलूंगी मैं पढ़ा रही हूँ मैं पानी पी रही हूँ है ना मैं बात कर रही हूँ मैं समझा रही हूँ कोई काम जो हम अभी कॉन्टिन्यू कर रहे हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है कोई काम हो रहा था रही थी रहे थे पहला वाला वर्ड सेम रहेगा रहा 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 लास्ट में है और था बदलेगा है मतलब प्रेजेंट था मतलब पास्ट ठीक है अब इसका क्या मतलब है देखो बेटा इसका मतलब है कि कोई काम पास्ट में कंटिन्यू हो रहा था समझ में आया कोई काम क्या हो रहा है कोई काम पास्ट में कंटिन्यू हो रहा है जैसे मान लो अगर हम कल की बात करें कल हम फिफ्टी क्वेश्चन कर रहे थे मैं बोलू अरे कल की क्लास में हम क्या कर रहे थे तुम बोलो मैम कल की क्लास में तो हम पचास क्वेश्चन कर रहे थे मतलब कल की डेट में वो काम कॉन्टिन्यू हो रहा था अभी नहीं हो रहा है मैम कल तो इस समय ना हम सो रहे थे मैम कल इस समय ना हम जा रहे थे मैम कल इस समय हम ट्रेन में थे ट्रेन में जा रहे थे समझ में आया तो कोई काम जो पास्ट में कॉन्टिन्यू हो रहा था दैट इज योर पास्ट कॉन्टिन्यूस ठीक है और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस क्या है जो कोई काम हो रहा होगा रहा होगा या रही होगी या रहे होंगे ठीक है मान लो आप लोग मिलने आते हो मुझसे मेरे घर और मैं बोलू अरे बेटा तीन बजे मत आना तीन बजे तो मैं पढ़ा रही होंगी तो पढ़ा रही होंगी मतलब फ्यूचर में कोई काम मेरा कंटिन्यू हो रहा होगा ठीक है अरे मैम अट्ठाईस तारीख को तो हम लोग छब्बीस तारीख को तो हम लोग पेपर दे रहे होंगे समझ में आया यूपी बोर्ड वाले बोलेंगे अरे चार मार्च को तो हम लोग इंग्लिश का पेपर दे रहे होंगे सो दैट इज योर फ्यूचर कंटीन्यूअस कि कोई काम आप लोगों का फ्यूचर में कंटिन्यू हो रहा होगा समझ में आया तो इसे बोलते हैं हम कंटीन्यूअस टेंस अब अच्छा एक बात बताओ जब भी आप कोई काम करते हो है ना तो हमें इस समाज में एक दूसरे की मदद की जरूरत पड़ती है यस और नो मतलब सारे कामों में नहीं पर जो हमारे बाहर के काम हैं उनमें हमें ज़रूरत पड़ती है कि नहीं अब जैसे अगर आपको पढ़ना है तो आपको मेरी ज़रूरत है मेरी हेल्प की ज़रूरत है राइट मुझे पढ़ाना है तो मुझे इस बोर्ड और पेन की हेल्प की ज़रूरत है राइट आपको खाना बनाना है तो गैस की हेल्प की ज़रूरत है मम्मी जब बहुत थक गई तो मम्मी को आपकी हेल्प की ज़रूरत है कहने का क्या मतलब है कि हम सबको हेल्प की ज़रूरत है यस और नो तो कोई काम कंटिन्यू करने के लिए हो सकता है हम काम अकेले शुरू करें बट कंटिन्यू करने के लिए हमें हेल्प की ज़रूरत है मान लो एक एक्स बंदा एक फलाना कंपनी खोलता है ठीक है आज की डेट में मान लो मैं एक्स बंदा हूँ मैंने एक फलाना कंपनी खोल दी अब खोल तो मैंने अकेले दी बट उसे आगे बढ़ाने के लिए उसे कॉन्टिन्यू करने के लिए मेरे को लोगों की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं मान लो मैंने सोचा मैं अपनी कंपनी खोल दूं अब मुझे उसमें उसमें के के टीचर की पड़ेगी, मुझे उसमें साइंस के टीचर की पड़ेगी, के टीचर की ज़रूरत ज़रूरत पड़ेगी ना? तो मैं नहीं पढ़ा सकती। हेल्प की पड़ेगी मुझे मुझे साइंस याद रखना है भाई, में भी, करने कुछ चीजें आती है जिन्हें हम हेल्पिंग बोलते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं हेल्पिंग बोलते हैं समझ में आया अब यहां पर देखो अब अब मेरी बात को ढंग से सुनना सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट क्योंकि भाई सब्जेक्ट ही नहीं होगा तो काम कौन करेगा चाचा हमारे नहीं तो सब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है समझ में आया बिल्कुल आ गया ठीक है अब सब्जेक्ट के बाद आप लोगों को क्या करना है हेल्प हेल्पिंग वर्ब तो प्रेजेंट टेंस की हेल्प के लिए कौन आता है तीन लोग आते हैं इज एम और आर ठीक है अब मैम ये इज एम आर लगेगा कहां बेटा बहुत आसान है सिंगुलर के साथ इज लगाओगे आई के साथ एम लगाओगे और प्लूरल के साथ आर लगाओगे ये तो हमें बचपन में ही सिखा दिया जाता है ठीक है अब इसके बाद अपने को क्या लगाना है जब एम आर लगा दिया तो प्लस करके आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या बोला था हर जगह फर्स्ट फॉर्म जब तक मैं मना ना करूं फर्स्ट फॉर्म लगाते जाओ तो फर्स्ट फॉर्म लगा दिया अब कोई काम कंटिन्यू हो रहा है तो आप आईएनजी लगाओगे इस बात को गाठ बांध लो कि कॉन्टिन्यूस टेंस में अपन आईएनजी लगाते ही हैं ठीक है कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या करते हैं हम आईएनजी लगाते ही हैं ठीक है ठीके? तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट ठीक अब मान लो मान लो मुझे बोलना है कि प्रिया गाना गा रही है क्या कर रही है गाना गा रही है अभी कॉन्टिन्यूएशन में है कि वो गाना गा रही है तो क्या बनाऊंगी मैं इसका जल्दी से बताओ क्या बनाऊंगी मैं बेटा अभी मैं सारे टॉपिक पढ़ाऊंगी एकदम से मैं वही बोल रही हूँ बेटा थोड़ा सा पेशेंस रखो मेरी जान है ना थोड़ा सा पेशेंस रखो मैं धीरे धीरे सब पढ़ाऊंगी अब तुम देखो कितने भारी भारी टॉपिक है इकट्ठे कैसे सब पढ़ा दू एक ही तो जबान है मेरे पे कितना ही बोल पाऊंगी मैं भी थकूंगी ना तो मैं धीरे धीरे सब पढ़ाऊंगी आज की क्लास में थोड़ा सा पेशेंस रखो नरेशन भी करेंगे नरेशन भी कराना है मुझे हाँ शबाश तो हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे प्रिया अब प्रिया सिंगुलर है बिल्कुल है मैम प्रिया सिंगल नहीं है मैं पहली बता दू कुछ बच्चे इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं गर्लफ्रेंड बनाने के लिए कि उन्हें सिंगुलर भी सिंगल सुनाई देता है जैसे अभी एक बच्चा बोल रहा था क्रश नहीं मिल रही ठीक है थीके? सो प्रिया इज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाया इज हमने अब sing और ing singing a song तो जहां पर भी आप लोग देखो पहचानना कैसे है जहां पर भी देखो कि भाई इज एम आर में से कोई हेल्पिंग वर्ब लगा है और वर्ब के साथ आई है तो अब आप पहचान पाओगे ना कि भाई ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है यस और नो जल्दी बताओ पहचान पाओगे कि नहीं पहचान पाओगे थिंग yes, no, कुछ तो बोलो भाई पहचान लोगे ना क्योंकि है 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 की फर्स्ट फॉर्म तो अपने को पता चल जाएगा कि भाई हाँ ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है ऐसी मैं बोलू अगर दे आर गोइंग टू स्कूल तो आर लगा है वर्क की फर्स्ट फॉर्म है आई एनजी पहचान जाएंगे भाई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है प्रेजेंट में बात हो रही है अब मैम पास्ट का अलग से रूल याद करें क्या कोई जरूरत नहीं है अलग से रूल याद करने की अगर ये रूल याद हो गया तो ये तो अपने आप हो जाएगा ठीक है कैसे होगा मैम अपने आप मैं बताती हूँ सबसे पहले सब्जेक्ट हाँ ठीक है अब इसकी हेल्प के लिए तो आ गए मैदान में पास्ट की हेल्प के लिए कौन आएगा बच्चों लोग बोलते हैं पास्ट को भूल जाओ भूल जाओ भाई ऐसे कैसे भूल जाए पास्ट की हेल्प के लिए कौन आएगा तो पास्ट की हेल्प के लिए दो लोग आए हैं वॉज और वर सिंगुलर है तो भाई वॉज लगाएगा और प्लुरल है तो भाई वर लगाएगा

वे स्कूल जा रहे थे हा वेरी गुड सब्जेक्ट आ जाएगा दे अब दे मेरा प्लूरल है तो मैं लगाऊंगी वर दे वर गोइंग टू स्कूल तो अब जिस भी सेंटेंस में मुझे वॉज वर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी दिख गया मेरे को पता चल जाएगा ना भाई पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है राइट right? ऐसा तो नहीं है ना कि मुझे पता ही नहीं चलेगा बॉडम थोड़ी है इतना समझने के बाद पता तो चलेगा ही ठीक है चलो अब आ जाओ फ्यूचर पे अब यार देखो मैंने तुम्हें पहले ही समझा दिया था कि बेटा फ्यूचर का बेस्ट फ्रेंड कौन है सब्जेक्ट प्लस विल और शैल तो ये तो आएगा ही इसे तो भगवान भी जुदा नहीं कर सकते ये तो आएगा ही ठीक है तो सब्जेक्ट और विल और शैल तो है ही ये तो हमने दिमाग में आप लोग बिठा लो कुछ मर्जी कर लो अब इसके बाद हमें क्या करना है अच्छा मैम यहाँ पर तो हेल्प ईजेमान ने कर दी मैम यहाँ पे तो हेल्प वॉज वर्ड ने कर दी मैम यहाँ कौन हेल्प करेगा यहाँ पे हेल्प करेगा बी यहाँ पे तीन लोग थे हेल्प के लिए यहाँ पे दो है यहाँ पर बेचारा एक ही है ठीक है तो यहां पर आएगा हमारे पास बी बी और ई बाकी बाकी कुछ नहीं टेप दो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट खत्म तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को दिमाग में रखने की जरूरत है समझ में आया केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब को दिमाग में रखने की जरूरत है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज एम आर पास्ट कंटीन्यूअस में वॉज और वर और फ्यूचर कंटीन्यूअस में बी ठीक है अब अगर मैं बोलूं कि वे स्कूल जा रहे होंगे ठीक है वे खाना खा रहे होंगे वे आज लड़ रहे होंगे तो मैं कैसे बनाऊंगी ये वाले सेंटेंसेस सो दे विल बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी गोइंग टू स्कूल समझ में आया तो अब जहां पर भी आप देखो कि विल के साथ लगा है verb की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी समझ जाएंगे भाई फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के वाक्य है ठीक है बेटा हेल्पिंग वर्ब है ना वो विल और शैल के बाद बी आएगा ना फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में ठीक है चलो तो अभी ये क्लियर हो गया कि नहीं मुझे एक बार बताओ फटाफट फड़ से फिर हम बढ़ रहे हैं, तीसरे टेंस पे टोटल चार टेंस चार टाइप के टेंस हैं ठीक है थीके? तो हमने दो पढ़ लिए सिंपल पढ़ लिया कॉन्टीन्यूस पढ़ लिया अब हम चलेंगे परफेक्ट टेंस के ऊपर ठीक है और क्वेश्चन भी करेंगे अभी ये मत सोच रहा कि अरे पढ़ लिया अब तो नेक्स्ट टॉपिक क्वेश्चन करेंगे पहले क्वेश्चन ठीक है So, फिर से एक बारी लाइन खींचने की प्रोसेस को करते हैं बच्चों चालू इस बारी खींचेंगे रेड कलर की लाइन क्लोन ठीक है वन लास्ट लाइन मजाक क्यों करता आ रही है मेरे साथ मारो मुझे हुँ. चलो सो so, ये समझ में आ गया सभी को ठीक है अब हम क्या करेंगे परफेक्टेंस तो अब आप मुझे बताइए इस दुनिया में क्या कोई परफेक्ट है चलो जल्दी बताओ विचार सुनना चाहती हूँ कोई परफेक्ट है क्या हाँ भाई कोई परफेक्ट लगता है आपको लोगों के सुपरचार्ट बढ़ते मेरे कम हो गए ऐसा क्यों कर रहा है यूट्यूब मेरे साथ भाई बताओ लोगों को तो मुझसे प्रॉब्लम थी यूट्यूब को भी मुझसे प्रॉब्लम हो गई है हाँ जी नहीं है ना कोई परफेक्ट यहाँ पर भाई सब में अपनी कमियां है भाई राइट बट बच्चों टेंस में परफेक्ट है ठीक है अब ये चीज अपनी कॉपी में लिख लेना मैंने क्या बोला था जब तक मैं ना बोलू फर्स्ट फॉर्म लगाते जाओ अब मैं बोल रही हूँ रुक जाओ मैं बोल रही हूँ थम जाओ परफेक्ट टेंस में सारे परफेक्ट टेंस में हम लगाएंगे वी थ्री यानी कि थर्ड फॉर्म केवल परफेक्ट टेंस में ही लगाएंगे बाकी किसी टेंस में नहीं लगाएंगे अब चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो ठीक है तीनों में ही हम लोग क्या करेंगे थर्ड फॉर्म लगाएंगे तीनों में परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म आएगा मेरी आवाज को दिमाग में बिठा लो और में आएगी एच फैमिली याद रखना कौन आएगा एच फैमिली ऐसे याद रखो ना ये हम तीसरे नंबर पे पढ़ रहे हैं पहले हमने सिंपल पढ़ा फिर हमने कॉन्टिन्यूस पढ़ा अब हम परफेक्ट पढ़ रहे हैं तीसरे नंबर पे पढ़ रहे हैं तो इसलिए थर्ड फॉर्म आएगी ऐसे याद रख लो और एच फैमिली आएगी एच फैमिली क्या होती है अभी देखेंगे क्या होती है तो सबसे पहले हमेशा की तरह सब्जेक्ट अब यहाँ पे हेल्प करेगा एच फैमिली में से हैस फिर आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट ठीक है अब हैव और हैज जहां पर भी लगा हो समझ जाना कि वो हमारा परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है क्योंकि क्या इससे पहले कहीं हैव हैज आपने लगा हुआ देखा जल्दी से बताइए कहीं पर भी क्या आप बच्चों ने इससे पहले हैव और हैज को लगा हुआ देखा नहीं तो हैव और हैज जहां पर आएगा थर्ड फॉर्म के साथ समझ जाना परफेक्ट टेंस है ठीक है अब देखो हैव किसके साथ लगाओगे प्लूरल के साथ जैसे कि आई हो गया एक्सेप्शनल यू हो गया वी हो गया दे हो गया और हैज लगेगा सिंगुलर के साथ जैसे कि ही हो गया शी हो गया इट हो गया किसी का नाम हो गया ठीक है तो हैव और हैज समझ जाना हैव आपकी प्लूरल वर्ब है हैज आपकी सिंगुलर वर्ब है गॉट इट चलो अब ये होता क्या है पहले ये तो समझा दो मैम परफेक्ट टेंस का मतलब क्या है देखो बेटा परफेक्ट टेंस मतलब कोई काम हो चुका है जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ चलो ब्रेकफास्ट कर लिया क्वेश्चन का आंसर दो तो जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट हो गया क्या सबका हाँ जी हाँ तो कुछ बच्चे बोलेंगे मैम ब्रेकफास्ट हो चुका है यानी कि बात आज ही के दिन की हो रही है बात किसकी हो रही है आज ही के दिन की प्रेजेंट की बात हो रही है कुछ लोग बोलेंगे नहीं हो चुका है है ना तो बात हो रही है आज ही के दिन की बट आज के ही दिन में कोई ऐसा काम जो आप कर चुके हो दैट इज योर प्रेजेंट परफेक्ट समझ में आया मान लो अगर आप लोग स्कूल से आते हो और आप चले ट्यूशन और आपके दोस्त ने पूछा रहे यार होमवर्क कर लिया तो बोलो भाई होमवर्क तो मैं कर चुका हूँ यानी कि बात हो रही है आज के होमवर्क की बात प्रेजेंट की हो रही है बट प्रेजेंट में भी कोई ऐसा टास्क कोई ऐसा काम जो आप जस्ट कंप्लीट कर चुके हो दैट इज योर प्रेजेंट परफेक्ट समझ में आया जैसे कि मैं स्कूल जा चुकी हूँ वह गाना गा चुकी है वह खाना खा चुके हैं इस टाइप से ठीक है अब अगर मुझे बोलना है कि मीना स्कूल जा चुकी है तो अपन यहां पर क्या बोल सकते हैं सब्जेक्ट क्या है मीना ठीक है अब मीना सिंगुलर है बिल्कुल है तो हैज लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन टू स्कूल अगर प्लूरल होता दे होता तो हम हैव हाँ लगाते हैं. दे हैव हाँ गॉन टू स्कूल समझ में आया यार यस yes, मैम तो बोल दो यार ठीक है अब पास्ट परफेक्ट क्या होता है कोई काम भाई पास्ट में हो चुका था भाई जब तू मेरे घर आया ना तब तक तो भाई मैं पिट चुका था ठीक है मतलब बात हो रही है पास्ट की पास्ट में कोई काम आपका हो चुका था यानी कि आज की बात नहीं कर रहे हैं बात कर रहे हो मान लो कल की बात कर रहे हो आप परसों की कि भाई तुझे पता है जब तू परसों मेरे घर आया था ना तब तक तो भाई मैं पिट चुका था

पूरे परफेक्ट टेंस में आपको थर्ड फॉर्म ही लगाना है ठीक है तो वो स्कूल जा चुके थे वो खाना खा चुके थे उन्होंने खाना खा लिया था ये टाइप के सेंटेंस होते हैं पास्ट परफेक्ट ठीक है सो मीना हैड गोन होगा मीना हैड स्कूल दे देयर या देयर ब्रेकफास्ट समझ में आया मैम नरेशन करेंगे हाँ बेटा करेंगे थोड़ा सा पेशेंस रखो सब करेंगे ठीक है चलो अब फ्यूचर परफेक्ट में क्या है भाई मैंने तो पहले ही बोला था कि सब्जेक्ट के साथ विल शैल तो आएगा ही क्योंकि वो उसका बेस्ट फ्रेंड है बट अब यहाँ पर एक दिक्कत आती है दिक्कत क्या तुम्हें पता ही है बच्चों प्रेजेंट लालची है हम खुद कितने लालची है प्रेजेंट टेंस में सबको पता है कि नहीं तो प्रेजेंट टेंस ने लालच लालच में हैव और हैज दोनों हेल्पिंग वर्ब ले ली पास्ट को हैड मिल गया अब फ्यूचर बेचारा यूँ खड़ा है निठल्लो की तरह कि मुझे क्या मिलेगा लाइफ में मैं क्या लूं तो प्रेजेंट टेंस बोलता है एक बात सुन मेरी एक काम करते हैं भले ही मैंने हैव हैज ले लिया तू हैव ले ले पर तू तो विल और शैल के साथ ही हैव लगा सकता है है ना क्योंकि तेरा तो बेस्ट फ्रेंड है विल और शैल उसकी जगह तो कोई लेगा नहीं फ्यूचर में बात हो रही है तो विल और शैल के साथ हैव लगा लियो बस ठीक है तो यहाँ पर क्या हुआ विल और शैल के साथ हैव हाँ लगाने के लिए दे दिया वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे हैव हाँ, फ्यूचर परफेक्ट में कभी भी हैव हाँ अकेला नहीं होगा हमेशा फ्यूचर है तो ऑब्वियसली विल और शैल होगा ही गॉट इट तो कोई काम हो चुका होगा कि अच्छा जब तक तुम मिलने आओगे मैं क्लास ले चुकी होंगी है ना जब तुम लोग अपने मम्मी पापा के साथ पहुंचोगे मैं काम खत्म कर चुकी होंगी तो फ्यूचर में मेरा कोई काम ऐसा जो मैं कंप्लीट कर चुकी होंगी उसे मैं क्या बोलूंगी फ्यूचर परफेक्ट समझ में आया उसे मैं क्या बोलूंगी फ्यूचर परफेक्ट इज दैट क्लियर येस और नो ठीक तो इस टाइप का सेंटेंस कैसे बनाओगे दे गॉन टू स्टेशन वो स्टेशन जा चुके होंगे तो जब भी आप देखो आपके सेंटेंस में विल के साथ हैव हाँ है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है आप समझ जाना कि ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है सबको समझ में आया परफेक्ट टेंस हां जी खाली परफेक्ट टेंस ही एक ऐसा टेंस है जहां पर आप वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओगे बाकी दुनिया में किसी भी टेंस के साथ आपको थर्ड फॉर्म नहीं लगाना ठीक है इतना समझ में आ गया चलो अब यहां पर एक छोटी सी बात है जो आपको ध्यान रखनी है क्या बात है मैं बताती हूं कभी आपने इस टाइप के सेंटेंस देखे आ... ठीक है और एक और टाइप है इस टाइप के सेंटेंसेस कभी देखे है? किस टाइप के सेंटेंस मैम जिसमें बिफोर और आफ्टर आता है इस टाइप के सेंटेंस बेटा नेगेटिव में स्नेहा पटेल केवल नॉट लगाना है दे हैव नॉट दे पहले आप नॉट लगाओगे जिनका अलग था जैसे डू डिड वो मैंने समझाया जिनका नेगेटिव नहीं समझाया उन सब में मेन वर्ब से पहले नोट लगेगा ठीक है उनमें कुछ अलग नहीं है तो अभी ये जो बिफोर और आफ्टर वाले सेंटेंस है ना इनका एक रूल है ठीक है अच्छा मैंने ही दिखाया ये सेंटेंस ठीक है तो इनका ना एक रूल है रूल क्या है देखो अगर पेपर में कोई ऐसा सेंटेंस आता है जिसमें बिफोर और आफ्टर लगा हुआ है तो हमेशा एक बात को बांध लेना और याद रखना कि बिफोर से पहले आप लोग हमेशा क्या लगाएंगे बिफोर का मतलब क्या होता है हिंदी में जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में बिफोर का मतलब क्या होता है हिंदी में पहले बिफोर आफ्टर किया ना मैथ्स में बचपन में वन के बाद टू टू से पहले वन राइट तो बिफोर मतलब पहले तो बिफोर से पहले आप हमेशा लगाएंगे पास्ट परफेक्ट और बिफोर के बाद वाले फिलिम द ब्लैंक में हमेशा आप लगाएंगे सिंपल पास्ट कहने का मतलब क्या है रूल क्या है इनका तो पास्ट परफेक्ट मतलब हमेशा यहां पर आएगा प्लस जो भी होगा उसका थर्ड फॉर्म और सिंपल पास्ट मतलब हमेशा यहां वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा अब मान लो यहां पर आपको वर्ब दे रखा है लीव और यहां पर आपको वर्ब दे रखा है रीच तो क्या लगाएंगे हम यहां पर हम क्या लगा सकते हैं तो लीव में सबसे पहले हैड लगाएंगे क्योंकि हैड के साथ लगाना है थर्ड फॉर्म लेफ्ट तो द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी और रीच का केवल सेकेंड फॉर्म लगाना है तो रीच बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन समझ में आया ठीक है अब आफ्टर में क्या करना है इसका बिल्कुल उल्टा आफ्टर मतलब क्या होता है बाद आफ्टर का मतलब क्या है कोई काम बाद में हो रहा है राइट कोई काम बाद में हो रहा है तो यहां पर आप क्या करोगे बाद में पास्ट लगाओगे उल्टा हो जाएगा और पहले सिंपल पास्ट लगाओगे तो मान लो यहां पर आपको वर्ब दे रखा है काम और यहां पर वर्ब दे रखा है तो क्या आएगा यहां पर बताओगे जल्दी जल्दी बताओगे यहां पर क्या आएगा हां जी यहां क्या लगाएंगे अपन हाँ तो यहां पे अगर सिंपल पास्ट है तो केम हो जाएगा द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट अब पास्ट परफेक्ट है तो क्या लगाएंगे हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, ठीक तो इस छोटी सी चीज को अपने दिमाग में हमेशा याद रखना इतना समझ में आया तो एक बार येस कर दो। फिर हम चल रहे हैं लास्ट टेंस पे, जो हमारा लास्ट टेंस बचा है वो है परफेक्ट कॉन्टीन्यूस तो अगर मैं आपको पीछे लेकर चलू हमारे चार्ट के ऊपर ये रहा तो इसमें से हमने सिंपल टेंस करा तीनों का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हमने कॉन्टीन्यूस टेंस करा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हमने परफेक्ट टेंस करा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर अब हम लोग करने वाले हैं लास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस इसके बाद दूंगी दस मिनट का ब्रेक दूंगी आराम से पानी वानी पीना थोड़ा सा वॉक वगैरह करना रिफ्रेश होना और फिर हम हमारा दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे ठीक है दूंगी इसके बाद दस मिनट का ब्रेक बट पहले टेंसेस खत्म करने दो बीच में नहीं उठना जब भी बीच में उठने का मन किया करे ना तो खुद को थोड़ा सा पुश किया करो कि नहीं यार लास्ट बचा यार कर लेता हूँ है ना मेरी पढ़ाई हो रही है मेरे ही काम आएगा मुझे ही बोर्ड में काम आएगा थोड़ा सा मेहनत कर लेता हूँ भगवान फल देगा ऐसे सब बोला करो खुद को ठीक है चलो सो so, यहाँ पे लाइन खींचते हैं Clone. दूसरी लाइन अब एक तीसरी लाइन All right. so, यहाँ पे परफेक्ट क्वीन हम लोग देखने वाले हैं प्रेजेंट का past का और फ्यूचर का अच्छा एक बात बताओ परफेक्ट क्वीन्यूअस नाम सुना सुना सा नहीं लग रहा तुम लोगों को अब मैं हमेशा ही एक ही बात बोलती हूँ वो मैं वही वही बात मैं अभी रिपीट करूंगी है ना कि अभी हमने परफेक्ट टेंस भी पढ़ा अभी हमने कॉन्टिन्यूस टेंस भी पढ़ा तो परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस को मिलाकर एक टेंस भी बन गया यानी कि ये तो चोर निकला हमेशा मैं बोलती हूँ हर क्लास में कि ये चोर है है कि नहीं चोर तुम्हारे अकॉर्डिंग चोर है कि नहीं जिसने नाम ही चुरा लिया तो वो अंदर की चीजें तो चुराएगा ही ना बताओ राइट right. कैसे चोर है क्यों है चोर देखो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टेन तो अभी हम लोग पहले प्रेजेंट परफेक्ट के पास चलते हैं और इससे पूछते हैं भाई तेरे पे चोरी करने लायक क्या है अब ये बोलेगा भाई देख लो जो सही लगे चोरी करके ले जाओ देखो वर्ब का थर्ड फॉर्म तो मैं तुम्हें दे नहीं सकता क्योंकि ये तो केवल परफेक्ट टेंस के पास ही है और तो कहीं लगता ही नहीं है तो ये तो मैं दे नहीं सकता बचा क्या मेरे पे सब्जेक्ट और हैव हैज बचा मेरे पे तो इस चोड़ ने क्या करा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ने क्या करा भाई इसने तुम्हें यकीन नहीं होगा क्या करा इसने इसने सब्जेक्ट भी ले लिया और हैव और हैज भी ले आया अब अब क्या हुआ अब इसके जो घर वाले जो बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने बोला यार ये मत कर गलत काम है मत कर मत कर तो इसने उन्हें पागल बनाने के लिए क्या करा अपना बीन लगा दिया बोलता अरे देखो मैंने कहा चोरी करी है उनके पास तो बीन नहीं है मेरे पास तो बीन है बी डबल ठीक है ठीक है भाई अब आगे क्या हुआ अब ये जाते टेंस के पास यहाँ देखो पीछे अब कॉन्टिन्यूस टेंस के पास जाकर बोलता है देखो भाई हेल्पिंग वर्ब तो मैंने चुरा ली परफेक्ट टेंस से ठीक है तेरे पास मुझे देने दे लायक क्या है बोलता भाई जब तूने खुद ही चुराना है तो मुझसे क्यों पूछ रहा है

यानी कि इन दोनों में से कोई एक चीज और टाइम समझ में आया तो इसी तरीके से आपको ये रूल याद करना है बच्चे डर जाते हैं कि अरे रूल बहुत बड़ा है, बहुत है। कोई कंफ्यूजिंग नहीं है ठीक है कोई कंफ्यूजिंग नहीं है आपको समझना है रूल को और अकॉर्डिंगली आपको याद करना है अब पहले समझते हैं कि इस टाइप के टेंसेज होते क्या है फिर हम और समझेंगे ठीक है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आखिर में क्या है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या डिफरेंस है? देखो अगर मैं बोलू कि मैं पढ़ा रही हूं, ये कौन सा टेंस है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो मेरे को अगर मैं आप लोगों को बोलूं, मैं पढ़ा रही हूं ये कौन सा टेंस है जल्दी जल्दी बताओ सिंस और फॉर बताऊंगी वही बोल रही हूँ सब्र करो मैं खुद से एक एक चीज बताऊंगी रुक जाओ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है ना मैं पढ़ा रही हूँ रही हूँ आ रहा है अगर मैं बोलूँ कि मैं साढ़े दस बजे से पढ़ा रही हूँ ये क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मैं शाम से पढ़ा रही हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मैं पिछले साल से पढ़ा रही हूं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आपको टाइम जरूर दिया होगा कि कोई भी काम जो चल रहा है या कोई भी काम जो हो रहा है वो आखिर कब से हो रहा है ये आपको जरूर बताया गया होगा समझ में आया यही डिफरेंस है बस ठीक है, जैसे अगर मैं बोलू मैं लिख रही हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भाई मैं पिछले हफ्ते से लिख रही हूँ पर, पर कहा लगाएं और फॉर कहा लगाएं बस क्योंकि बाकी सब तो उन्हें पता ही कहा लगाना है Have has अभी अभी सीख कर हमें कहां लगाना है परफेक्ट टेंस में तो सब पता है बट मैम सिंस और फॉर कहाँ लगाएं देखो मैं बताती हूँ तो एक छोटी सी ट्रिक है जिसको आपको दिमाग में रखना है अगर आपने रख लिया तो आप कभी भी सिंस और फॉर लगाने में कंफ्यूज नहीं होंगे ठीक है कभी नहीं होंगे देखो अगर आपके क्वेश्चन में कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है मान लो चार लिखा है न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है कोई भी नंबर है मान लो चार है छ है आठ है पांच है दस है कोई भी नंबर लिखा है और अगर नंबर के आगे अगर नंबर के आगे मान लो कोई मंथ है मंथ में ये नहीं है कि जनवरी है ना अप्रैल जुलाई ये सब नहीं एम ओ एन टी एच ये स्पेलिंग लिखी होनी चाहिए मंथ तो ऐसे कुछ लिखा है ईयर्स लिखा है डेज लिखा है आवर्स लिखा है वीक्स लिखा है अगर इस पैटर्न में आप कोई कुछ लिखा हुआ देखो तो आप फोर लगाओगे वरना आप सिंस लगाओगे ठीक है जैसे मान लो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है मान लो इवनिंग लिखा है कि भाई मैं तो शाम से कर रहा हूँ है ना मैं सुबह से कर रहा हूँ मैं लास्ट ईयर से कर रहा हूँ मैं लास्ट मंथ से कर रहा हूँ मैं तो 1920 से कर रहा हूँ तो इन सब के साथ आप सिंस लगाओगे समझ में आया तो अगर न्यूमेरिकल वैल्यू कोई नंबर है उसके आगे ये शब्द लिखे हैं तो आप फोर लगाओगे अपनी डायरी में लिख लो अन्यथा आप सिंस लगाओगे क्लियर कैन आई गेट मैम इफ इट्स क्लियर हाँ भाई बेटा अरमान खान मुस्कान कहाँ है ये बात तो हमें कभी भी पता चल जाएगी है ना मुस्कान घर पर है नहीं है सब हम बाद में पता चल लगा सकते हैं बट ये बाद में नहीं पता लगाएंगे हम पेपर चला जाएगा तो मुस्कान से आराम से पूछ लेना वो कहाँ है क्या कर रही है पहले पढ़ लो ठीक है अब देखो अगर मुझे सेंटेंस बनाना है या मान लो मान लो मेरे पेपर में अगर ये दे रखा है मैं बताती हूँ पेपर में क्या दे रखा है दे डैश अ प्रोजेक्ट सिंस लास्ट वीक ब्रैकेट में दे रखा है राइट अब अब आप में इतनी अकल होनी चाहिए आप में इतनी कॉमन सेंस अभी तक आ जानी चाहिए कि अगर हमारे सेंटेंस में फॉर या सिंस में से कुछ लगा है और हमें टाइम भी दे रखा है तो ये हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है इतनी अकल आ जानी चाहिए समझ में आया तो इतनी अकल आ गई तो पता होना चाहिए कि भाई प्लूरल है हम हैव लगाएंगे बीन लगाएंगे वो की फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी राइटिंग लगाएंगे सो दे हैव बीन राइटिंग अ प्रोजेक्ट सिंस लास्ट वीक समझ में आया हाँ भाई आ गया क्या समझ में यहाँ मेरा गला फट गया खाली पेट बोल बोल के यहाँ तुम्हें बता ही नहीं रहे हो समझ में आया कि नहीं बेटा महक दे has been नहीं होगा बेटा अभी बताया सिंगुलर है तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा ही के साथ शी के साथ Have, plural subject के साथ आएगा ठीक है अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में क्या है भाई देखो पूरा का पूरा रूल सेम है डिट्टो है पूरा का पूरा सेम है डिट्टो है सिर्फ डिफरेंस क्या है हेल्पिंग वर्ब का हैड पास परफेक्ट में हैड यूज होता था ना तो यहाँ पर हम हैड लगा रहे हैं बस बाकी पूरा रूल डिट्टो सेम है बीन की जगह बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर और टाइम पूरा सेम सेम सेंटेंस आ आ गया गया मतलब मतलब या ठीक है समझ में आया? Future perfect continuous क्या होता है देखो अब ये चोरी करके क्या लाया आधा तो परफेक्ट ही लिख दोगे ना Will or shall तो आए और शैल तो आएगा ही और ये यूज करता था वहां राइट right? इतना तो हमें पता ही है बाकी पूरा क्या सेम है

पीडीएफ मिलेगा बिल्कुल मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा हंड्रेड एंड टेन परसेंट मिलेगा इतना समझ में आ गया क्लियर है एक काम करते कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं ठीक है दस क्वेश्चन सॉल्व करते फिर आगे बढ़ेंगे Copy. इसको ना मुझे उसमें खोलना पड़ेगा एक सेकेंड रुक जाओ कहा गया भाई सब में हाँ. हाँ जी ठीक है तो दस क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि आप लोग कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो चलिए सो क्वेश्चन नंबर वन है अरे यार ये वाला थोड़ी खोलना था मैं इसमें तो आंसर ऑलरेडी दे रखे बच्चों एक सेकंड देना मेरे को इस पे कर लेते हैं। हाँ जी सो आई डैश टू द सुपर मार्केट ये आई डैश टू द सुपर मार्केट इसमें क्या होगा जल्दी बताओ इसमें क्या होगा आंसर अगर यस्टडे है सिंपली पास्ट टेंस की हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या लगाएंगे सिंपल पास टेंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या लगाएंगे यस, yes. तो हमें पता है कि हमें वेंट लगाना है सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन आई वेंट टू द सुपर मार्केट येस्टे ऐसे देखो लिखा है बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर के भाई इसी टाइम है ना इसी टाइम अगले साल तक आई डैश माई स्टडीज मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका होऊंगा समझने की कोशिश किया करो सेंटेंस को क्या लिखा है बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर यानी कि इसी टाइम अगले साल अगले साल मतलब हमें पता चल गया भाई फ्यूचर की बात हो रही है राइट right? अगर अगले साल बोला जा रहा है तो हमें पता है फ्यूचर बात हो रही है और कर चुका होगा दैट मीन्स फ्यूचर परफेक्ट की बात हो रही है अब फ्यूचर परफेक्ट का रूल अभी हमने क्या सीखा अगर फ्यूचर है तो विल तो आएगा ही आएगा फ्यूचर में परफेक्ट है तो विल हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म राइट तो ऑप्शन नंबर सी विल हैव कंप्लीटेड इज द करेक्ट आंसर ठीक है विल हैव कंप्लीटेड इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो दे डैश एट द पार्टी व्हेन आई अरराइव्ड ढंग से समझना दे डैश एट द पार्टी व्हेन आई अरराइव्ड मतलब पास्ट टेंस की बात हो रही है कि जब मैं पहुंचा जब मैं पहुंचा था दे डैश एट द पार्टी यानी कि वो क्या कर रहे थे रहे थे इज योर पास्ट कंटीन्यूअस है ना रहे थे मतलब पास्ट कंटीन्यूअस कि जब मैं पहुंचा वो तो ये कर रहे थे सो so, अगर पास्ट कंटीन्यूअस है तो हेल्पिंग वर्ब आएगा वाज योर वर्ब दे है तो वर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी सो दे वर डांसिंग एट द पार्टी व्हेन आई अरराइव समझ में आया नेक्स्ट एज द डेज पास आई डैश his शेडो जैसे जैसे दिन गुजरे मैं उसकी शेडो बन गया सो एज द डेज पास आई बिकम आई विल बिकम है या became. तो आप देख रहे हो कि सिंपल पास टेंस यूज हो रखा है तो हम यह क्या लगा सकते हैं जल्दी बताओ अगर सिंपल पास्ट टेंस यूज हो रहा है तो हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं क्वेश्चन नंबर तो लिख दो मुझे कैसे पता चलेगा किसका जवाब दे रहे हो यस ऑप्शन नंबर टू लीव फॉर कॉलेज कंटिन्यू मतलब कोई काम कंटिन्यू वो करता गया है ना? आई कंटिन्यूड एट वर्किंग आई कंटिन्यू टू वर्क या आई कॉन्टिन्यू टू वर्किंग क्या आएगा untill it was time to leave for college जब तक टाइम नहीं हो गया कॉलेज के लिए जाने का तब तक मैं क्या करता रहा मैं काम करता रहा सो सिंपली हमें क्या करना है वर्क का फर्स्ट फॉर्म लगाना है सिंपल सो आई कंटिन्यू टू वर्क वेरी गुड नेक्स्ट वी डैश गेम्स इन द इवनिंग एवरीडे वी डैश गेम्स इन द इवनिंग एवरीडे एवरीडे मतलब रोज़ आना। रोजाना कोई काम जो हम रोजाना ही कर रहे हैं मैंने पहले भी बताया था कोई ऐसा काम जो हम लोग कब कर रहे हैं जो हम लोग रोजाना कर रहे हैं तो हम यह क्या लगाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस राइट क्योंकि कोई काम जब आप लगातार कर रहे हो कोई काम जब आप रोजाना कर रहे हो तो वो सिंपल टेंस होगा सो हम देखेंगे सब्जेक्ट सब्जेक्ट तो प्लुरल है यानी कि एस ई एस नहीं आना सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी वी प्ले गेम्स इन द इवनिंग एवरी डे ठीक है चलो नेक्स्ट देखो शी यूजुअली डैश एट दी बैक ऑफ़ द क्लास अब यूजुअली का मतलब क्या है अगेन यूजुअली क्या सिंबलाइज करता है कि भाई जनरली वो वहीं बैठती है बैठती है ती है अगेन सिंपल प्रेजेंटेंस खाना के भाई ऐसा नहीं है आज बैठी थी कल नहीं बैठेगी ऐसा नहीं है कि आज कल बैठी थी परसों नहीं बैठेगी भाई वो बैठती ही है राइट right? तो हम यहां सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाएंगे सो so, शी हमारा सिंगुलर है बिल्कुल है तो एस ई एस लगाएंगे हाँ जी तो ऑप्शन नंबर डी शी यूजुअली सिट्स सिट नहीं होगा क्यों नहीं होगा सिट क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लुरल नहीं है सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हम सिंपल प्रेजेंट में एस ई एस लगाते हैं ठीक है नेक्स्ट द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड डैश इन द वेस्ट द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड डैश इन द वेस्ट अब कोई ऐसा काम है जो रोजाना होता है कोई फैक्ट है अगेन सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा यहां पर भी आप देख सकते हो सिंपल प्रेजेंट ही लगाए राइजेस तो क्या होगा आंसर सन तो एक ही है यस सेट्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर वेरी गुड नेक्स्ट ही डैश टू मी एवरी मंथ कोई ऐसा काम बच्चों जो हर महीने हो रहा है एवरी मंथ कोई ऐसा काम जो हम कब कर रहे हैं हर महीने हम लोग कर रहे हैं एक रूटीन बंधा हुआ है हमारा वो काम करने का है ना एक रूटीन में है हम उस काम को करने के सो so, क्या लगाएंगे? दो एक लगाएंगेड कर दो कोई नहीं। सिंपल हाँ. प्रेजेंट आएगा अब ही हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम वर्ब के साथ एस सी एस लगाएंगे सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी ही राइट्स टू मी एवरी मंथ नेक्स्ट this servant dash with us for 10 years this servant dash with us for 10 years अभी हम subject verb agreement करेंगे ना उससे भी आपको tenses में बहुत मदद मिलेगी वो तो मुझे लगता है सबको आना चाहिए क्योंकि वो बहुत बेसिक है वो चाहे आप किसी भी बोर्ड के बच्चे हो आपको आना चाहिए क्योंकि उसमें से आपको टेंसेज में उसमें आपको आर्टिकल्स में हर चीज में उससे उस, उस टॉपिक से आप लोगों को हेल्प मिलेगा सो दिस सर्वेंट डैश विद अस फॉर टेन इयर्स अब आप देखो कि यहाँ पे सिंस और फॉर में से फॉर लगा है टेन इयर्स टाइम भी दे रखा है राइट right? मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है अब आप देखो दिस सर्वेंट सिंगुलर है तो भाई अपन क्या लगाएंगे बीन वाला वैसे भी एक ही है तो हैज बीन वर्किंग समझ में आया बच्चों क्लियर हो गया इतना टेंसेस क्लियर है वी आर डन विद द टॉपिक टेंसेस एक टॉपिक हमारा आज का खत्म होता है टेंसेस क्लियर है पक्का ठीक है अब हम क्या लेंगे अब हम लेंगे थोड़ा सा ब्रेक बिकॉज जब भी हम लोग एक साथ पढ़ लेते हैं अब जैसे हमने एक साथ डेढ़ घंटा पढ़ा तो पाँच दस मिनट का ब्रेक बहुत ज़्यादा जरूरी होता है राइट थोड़ा सा ब्रेन को ठीक करने के लिए तो आप लोग कहीं जाना मत क्योंकि अभी हम बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आगे करने वाले हैं नरेशन अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम करने वाले हैं ठीक है तो अभी हम करेंगे तो दस मिनट का मैं आपको ब्रेक दूंगी उसमें आपको करना क्या है मैं बता के जा रही हूँ यहाँ बैठ के फ़ालतू की हरकतें नहीं करनी आपको थोड़ा सा उठना है बॉडी को थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेच करना है ठीक है पानी पीना है थोड़ा सा वॉक लेना है और वापस आना है तो मैं यहाँ पे आप टाइमर लगा कर जा रही हूँ और फिर हमें नेक्स्ट टॉपिक शुरू करना है सो आई होप कि आपको समझ भी आ रहा होगा और आप लोग क्लास को इन्जॉय भी कर रहे हो ठीक है सो टेन मिनट्स का ब्रेक है आई सी यू आफ्टर टेन मिनट्स जाना मत कहीं और जाओ तो वापस लौट आना आ गई भाई आ गई सब्र करो थोड़ा खा रही थी भाई मैं मैंने सोचा ब्रेड खा लू मैं जब तक ब्रेक है बट ब्रेक पहले ही खत्म हो गया बच्चों ठीक है सबको आने देते हैं आ जाओ सारे बच्चे जल्दी जल्दी आ गए सारे जल्दी जल्दी आ जाओ शेयर कर दो क्लास सबको बुला लो वापस ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये तुम्हें टेंसेस में भी काम आएगा ये हर एक बच्चे को आना चाहिए बेसिक से मुझे लगता है ये सेवेंथ एट क्लास के बच्चे को भी आना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत आसान है और तुम देखना इस uh, इस टॉपिक के बाद तुम खुद बोलोगे कि मैम हमारी बहुत ज्यादा हेल्प हो गई बहुत सारी चीजों में एक सैंडविच रख देती हूँ बाद में खा लूंगी बट ये वाला तो खत्म करने दो यार अभी जब मैं टेंसेस पढ़ा रही थी ना ऐसा लग रहा था गिर जाऊंगी कुछ खा नहीं था सुबह से मन कर रहा था बस चुप हो जा चुप हो जा अब खा के थोड़ा बेटर लग रहा है एनर्जी आ रही बोलने की थोड़ी मैम क्या खा रही है बेटा ब्रेड <laughs> ब्रेड बटर ये सीबीएसई वालों के लिए भी ये हर एक, हर एक बोर्ड के लिए है ये ये टॉपिक हर एक बोर्ड के लिए है मैं कराई अभी वो टॉपिक रही हूँ जो सब में कॉमन है ठीक है जल्दी जल्दी आ जाओ यार क्लास को दोबारा से शेयर कर दो ताकि बच्चों को पता चल जाए कि हम लोग शुरू करें मैं नहीं चाहती एक भी बच्चे का मिस हो जाए एक भी एक भी पॉइंट ठीक है रेडी हो चलो शुरू करते हैं नॉट बीन के पहले आएगा या बाद में पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है एक सेकेंड और दे देना बस चलो तो यार देखो हमें ना बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ऐसे क्यूट क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ना अपने को पता नहीं होता कि यार इज लगाए आर लगाए है ऐसा होता है कि नहीं जल्दी बताओ ऐसा होता है या नहीं होता कि इज आर लगाए है लगाए प्लूर लगाए, 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 लगाए एस लगना है नहीं लगना कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग बहुत ज्यादा राइट right? होते हैं कि नहीं होते कंफ्यूज तो ये वाला टॉपिक हमें यही सिखाता है कि हमें कहाँ पर कौन सी चीज लगानी है कहाँ पर अपने को ईज लगाना है कहाँ पर अपने को आर लगाना है पर अपने को कहाज लगाना है यही ये छोटे बच्चों की जो चीजें होती है ना यही चीजें हम लोग इस टॉपिक में सीखने वाले हैं तो mm. आप लोगों को मतलब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज कॉपी और पेन अपना साथ रखो और हर एक पॉइंट को शॉर्ट नोट बना के लिखो शॉर्ट नोट कैसे बनाना है मैं अभी आपको सिखाऊंगी ठीक है सबसे पहले सब्जेक्ट और एग्रीमेंट क्या होता है देखो किसी भी एक सेंटेंस में ना

ठीक है इनकी हो गई लड़ाई क्यों हो गई लड़ाई क्योंकि सब्जेक्ट बोल रहा है वर्ब तू ना ओवर स्मार्ट बन रहा है तू लड़कियों को ज्यादा इंप्रेस करता है और ना तू मुझसे आगे निकल रहा है तो वर्ब बोलता है भाई तू बता दे फिर क्या करना है तो सब्जेक्ट बोलता है भाई सुन कुछ रूल्स बना लेते हैं हम के अगर मैं सिंगल हूँ तो तू भी सिंगल यानी कि मैं सिंगुलर हूँ तो तू भी सिंगुलर आएगा और अगर मैं प्लूरल हूँ तो तू भी प्लूरल आएगा समझ में आया तो इसको बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो इन्होंने कुछ पंद्रह सोलह रूल्स अपने बनाए और वो पंद्रह सोलह रूल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक तो तो है बस, बस इतनी सी बात को अपने दिमाग में बिठाना है अपने को ठीक है अब देखो सबसे पहले सबसे पहले आप लोग इन एग्जाम्पल को देखो अभी अभी फ्रेश फ्रेश ताजा ताजा आप लोगों ने टेंसेस पढ़ा है तो आप लोग और बेहतर तरीके से चीजों को समझ पाओगे अब आप देखो ऊपर लिखा है अमर स्पीक इंग्लिश ढंग से देखना अब भाई अमर तो मेरा सिंगुलर है है ना और स्पीक यानी कि ई एस नहीं लगा और ई एस हम किसके साथ नहीं लगाते प्लूरल के साथ तो वर्ब अब तो प्लूरल हो गई तो भाई इसने बोला सुनने तो चीटिंग करी है तो ये सेंटेंस हो गया गलत तो अमर सिंगुलर है तो एस ई एस आना चाहिए तो अमर स्पीक्स इंग्लिश होना चाहिए ये सेंटेंस है क्लियर यानी कि इन शॉर्ट जो हम अभी टेंसेस में पढ़कर आए हैं ना उसे ही थोड़ा सा और अच्छे से 15-16 रूल्स में इन्होंने हमें बता रखा है दैट सेट कोई नई बात नहीं है जो आपने अगर आपने अभी टेंसेज अच्छे से पढ़े ना कि भाई हैज कहाँ लगेगा हैव कहाँ लगेगा इस कहाँ लगेगा एम कहाँ लगेगा आर कहा जो आपने अभी अच्छे से पढ़े ना उनी को इसने थोड़ा सा हमें और अच्छे से और डिटेल में और थोड़ा सा यू you नो know, बेटर तरीके से बता रखा है ठीक है? अब यहां पर देखो द स्टूडेंट मतलब द लग गया मतलब एक की बात हो रही है अभी आर्टिकल्स भी पढ़ेंगे आगे की द कहा लगना है कहाँ नहीं आगे पढ़ेंगे अभी रुक जाओ ठीक है तो एक की बात हो रही है तो आगे डू लगाए और अपने ने तो अभी अभी पढ़ा पढ़ा कि नहीं पढ़ा यस और नो मैम

शॉर्ट शॉर्ट नोट के फॉर्म में अपनी कॉपी में साइड में लिखते रहना ताकि तुम लोगों को बाद में जाकर ऐसा ना हो क्या पढ़ाया था वो फर्स्ट रूल क्या था समझ रहे हो मेरे पास यहाँ कॉपी नहीं है मेरे पास बोर्ड है तो मैं तो पहला रूल पढ़ाऊंगी दूसरे पे चली जाऊंगी तो जब दूसरे पे जाऊंगी तो पहला नहीं दिखेगा तुम्हें समझ रहे हो ना बट तुम अपने आगे सारे रूल्स तुम्हें दिखते रहने चाहिए तो पूरा टेपना नहीं है टाइम लगेगा स्लाइड में दे दूंगी शॉर्ट नोट बनाना है वो कैसे बनाएंगे मैं बताती हूँ अपनी कॉपी में ऐसे लिखो सबसे पहले नंबर वन अब सुनो मैं क्या क्या समझा रही हूँ मैं बोल रही हूँ कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगाओगे और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब लगाओगे सबसे पहला सबसे आसान रूल जो अभी हम में पढ़कर आए हैं तो आप अपनी कॉपी में कैसे लिखोगे सिंगुलर सब्जेक्ट एस एस अरे जैसे कोड वर्ड में लिखते हैं ना किसी को अगर हमें लेटर भेजना है हम चाहते केवल मैं और उसी को पता चले क्या बात है हम हम डालेंगे अपने कोड वर्ड बिल्कुल वैसे ही हमें ही तो नोट्स पढ़ने हैं हमें थोड़ी अपने रिश्तेदारों को नोट्स पढ़वाने हैं तो हमें समझ में आना चाहिए बस तो एस एस मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर और प्लूरल प्लूरल सब्जेक्ट के साथ बस इतना ही लिखना है और चुपचाप मैम की बात को सुनना है समझ में आया तो इतना लिख लो सब लोग अब कहने का मतलब क्या है देखो भाई ही क्या है मेरा ही मेरा सिंगुलर है तो हमने यहाँ पे सिंगुलर इज लगाया ही आर तो नहीं बोल सकते ना हम ये तो बच्चे बच्चे को पता है कि आर बॉय क्या होता है यार ही इज बॉय होता है है ना क्योंकि ही सिंगुलर है तो हमने इस भी सिंगुलर लगाया एंड ऑफ दी कॉन्वर्जेशन अब यू के साथ हम आर लगाते हैं हमें पता है अभी हमने टेंसेस में सीखा आई के साथ हम एम लगाते हैं अमर फिर से हमारा लड़का जो है वो सिंगुलर है है ना अमर तो सिंगुलर है इसलिए हमने इस लगाया अमर इज अ डॉक्टर ऐसी दे हमारे पास प्लूरल है तो अपन ने आर लगाया दे आर स्विमर्स समझ में आया तो पहला रूल बहुत ही आसान है हमारा क्या है पहला रूल कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब बात खत्म ये चीज आपको क्वेश्चन में जब आप पेपर में आंसर राइटिंग करोगे तब भी मदद करेगी बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आता इस कहाँ लगाना है आर तब भी आप अगर दिमाग में अच्छे से समझ लेते हो तो आंसर लिखने में भी आपकी इंग्लिश में भी ये टॉपिक आपको हेल्प करेगा ठीक है

दो नाउन हो गए दो सब्जेक्ट हो गए अब ये एंड से जुड़े हुए हैं अच्छा मैं बता दू ईयर बोर्ड एग्जाम में एक आया 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 था था। था इसी क्लास से। अभी कौन सा आया था। जब करेंगे ना भी ब्रेड बटर वाला एक, एक है, वो सेम आया था पेपर में तो इसलिए ढंग से समझ लो लिखा है सीता एंड गीता अब ये एंड है और दो नाउन है तो हमने क्या लगाया प्लूरल वर्ब आर फ्रेंड प्लूरल वर्ब अपन इज नहीं लगा रहे ठीक है ऐसे ही राम एंड रावण तो प्लूरल वर्ब लगाया वर एनिमी समझ में आया ऐसी राधा एंड रानी राधा रानी एंड से जुड़े तो अगेन हमने आर फाइटिंग प्लूरल वर्ब लगाया ठीक है समझ में आया थैंक यू थैंक यू दवाई खा लू बच्चों ठीक है ओके, चलिए, अब तीसरा तीसरा रूल, तीसरा रूल बोल रहा है भाई देख अभी फिर से तेरे पास दो नाउन है ठीक है फिर से क्या है तुम्हारे पास दो नाउन है फिर से एंड से जुड़े हैं पर एक के साथ द लगाए ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं ना कोई सोचता नहीं है ऐसे क्वेश्चन के बारे में बट आते हैं अब अपनी कॉपी में ऐसे लिखो नंबर थ्री फिर से दो नाउन है एंड से जुड़े हैं बट भाई किसी के भी साथ एक के साथ द लगा है तो फिर सिंगुलर लगाना है भाई तो फिर प्लूरल नहीं लगाना अपने को ठीक है इस चीज को अपने दिमाग में रख लीजिए दोबारा से बता रही हूँ जब भी दो नाउन है एंड से जुड़े हुए हैं ठीक है जैसे कि देख लो डॉक्टर और नर्स बीच में एंड है पर एक के साथ द लगा है दोनों के साथ द लगेगा तो तो प्लूरल ही लगाएंगे बट अगर एक के साथ द लगा है एक के साथ केवल किसी के भी एक के साथ तो अपन सिंगुलर लगाएंगे Was. ये तो पता है ना वॉस सिंगुलर होता है वर प्लूरल होता है ये तो सबको पता है ना इज सिंगुलर होता है आर प्लूरल होता है ठीक है और हैज सिंगुलर होता है हैव प्लूरल होता है इतनी बेसिक नॉलेज तो सबको है ना तो इसीलिए अगर एक के साथ भी द है तो आप सिंगुलर लगाओगे वॉस ठीक ऐसे ही देखो द पोएट एंड डायरेक्टर तो द एक के साथ लगा इसलिए सिंगुलर लगाया इज डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर सिंग्यूलर लगाया has. तब आप फिर प्लूरल नहीं लगाओगे समझ में आ रहा है है ठीक रहे नेक्स्ट right. देखो रूल नंबर फोर अब रूल नंबर फोर क्या बोल रहा है भाई फिर से तेरे पास दो नाउन है तुम बोलोगे अरे कितने नाउन छोड़ छोड़ दे चोड़ दे तो बोल रहा है भाई फिर से तुम्हारे पास दो नाउन है और फिर से वो एंड से जुड़े हैं अब इसी में से ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में आया आया था था ये वाला क्वेश्चन लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में आया था। ठीक है तो क्या बोला जा है? कि फिर से दो, है, है। मतलब दो चीजें लिखी होंगी एंड से जुड़ी होंगी बट दो में से कोई एक चीज आपकी नॉन लिविंग होगी कोई थिंग होगी कोई वस्तु होगी तब आप क्या करेंगे उस केस में लगाएंगे तब भी आप

मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत होनी चाहिए ठीक है अब नेक्स्ट देखो रूल नंबर फाइव यार थोड़ा एनर्जी से तो यस मैम बोलो लगना तो चाहिए कि हां समझ में आ रहा है लिख रहे हो ना सारे बच्चे ऐसा तो नहीं कर रहे कि मैम हम नहीं लिख रहे हम क्यों लिखे कोई ऐसा ढीठ बच्चा तो नहीं है क्यों लिखे हम क्या हो जाएगा लिख के <laughs> हैं कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है ना ठीक है यार ब्रेक के बाद तो और एनर्जी आनी चाहिए तुम्हारी और डाउन हो जाती है पागल हो गया यार शाबाश यस yes. चलो अब देखो रूल नंबर फाइव क्या बोल रहा है रूल नंबर फाइव बोल रहा है भाई देख जब भी दो डिजिट हो ना हमारे पास ठीक है और वो एंड से जुड़े हो तो भी तू सिंगुलर ही लगाई ठीक है अब दो डिजिट मतलब फाइव एंड फाइव सिक्स एंड सिक्स

क्या करोगे क्या लगाओगे कमेंट में लिख कर बताओ क्या लगाओगे क्या लगाओगे भाई लोग वेरी गुड सिंगुलर लगाओगे बहुत बढ़िया आगे आ जाओ अच्छा अब यहां से ध्यान देना

ठीक है एन वाले कितने हैं आपके पास एन वाले हैं मेरे ख्याल से छे और ओ वाले कितने हैं आपके पास दो तो ऐसे याद रख लो साइंस की तरह ओ टू एन सिक्स अब इसके नीचे आप लोग अपना लिखना शुरू करो कि में है मेरे पास each एवरी either और वन ठीक है फिर याद करो कि एन में है मेरे पास नो नन Neither, nothing, nothing के साथ ही अगर but भी है तो वो भी तो nothing but उसके बाद noun after noun ये क्या होता है अभी हम सब एग्जाम्पल देखेंगे अभी सिर्फ हम लिख रहे हैं ओ से हो गया तुम्हारा वन ऑफ या वन अब इनमें से क्या बच गया हमारे पास सब तो हो गया एक बचा हमारे पास एनी बडी और एक बच्चा हमारे पास कलेक्टिव नाउन तो इन सब के साथ हमें सिंगुलर वर्ब लगाना है सबके साथ बहुत बार याद है ईच गर्ल एंड बॉय लिखा होता है आप लोग आर लगा देते हो ये चीज तो अपनी गलती तो मानोगे ना गलती तो एक्सेप्ट करोगे ना कि हाँ हम ऐसा करते हैं कि ईच लगा होता है आप आर लगा देते हो बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं आर आएगा क्यों आएगा भाई आर जब रूल में ही नहीं है तो समझ में आया तो इस तरीके से याद करो कि इन सब के साथ हमें सिंगुलर वर्ब लगाना है आर नहीं लगाना आर हमारा प्लूरल वर्ब है ठीक है अब देखो जैसे कि ईच लगा है ईच गर्ल एंड बॉय इज गुड एवरी के साथ सिंगुलर आ रहा है नीदर गर्ल एंड बॉय लिख दो फिर से सिंगुलर आ रहा है ईदर के साथ भी सिंगुलर आएगा वन ऑफ के साथ भी सिंगुलर आएगा ठीक है तो ये जितनी चीजें लिखी हैं ये दो तीन बार पढ़ोगे दिमाग में बैठेगा इन सबके साथ सिंगुलर आएगा समवन के साथ भी सिंगुलर नथिंग के साथ भी हैज सिंगुलर है नथिंग हैव नहीं आएगा नथिंग के साथ हैव नहीं लगाना प्लूरल नहीं लगाना नथिंग हैज ही होगा अ टीम ऑफ प्लेयर्स अच्छा ये क्या है ये है कलेक्टिव नाउन बचपन में पढ़ा है ना समूहवाचक संज्ञा कलेक्टिव नाउन ठीक है जैसे कि फैमिली होती है अब फैमिली में तो 75 लोग हैं है ना दादा दादी नाना नानी मम्मी पापा चाचा ताया सब लोग हैं राइट बहन भाई चाची मामी फलाना बहुत लोग हैं बट है तो फैमिली मतलब एक ही है ना फैमिली तो तो so, क्या हो गया कलेक्टिव नाउन ऐसी टीम ऑफ प्लेयर्स टीम तो एक ही है अब इंडिया की टीम तो एक ही है उसमें प्लेयर्स बहुत हैं राइट तो कलेक्टिव नाउन के साथ भी आप सिंगुलर लगाते हो क्योंकि है तो वो एक ही ना टीम तो एक ही है ना सिंगुलर लगाएंगे समझ में आया अब नाउन आफ्टर नाउन मतलब मान लो कोई नाउन लिखा है जैसे शिप फिर बीच में आफ्टर है फिर से कोई नाउन लिखा है तो अब भी आप सिंगुलर ही लगाओगे शिप आफ्टर शिप इज डिस्ट्रॉयड शिप आफ्टर शिप आर डिस्ट्रॉयड नहीं होगा तो ये रूल सभी को समझ में आया कि इन सबके साथ हमें सिंगुलर वर्ब लगाना है इज दिस क्लियर हां ना परंतु किंतु पता नहीं सो रहे हैं कुछ एनीथिंग एनी रिप्लाई ऐसा नहीं होगा ना बेटा गर्वित ईच एक ही बार आएगा वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा फिर सेंटेंस जो आप बोल रहे हो ना वो ग्रामर लेवल पे इनकरेक्ट सेंटेंस है ठीक है चलो नेक्स्ट देखो अब है सेवेंथ अब सेवेंथ वाले को मैम हम कैसे याद करें देखो इसे आप याद कर लो बम फोड़ते हैं ना हम लोग दिवाली पे बम फोड़ते हैं राइट right? तो आप लिख दो यहाँ बी एम एस या भुवन बम है ना तो उससे याद रख लो तो बी ए एम एस अब बी के कितने एक ही है? ए के कितने हैं? एक ही है एम के कितने हैं दो हैं दो कौन से हैं मैनी है और मोस्ट है ठीक है एस के कितने हैं? के भी दो हैं क्या क्या है सम है और सेवरल है तो ये याद रखो बी से क्या है बोथ और अ से क्या है अ फ्यू तो इन सब के साथ आपको क्या लगाना है इन सब के साथ आपको लगाना है प्लूरल वर्ब ठीक है तो ऐसे याद रखो कि बम्स के साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे तो बी से हो गया बोथ ए से हो गया हमारे पास अ फ्यू एम से हो गया मेनी मोस्ट एस से हो गया सेवरल और सम सबके साथ प्लूरल वर्ब आएगा ठीक है क्लियर जैसे सम, सम लगा है प्लूरल वर्ब बॉयज आर गिल्टी मेनी गर्ल्स आर हॉट अ फ्यू बॉयज आर गुड अ फ्यू लगाए बोथ के साथ फिर से हम लोग यहाँ पर क्या लगा रहे हैं प्लूरल बोथ आर क्वालिफाइड सेवरल आर ऑलरेडी ऑन लोकेशन मोस्ट ऑफ द बिस्किट्स वर ईटेन तो सब में प्लूरल वर्ब लगा है सब में प्लूरल वर्ब लगा है तो जितने भी आपको पीछे दिख रहे हैं सब में आप क्या लगाओगे प्लूरल वर्ब ठीक है नंबर एट अब देखो बहुत बार बहुत बार क्या आपको तो ये चीज पता ही होगी बहुत ही आसान चीज है डायबिटीज सिंगुलर है कि प्लूरल जल्दी बताओ बेटा मसीरा आहार सिंगुलर ही आएगा तब भी ठीक है हाँ जी डायबिटीज सिंगुलर है कि प्लूरल है या तुम्हारा जो मैथमेटिक्स है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है या जो सिविक्स है सिंगुलर है कि प्लूरल है बताओ जल्दी बताओ ये सब लिखा हुआ पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा आप लोग टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में पहले नंबर पे लिंक, लिंक है आल्सो यू गाइस कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम उसका भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में सिंगुलर हाँ, तो तो है ना देखो मैथमेटिक्स लास्ट में एस आ रहा है सिविक्स लास्ट में एस रहा है इकोनॉमिक्स लास्ट में एस आ रहा है बट एस आने का मतलब क्या है क्या वो प्लूरल हो गया बताओ डायबिटीज लास्ट में एस आ रहा है तो क्या वो प्लूरल हो गया भाई डायबिटीज बीमारी तो एक ही है प्लूरल थोड़ी हो जाएगा कैसी बात कर रहे हो सही बोल रहे कि नहीं अब यूनाइटेड स्टेट्स पीछे एस आ रहा है तो क्या प्लूरल हो गया क्या वो बुक है गुलीवर ट्रैवल्स पीछे एस आ रहा है तो बुक तो एक ही है कहने का क्या मतलब है कि कुछ ऐसी बीमारियां कुछ ऐसे खेल कुछ ऐसे देश कुछ ऐसी किताबें कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिनमें पीछे एस आता है बट उसका यह मतलब कते ही नहीं है कि वो प्लूरल है तो वो सिंगुलर होते हैं और उनके साथ भी हम सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल करते हैं जैसे आपको पता है मैथमेटिक्स पढ़ते ही समझ में आ गया भाई सब्जेक्ट है सिंगुलर है भले ही पीछे एस आ रहा है बट वो है थोड़ी प्लूरल राइट तो इन सब के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल करेंगे नेक्स्ट पे देखो नंबर नाइन अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे नाइनटी नाइन परसेंट बच्चे गलत करके आते हैं अब ऐसा क्या हो गया जिसमें गलत कर रहे हैं आई टेल यू सी कभी भी अगर आपके पास दो नाउन है ध्यान से सुनना दोबारा बता रही हूँ अगर आपके पास दो नाउन है ठीक है और बेटा अगर वो दो नाउन आपके कंबाइन हो रखे हैं यानी कि जुड़ रखे हैं सेंटेंस में जुड़ रखे हैं वाक्य में किससे जुड़ रखे हैं i will tell you as well as से दोबारा लिख लो कॉपी में लिख लो दिमाग पे लिख लो हर जगह लिख लो as well as के साथ जुड़ रखे हैं along with के साथ जुड़ रखे हैं together with के साथ जुड़ रखे हैं and not के साथ जुड़ रखे हैं rather than like के साथ जुड़ रखे हैं या with के साथ जुड़ रखे ठीक है थीके? तो आप लोग हमेशा फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब लगाओगे बहुत बार इस टाइप के सेंटेंस मैंने आपको कराए भी हैं और आप लोगों ने गलत किए भी हैं ठीक है अब मैं क्या बोल रही हूँ उसका एग्जाम्पल देती हूँ मान लो ये सेंटेंस हमें दे रखा है पेपर में माय फ्रेंड अलोंग विद हर सिस्टर्स डैश डांसिंग मान लो यहाँ पे डैश है ठीक है मान लो यहाँ पर कुछ लिखा ही नहीं हुआ ये लो ठीक है ये डैश दे रखा है हमको कि भाई भरो फिल करो यहाँ पर क्या आएगा ऐसा दे रखा है अब आप क्या करोगे अब आपको देखना है कि भाई मेरे पास अलोंग विद लगा है और मेरे पास दो नाउन है पहला तो माई फ्रेंड और दूसरा उसकी बहनेर तो तो है, है तो मैं singular या सिंगर लगाऊं तो हमेशा जो first subject use हुआ है पहले वाले के अकॉर्डिंग आप वर्ब लगाओगे अगर पहला वाला सिंगुलर है तो सिंगुलर अगर पहला वाला प्लुरल है तो प्लुरल ठीक है अब यहाँ पर ये माई फ्रेंड तो सिंगुलर है ना तो इसलिए यहाँ इज इस आएगा सिंगुलर वर्ब माई फ्रेंड अलोंग विध हर सिस्टर्स इज डांसिंग बट बहुत सारे बच्चे सिस्टर्स देखते ही आर कर देते हैं तो वो गलत है ठीक है तो ये वर्ड्स को याद रखना है आपको जहां पर भी आपको दिखाई देंगे वहां पर आप बच्चों को क्या करना है सिंग्यूलर वर्ब लगाना है आया समझ में ठीक है मतलब फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग वर्ब लगाना है अब ये देखो शी विदेन्ट्स इज कमिंग तो अभी हमारे पास विद दिख गया हमें यहाँ पर लिखा हुआ है ना ये देखो विद तो यही विद हमें यहाँ दिख गया कि विद लगाकर दो चीजों को जोड़ा गया है शी को जोड़ा है उसके पेरेंट्स के साथ एक सिंगुलर है एक प्लूरल है तो हमेशा फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग ठीक तो है तो शी सिंगुलर है तो इसलिए हमने यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगाया इसका क्लियर जल्दी बताओ ठीक है ना, ठीक है नेक्स्ट रूल नंबर टेन देखो अच्छा अब रूल नंबर टेन के लिए मुझे एक चीज बताओ कभी आपने ऐसे लोगों को देखा जो एक ही पैर में पजामा पहन के निकल गए हो, एनी मतलब इन्फ्लुएंसर्स को छोड़कर वो नए नए स्टाइल्स करते रहते हैं तो उन्हें छोड़कर वैसे इन जनरल पब्लिक की मैं बात कर रही हूँ कभी ऐसा आपका मन किया हो कि अरे यार क्या रोज़ाना मैं दोनों पैरों में पजामे पहनूं आज एक ही में पहन के देखता हूँ पब्लिक रिएक्शन कभी या कभी चश्मा आपने एक साइड का तोड़ के एक ही में पहना हो या एक का ग्लास निकाल दिया हो हम्म या कभी ऐसा मन किया हो कि शूज़ एक ही पैर में डाल लेता हूँ दूसरे में छप्पल डाल लूंगा आज बताओ या सीज़र का जो सीज़र होती है हाँ ना मान लो उसका एक तोड़ दिया हो और एक ही से काट रहे हो ऐसा कभी किया है क्या नहीं किया ना कहने का क्या मतलब है मैम आपका मेरा मतलब है जो ऐसी चीजें होती हैं ठीक है इनके साथ आप हमेशा प्लूरल वर्ब लगाते हो कहने को तो शूज है कहने को तो हम उसको दोनों पैरों में पहन रहे हैं राइट right? बट है तो वो मतलब एक पेयर ना तो जब भी एक पेयर लगाएंगे तो हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। अगर खाली हम बोल रहे हैं शूज सीजर गॉगल्स पेंट स्पेक्टिकल्स तो आप प्लूरल लगाओगे ठीक है मान लो मैं बोल रही हूँ द शूज डैश डर्टी खाली शूज है दो शूज है ना दो शू है ना मेरे पास एक स्पैय का एक स्पैर का एक राइट का एक लेफ्ट का तो मैं आर लगाऊंगी बट जब मैं अ पेयर ऑफ लगा दूं, अ पेयर ऑफ शूज क्योंकि पेयर का मतलब क्या है एक एक पेयर में दो चीजें आती हैं तभी तो वो एक पेयर बनता है तो जब भी अ पेयर ऑफ आएगा तो आप सिंगुलर लगाओगे बट जब भी ये खाली अपने यू you नो know, अपने टॉर में है तब आप प्लूरल लगाओगे समझ में आया ना सो so, जब भी खाली है द शूज है या खाली माई सीजर्स है तो आप प्लूरल लगाओगे माई शूज

ठीक है ना तो आई होप के 10 रूल तो हमें क्लियर है अब ग्यारहवा रूल देखो अच्छा ये रूल में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि ये अब एक ऐसा पहला रूल है जहाँ पे बच्चों को खुद का अपना दिमाग लगाना होता है अब अपना दिमाग कैसे लगाना है अच्छा एक बात बताओ ये देश कौन चला रहा है सरकार क्या सरकार एक ही बंदा है जल्दी बताओ क्या सरकार एक इंसान है क्या एजुकेशन बस को यहाँ बैठना भी है एजुकेशन बस को यहाँ पर फ़ालतू की बकवास भी करनी है और एजुकेशन बस को यहाँ पर टाइम खोटी भी करना है भैया को मुझे देखना भी है या भैया दीदी जो भी हैं मुझसे ऑप्सेस्ड भी हैं मुझे, है, मुझे देखना भी है मुझे गाली भी देनी है पढ़े भी मेरे चैनल पे रहना है हाँ जी नहीं तो सरकार में बहुत सारे लोग हैं राइट तो जैसे कि गवर्नमेंट हो गया जिसमें बहुत सारे लोग हैं बोर्ड हो गया मान लो सी बी एस ई बोर्ड है तो क्या एक ही बंदा है क्या उसमें नहीं बहुत सारे जने हैं उसमें है ना कोई कमिटी है एक ही बंदा होता है क्या कमिटी में नहीं ज्यूरी है मतलब जो जज जो कोर्ट में बैठे होते हैं ना जनरल पब्लिक का ओपिनियन देने के लिए तो काफ़ी लोग होते हैं स्टाफ है स्टाफ में अब मान लो आपके स्कूल का स्टाफ है बहुत सारे लोग हैं राइट तो यहाँ पर सिंगुलर भी लगता है भी लगता है, दोनों का प्रयोग होता है हमें कैसे पता चलेगा? हमें पता चलेगा यहाँ पर बोला कि जो गवर्नमेंट है जो सरकार है उसने अपना एक निर्णय दिया ठीक है मान लो सरकार ने अपना एक डिसीजन दिया तो भाई सरकार के अंदर जितने भी लोग है सबने मिलकर अपना एक डिसीजन दिया होगा ये और नो यस yes, मैम सबने मिलकर एक डिसीजन दिया तो अब हम लगाएंगे सिंगुलर वर्ब क्योंकि सब लोगों ने मिलकर अपना एक डिसीजन दिया है बट मान लो अगर मैं बोलती हूँ कि भाई सरकार तो अपने डिसीजन में बटी हुई है यानी कि ये जो हमारी सरकार है इसके अंदर यू you नो know, लोग हैं ये क्या हो रखा है इनके साथ ये अपने डिसीजन में बटे हुए हैं कुछ लोग कुछ बोल रहे हैं कुछ लोग कुछ बोल रहे हैं मतलब दो एक और दो तो एक से ज्यादा चीज हो गई तब हम प्लुरल वर्ब लगाएंगे ठीक है तो अगर ये कलेक्टिव चीज पे किसी पे बोल रहे हैं तो सिंगुलर वर्ब अगर ये लोग बटे हुए हैं तो फिर प्लूरल वर्ब समझ में आया? अब 12. कुछ ऐसी होती है जो रियल नहीं है, है यानी कि काश ऐसा होता काश मैं इस दुनिया का राजा होता काश मैं सीबीएसई बोर्ड में होता काश क्वेश्चन पेपर मेरे पास पहले से आ जाता काश सच नहीं है है ना काश काश मैं ऐसा होता काश ये होता काश वो होता तो ऐसी सिचुएशंस में आप लोग वर लगाते हो हमेशा क्या लगाते हो वर तब आई के साथ भी वर ही लगाओगे इफ आई वर अ किंग अगर मैं राजा होता तो मैं महल बनवाता भाई अगर तू होता तू है नहीं समझ में आया तुझे राजा बनना है दुनिया का और तू राजा जमशेदपुर का भी नहीं है तो समझ में आ रहा है कि अगर मैं राजा होता ऐसी आई विश आई वर अ किंग मैं विश कर रहा हूँ कि काश मैं राजा होता या वुड दैट माय फादर वर अलाइव के के कोई अलाइव नहीं है जिंदा नहीं है बट काश वो जिंदा होते समझ में आया तो ऐसी सिचुएशन में जहां पर जहां पर इफ लगा हो क्योंकि इफ क्या दिखाते हैं कंडीशन कि अगर ऐसा होता इफ लगा हो एज इफ लगा हो एज दो लगा हो सपोज लगा हो हम बोलते हैं ना भाई तू सपोज कर भाई नहीं तू सपोज कर भाई कि तू प्रिया है भाई अब तू बता भाई क्या मैंने कुछ गलत बोला करते हो कि नहीं भाई नहीं तू सपोज कर आज वो बोल रहा भाई मैं कैसे सपोज करूं मैं हुई नहीं प्रिया मैं तो संतोष हूँ नहीं नहीं भाई तू प्रिया है तू सपोज कर ले यानी कि तू मान ले समझ में आ रहा है तो ऐसे केसेस में जहां पर सपोज आई विश केस एज इफ इफ लगा हो वहां पर हम वर लगाते हैं समझ में आया मैम आर यू ज्वाइनिंग नेक्स्ट मैं उसके पेड कोर्स में पढ़ा रही हूँ <coughs> okay? तुम लोगों को किसने बता दिया ये यशिता, तुम लोगों तक तो कहाँ से खबर पहली आ जाती है यार तुम? <laughs> कुछ होता है नहीं पहली तुम्हारे, 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 तुम्हारे तक खबर आ जाती है हाँ जी ठीक है अब नेक्स्ट देखो नंबर थर्टीन अब ये बहुत आसान है ये बहुत ज्यादा आसान है ठीक है क्या है इसमें देखो लिखा हुआ है आ नंबर ऑफ हो आ लार्ज नंबर ऑफ हो ठीक है या आ ग्रेट नंबर ऑफ हो इसके साथ आप लोग हमेशा प्लूरल वर्ब लगाओगे ठीक है यशिता पेड कोर्स में पेड कोर्स में नॉट ऑन यूट्यूब ठीक है तो इसके साथ में आप लोग क्या लगाओगे अगर अ नंबर ऑफ हो अ लार्ज नंबर ऑफ हो अ ग्रेट नंबर ऑफ हो तो आप लोग हमेशा प्लूरल वर्ब लगाओगे समझ में आया क्या लगाओगे प्लूरल वर्ब लगाओगे बट अगर द नंबर ऑफ हो तो सिंगुलर वर्ब लगाना है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अ लार्ज नंबर ऑफ बॉयज वर कमिंग प्लूरल वर्ब लगाया

तो यहां पर the number of में लगाना है। समझ में आया दोबारा बता रही जैसे आएगा तो सिंगुलर वर्ब क्योंकि आप देखोगे कि पर जो आपके हैं वो भी singular, plural, डिफर कर रहे ठीक है इज इट क्लियर कैन गेट एनर्जी यस मैम इन द कॉमेंट सेक्शन एवरी वन बच्चों देखो, अभी दो टॉपिक और बचे हैं और सबसे ज्यादा मेहनत नरेशन में है मेरी भी और आपकी भी जितना आपको पढ़ने में मेहनत लगेगा उससे डबल मुझे पढ़ाने में लगेगा तो अभी मुझे आपकी एनर्जी की जरूरत है ठीक है ये पूरा मंथ मुझे आपकी एनर्जी की जरूरत है ओके चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अब नेक्स्ट यहां पर क्या लिखा है अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट अभी क्वेश्चन कराऊंगी नहीं किया ना फिर तोड़ूंगी हड्डियां तो ध्यान से समझ लो क्या लिखा है कि अगर किसी का जो है, वो है, तो आएगा। रेफर कर रहे राइट सो प्लस पुअर ये नहीं है कि आप कोई पुअर पर्टिकुलर बंदे को बोल रहे हो तेरे को तेरे को तेरे को नहीं आप सारे ही बंदों को रेफर कर रहे हो एक एडजेक्टिव लगा रहे हो आप है ना एक विशेषण लगा रहे हो आप ऐसे ही द ब्लाइंड तो ब्लाइंड में आप एक बंदे को नहीं बोल रहे आप सारे जो हमारे blind लोग हैं जो सारे हमारे blind भाई बहन है हम उनकी बात कर रहे हैं राइट ऐसी द डम तो द डम बोलकर आप सारे डम लोगों की बात कर रहे हो द डम्ब आर कमिंग इस केस में आप हमेशा प्लूरल वर्ब लगाते हो जिसमें द लगकर साथ में कोई एडजेक्टिव होता है ठीक है अरे बेटा तुम अपना क्यों दिमाग लगा रहे हो मैं यहीं पढ़ाऊंगी यार अपने चैनल पे तुम लोग जैसे पढ़ रहे हो वैसे पढ़ते रहो कुछ चेंज नहीं हो रहा है ठीक है चलो नेक्स्ट पे देखो अब नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखना अगर अ लॉट ऑफ अपनी अपनी कॉपीज में लिख लो लॉट ऑफ ऑल और सम है अगर आपके सेंटेंस में ठीक है दोबारा बता रही हूं ये तीन चीजों का ध्यान दीजिए अगर लॉट ऑफ लगा है ऑल लगा है सम लगा है और अगर इसके बाद कोई ऑफ लगा है तो आप हमेशा नाउन के अकॉर्डिंग दोगे इसमें कोई रूल नहीं है अगर नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब और वो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब जैसे ऑल ऑफ के बाद आप देखो केक पे ध्यान दो केक सिंगुलर है एक ही केक है तो हमने सिंगुलर लगाया इज नीचे आ गया केक्स बहुत सारे केक्स प्लूरल केक्स तो हमने लगाया आर

नाउ दिस इज द लास्ट रूल फिर हम क्वेश्चंस पे चल रहे हैं इसके ठीक है अब ये लास्ट रूल समझ लो सब्जेक्ट एग्रीमेंट का फिर हम क्वेश्चन पे चल रहे हैं यार देखो मेरी एनर्जी बिल्कुल भी कम नहीं है एक बच्चा बोल रहा है मैम आपकी एनर्जी मेरी एनर्जी बिल्कुल कम नहीं है मेरी एनर्जी बिल्कुल सही है बट थोड़ा सा यार बोलने में तो फर्क आएगा क्योंकि आप खुद सोचो एक बंदा अगर दो ढाई तीन घंटे से बोल रहा है तो उसकी आवाज़ में मेहनत लग रही है तुम तो खाली सुन रहे हो दूसरा बंदा बोल रहा है तो बोलने में ज़्यादा शरीर की एनर्जी जाती है है ना तो तुम्हें तो फुल एनर्जी में रहना चाहिए तुम तो सुन रहे हो ना तुम थोड़ी बोल रहे हो मेरे जित्ता अब लास्ट रूल क्या है कि देर और फॉलोइंग इनके साथ सिंगुलर और प्लुरल दोनों ही यूज होते हैं आपको नाउन पे सब्जेक्ट पे ध्यान देना है अगर ये देखो देर लगा है द फॉलोइंग लगा है यहाँ पर देखो कैट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब कैट्स प्लूरल हो गया तो प्लुरल वर्ब वही बच्चों वाला रूल ऐसे ही है है तो तो लग लग गया the following question, एक ही question है तो लग गया एक बस जितने भी main main रूल थे वो हमने सारे के सारे के पढ़ लिए हैं ठीक तो आई होप इट इज क्लियर आर यू गैस रेडी फॉर द क्वेश्चन जल्दी जल्दी बताओ यस मैम नो मैम रेडी हो क्वेश्चंस करे मजा आ रहा है चलो सो so, अभी हम दो स्लाइड करेंगे एक ये और एक ये ठीक है ये दो स्लाइड्स मैं अभी कराऊंगी और ये वाला जो है ये आपका होमवर्क रहेगा तो आप लोग ये वाला करके मुझे मेल आईडी पे भेजोगे मैं देखूंगी कितने बच्चे भेज रहे हैं ठीक है चलिए तो अभी हम यहाँ से शुरू करते हैं ये वाला आपको मैं कराऊंगी और ये वाला आप लोग मुझे कराएंगे चलिए तो लिखा है द ज्यूरी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन अब मैंने बोला था ज्यूरी हो गया बोर्ड हो गया कमेटी हो गया गवर्नमेंट हो गया इनके साथ सिंगुलर प्लूरल दोनों लगता है तो आपको यहाँ पे अपना दिमाग अपनी जनरल नॉलेज लगानी है ठीक है अब देखो वर्ड लिखा है डिवाइडेड मतलब बट रखे अपने ओपिनियन में अगर कोई अपने ओपिनियन में बेटा बट रखा है इसका मतलब क्या है अगर कोई अपने ओपिनियन में बट रखा है तो इसका मतलब क्या है कि एक से ज्यादा है अब अगर एक से ज्यादा है तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे तो प्लूरल वर्ब में वॉज तो सिंगुलर होता है कट गया तो वर हो गया हमारा आंसर द ज्यूरी वर्ड डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन ठीक है अगर ये डिवाइड नहीं होते अपने ओपिनियन में अगर ये सारे मिलकर हमें एक ही ओपिनियन देते तो हम वॉज लगा देते तो हम क्या लगा देते वॉज लगा देते ठीक है चलिए नेक्स्ट देखिए इधर ही और आई डैश मिस्टेक है इधर ही या तो वो या मैं यानी कि आई यहां पर इंडिविजुअल आ रखा है आई यू के साथ नहीं आ रखा या तो वो या मैं या तो उससे गलती हुई है या मुझसे राइट right? तो आई यहां पर अपना इंडिविजुअल लेवल पे है अपना अलग लेवल पे है तो जब आई इंडिविजुअल है तो भाई अपने को तो पता अभी है भी टेंसेस में पढ़कर आए हैं कि अगर इंडिविजुअल है तो आई के साथ एम लगेगा सो इधर ही और आई एम मिस्टेक बहुत बढ़िया अब नेक्स्ट देखो तीसरा लिखवाए हैं ना अभी तो उन शॉर्ट नोट पे जरा रूल नंबर तीसरे पे जाइए जाइए रूल नंबर थर्ड पे और यार तुम लोग यार चैनल को शेयर क्यों नहीं करते हो हाँ तुम लोग खुद बताओ यार तुम लोग पूरे यूट्यूब पर इधर उधर जाते हो तो तुम्हें शर्म नहीं आती मतलब चैनल को यार थोड़ा शेयर किया करो अपने दोस्तों के साथ बताओ अगर तुम लोग इंडिविजुअल क्रिएटर्स या इंडिविजुअल टीचर्स को सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा अगर तुम सब लोग सारी कंपनीज को ज्यादा के सपोर्ट कर दोगे जो कि तुम्हें करना चाहिए बट फिर ऐसे ऐसे कौन करेगा फिर तो तुम्हें जितना हो यार अपने फ्रेंड्स के साथ अगर तुम पढ़ते हो और तुम्हें समझ में आता है और तुम्हें लगता है यार नहीं हमें समझ में आ रहा है तो खाली अपना अपना फायदा मत देखा करो कि अरे हम तो अपना फायदा देखेंगे यहाँ से पढ़ेंगे वहाँ से पढ़ेंगे ऐसे नहीं थोड़ा सा लॉयल्टी दिखाओ टीचर्स के साथ है ना और छः सात महीने हो गए आज तुम्हें चैनल पे पढ़ते हुए एंड दैट टू एब्सोल्युटली फ्री राइट और वो भी अच्छा कंटेंट ऐसा नहीं है एम ही काम चलाऊ कंटेंट नहीं अच्छा कंटेंट सो डू शेयर इट ओके चलो अब ये रूल नंबर थ्री देखो एंड लगा है मैजिस्ट्रेट और कलेक्टर है और एक के साथ द है तो जब मैंने बोला था अगर एक के साथ द हो तो आप क्या करोगे सिंगुलर लगाओगे राइट right? तो वॉज इज़ द करेक्ट आंसर रूल नंबर थ्री पे बताया था ये मैंने नेक्स्ट देखो राम एज वेल एज हिस्स फ्रेंड्स डैश कमिंग टूडे अब ये मैंने अभी अभी जब बताया था कि 99 प्रतिशत बच्चे गलत करते हैं ये वो वाला क्वेश्चन है 99 बच्चे इसको गलत करते हैं अब मैंने क्या बोला था एज वेल एज के साथ अलोंग विद के साथ टुगेदर विद के साथ खाली विद के साथ अगर जुड़ रखा है तो आप क्या करोगे अब एज वेल एज के साथ एक राम है और एक हिज फ्रेंड्स है तो फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग हमें लगाना है राइट right, तो राम सिंगुलर है तो आर और इसमें से सिंगुलर वर्ब कौन सा है इज तो इज हो जाएगा करेक्ट आंसर राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज कमिंग टुडे नेक्स्ट देखो यू एंड आई डैश फ्रेंड्स अब यहां पर आई इंडिविजुअल नहीं है यहां पे है तुम और मैं यहां पर आई अपना अलग नहीं आ रहा तो एंड से अगर दो चीजें जुड़ी हैं तो हम क्या लगाएंगे राइट सो यू एंड आई आर फ्रेंड नेक्स्ट ट्रूथ एंड ऑनेस्टी डैश द बेस्ट पॉलिसी दोनों ही ठीक है सो ट्रूथ एंड ऑनेस्टी डैश द बेस्ट पॉलिसी जैसे ब्रेड एंड बटर था तो सिंग्युलर वर्ब आएगा सो आर हमारा सिंग्युलर नहीं है राइट तो इज हो जाएगा करेक्ट आंसर

With his three sons is going to attend the party. समझ में आया नेक्स्ट देख लेते द प्राइस ऑफ मैंग मैंगोज डैश गॉन अप बताओ यहां क्या आएगा अब इसका आंसर आप लोग मुझे दोगे ब्रेक हाँ इसके बाद ब्रेक दूंगी फिर थर्ड टॉपिक पे चलेंगे डिटर्मिन ठीक है सीबीएसई में डिटर्मिनर्स कह लो और यूपी बोर्ड में आर्टिकल्स तो उस टॉपिक पे चलेंगे और फिर चलेंगे नरेशन पे ठीक है तो मुझे नहीं लगता कि अभी थकान या बोरियत होनी चाहिए क्योंकि हम लोग बीच में ब्रेक भी ले रहे हैं। तो ब्रेक लेकर कर रहे हैं तो थोड़ा सा रिफ्रेश फील हो रहा है है ना और अभी कोई ज़्यादा टाइम हुआ भी नहीं है पूरा दिन पड़ा है साढ़े बारह बजे अभी द करेक्ट आंसर इज अब देखो एक बात देखो बात हो रही है द प्राइज ऑफ मैंगोज मैंगोस के प्राइस की बात हो रही है तो प्राइस तो एक ही है ना द प्राइस ऑफ देखो सेम आ गया यूजुअल ब्रेकफास्ट तो ये तो अभी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था जब मैं आप बच्चों को पढ़ा रही थी किया था कि नहीं किया था कि ब्रेड एंड बटर डैश माय यूजुअल ब्रेकफास्ट तो यहां पर होगा ब्रेड एंड बटर Is my usual breakfast, क्योंकि दोनों नेक्स्ट दोनों है। है? देखो फिफ्टी किलोमीटर डैश नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस क्या होगा यहाँ पे मेरा करेक्ट आंसर फिफ्टी किलोमीटर तो लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है बट फिफ्टी किलोमीटर एक ही यू you नो know, एक ही उसको बताया गया है मुझे वो वर्ड नहीं याद आ रहा एक ही साथ आप यू नो उसको रखा गया है तो आप क्या बोलोगे उसको वेरी गुड तो 50 किलोमीटर इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस भले ही 50 किलोमीटर है है ना बट रखा तो एक ही गया ना कि भाई ये जो प्रॉपर 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर ये लंबा डिस्टेंस नहीं है वन ऑफ माई फ्रेंड्स डैश एन न्यू कार वन ऑफ लगाया मैंने बताया था वन ऑफ के साथ आपको क्या लगाना है ना वन ऑफ के साथ आपको क्या लगाना है मैंने आपको बहुत ही क्लियरली बताया था हांजी वन ऑफ माई फ्रेंड्स डैश ए न्यू कार वेरी गुड जिनको नहीं पता पीछे चलते हैं एक बारी रूल पे यहां पर कहीं पर लिखा भी था मैंने ये रहा देखो वन ऑफ वन ऑफ और वन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाना है रूल नंबर सिक्स में बताया था मैंने आपको है ना अगर आपकी कॉपी में रूल लिखे हुए हैं तो सामने ही होगा आपके सो so, सिंगुलर तो हैज आएगा कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं वन ऑफ माय फ्रेंड्स हैज न्यू कार रानी और मोहन डैश रीडिंग और मोहन लिखा है रानी और मोहन या मोहन रानी एंड मोहन ने लिखा इकट्ठे नहीं पढ़ रहे वो सो किसी एक की बात हो रही है रानी और मोहन डैश रीडिंग यस इज रीडिंग ठीक है अब ये आपका होमवर्क है जो आप लोग खुद से करके मुझे भेजेंगे

दस मिनट का ब्रेक दे रही हूँ बच्चे बोलते हैं है, मैम पांच का ही दो थोड़ा सा लिया करो ब्रेक आर नेसेसरी ब्रेक बहुत जरूरी होता है पागलों की तरह नहीं पढ़ना स्मार्ट पढ़ना है थोड़ा सा ऐसे बॉडी स्ट्रेच किया करो थोड़ा सा पानी वानी पिया करो ठीक है सो टेन मिनट एंड जाना मत लौट आना मैं वापस बोल रही हूँ मेहनत बेमतलब नहीं कर रही मैं तुम्हारे जाने के लिए तो लौट आना वापस ठीक है चलिए और सारे टॉपिक करेंगे यार इतना थोड़ा सा पेशेंस रखो यार कमेंट सेक्शन में प्लीज सारे टॉपिक्स मतलब सारे टॉपिक करेंगे मैं भी एक ही इंसान हूँ बेटा धीरे धीरे ही कराऊंगी मैं कितने कैसे कराऊ और ठीक है तो थोड़ा सा पेशेंस रखो सब करेंगे हेलो हेलो वन टू थ्री आवाज आ रही है हाँ भाई आवाज आ रही है right, आ जाओ जल्दी जल्दी अगेन शेयर द क्लास सो दैट सब लोग वापिस आ जाए लौट आए चलो सो so, <coughs> हम लोग अब करेंगे डिटर्मिन अच्छा आपके पेपर में एरर करेक्शन आता है ट्रांसलेशन आता है जैसे यूपी बोर्ड में एरर करेक्शन आता है सीबीएसई बोर्ड में कैसे आता है वो मतलब किन टॉपिक से आता है इन्हीं टॉपिक से आता है ठीक है अगर आपको टेंसेज अच्छे से आता है आपको सब्जेक्ट व एग्रीमेंट अच्छे से आता है आपको डिटर्मिन अच्छे से आता है इन्हीं सब चीज़ों एक एक सेंटेंस में और क्या चीज़ें होती हैं है ना तो इन्हीं में से कोई चीज़ गलत होती है मोस्टली वर्ब का फॉर्म गलत करके देते हैं टेंसेज अगर आपको आ गया मतलब आप एरर करेक्शन भी अच्छे से कर लोगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अगर आपको आ गया मतलब आप एरर करेक्शन अच्छे से कर लोगे टेंसेज आ गया अगेन आप ट्रांसलेशन बहुत अच्छे से कर लोगे ठीक है तो इनकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है इनकी प्रैक्टिस है जो एरर करेक्शन है जो ट्रांसलेशन है ना इनकी प्रैक्टिस है इनकी कोई एक्सप्लेनेशन इतनी कुछ नहीं है एक्सप्लेनेशन यही है एक्सप्लेनेशन यही है कि वर्ब की फॉर्म कौन सी आएगी फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म लगेगी, second form लगेगी tenses क्या है? अगर आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर लिया बहुत आसानी से एरर करेक्शन और ट्रांसलेशन कर लोगे, जिनकी एक्सरसाइजेस ऑब्वियसली मैं आपको कराऊंगी ठीक है बट उनकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है अगर आपको ये सारी चीजें आती हैं तो ठीक है अभी डिटर्मिन भी कर लेंगे तो और अच्छे से आ जाएगा आपको ठीक है अगर आप किसी भी हिंदी की चीज को भी ट्रांसलेट कर रहे हो कि अगर अरे उसने तो थोड़ा खाया या थोड़ा ये हो गया तो आपको पता होना चाहिए फ्यू आएगा लिटिल आएगा क्या लगाना है वो कैसे पता चलेगा वो इस टॉपिक से पता चलेगा जो हम लोग अभी करने वाले हैं समझ में आया तो अगर आप आज के पढ़ाए हुए सारे टॉपिक अच्छे से कर लेते हो ना तो आप ग्रामर में पूरे नंबर लाने योग्य हो जाओगे बट मैंने क्या बोला अगर आप अच्छे से करते हो तो एम ही करते हो हवा में करते हो तो फिर आपके ऊपर है वो चीज ठीक चलिए तो फटाफट से आ जाइए एक मिनट में इंतजार कर रही हूँ सारे गए हुए बच्चों के लौटने का और फिर हम शुरू कर रहे हैं डिटर्मिनर्स बट इतने मेरे को फटाफट से बता दो क्या सारे बच्चों को अभी तक जो हमने टॉपिक पढ़ा वो समझ में आया टेंसेज और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कैन आई गेट अ हाई एनर्जी यस मैम मेरा फोन हम्म जल्दी जल्दी बता दो ओके okay. हाँ हाँ डिटर्मिनस क्या होते हैं अभी बता सब पता चलेगा कोई इतना टफ डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है ये बेसिकली हमें बताता है ए कहाँ लगाना है एन कहाँ लगाना है द कहाँ लगाना है सम कहाँ लगाना है मेनी कहाँ लगाना है फ्यू कहाँ लगाना है लिटिल कहाँ लगाना है ठीक है तो ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना अंग्रेजी में इंग्लिश में कि कहाँ लगाना है जो आपको spoken english में भी काम आती है वो सारी चीजें हम लोग अभी यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ठीक है चलो तो शुरू करते हैं डिटरमिनर्स क्या होते हैं डिटरमिनर्स यूज होते हैं नाउन से पहले ये इंडिकेट करने के लिए कि हम लोग कौन सी चीजों की या कौन से लोगों की बात कर रहे हैं ठीक अभी यहाँ पर डिटरमिनर हमेशा याद रखना कि संज्ञा से पहले नाउन से पहले लगाया जाता है और अगर डिटर्मिनर के बाद कोई संज्ञा या नाउन नहीं है ना इसका मतलब कि वो वर्ड ही गलत है वो कोई मीनिंगफुल वर्ड रहेगा ही नहीं उसका कोई भी मीनिंग क्रिएट होकर आएगा ही नहीं इतनी बात को आप लोग अपने गाँट बांध लेना तो सबसे पहले आपको यही बात समझनी है कि डिटर्मिनर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं पेपर के लिए आंसर राइटिंग के लिए है ना ट्रांसलेशन करने के लिए लेटर लिखने के लिए आ, एरर करेक्शन हर चीज़ के लिए डिटर्मिनर्स बहुत इंपॉर्टेंट है डिटर्मिनर्स होते क्या हैं ए कहाँ आएगा एन कहाँ आएगा सम कहाँ आएगा फ्यू कहाँ आएगा मैनी कहाँ आएगा ये सब चीज़ें हमें निर्धारित करके बताते हैं और डिटर्मिनर हमेशा नाउन से पहले आता है अगर एक डिटर्मिनर के बाद नाउन नहीं है मतलब कि वो गलत है मीनिंगलेस सेंटेंस है इतनी सी चीज आप लोग हमेशा याद रखिएगा अब बहुत सारे टाइप के हमारे पास डिटर्मिनर होते हैं जैसे कि आर्टिकल भी डिटर्मिनर के अंदर ही आता है ठीक है यहाँ तक तो यूपी बोर्ड में एक अलग से मतलब यूपी बोर्ड के मोस्टली बोर्ड में सीबीएसई में भी आर्टिकल्स आ रहे हैं है ना सीबीएसई में डिटर्मिनर्स के साथ आ रहे हैं यूपी बोर्ड में आर्टिकल अलग तो आ रहे हैं तो आर्टिकल्स आ रहे हैं आपके पेपर में तो आर्टिकल क्या होता है कि भाई ए एन कहाँ लगाना है दैट कहाँ लगा, लगाना है ये सब चीजें हम लोग अभी सीखने वाले हैं ठीक है हम लोग लगाते हैं ना पोजेजिव प्रोनाउन हो गए ये सब हमें कहाँ लगाना है ठीक है और बोथ कहाँ आएगा इधर कहाँ आएगा नीदर कहाँ आएगा अनदर कहाँ आएगा? आएगा ये सारी चीजें हम लोग आज देखने वाले हैं तो सबसे पहले हम लोग आसान चीज से शुरू करते हैं आर्टिकल से, ठीक है इनडेफिनेट आर्टिकल मतलब कि भाई ए और हमें कहां लगाना है? बचपन से ही बच्चों सीखते हुए आए हैं अभी तक कि ए कहाँ आएगा और एन कहाँ आएगा ये और नो जल्दी बताइए बचपन से सीखते आए हैं ना कि भाई ए कहां लगाना है भाई एन कहा लगाना है राइट यानी कि हमें नहीं पता होता कि पर्टिकुलर चीज है अगर कोई पर्टिकुलर चीज नहीं है तो हम उसके साथ ए और एन लगाते हैं और इसे हम आर्टिकल बोलते हैं यानी कि डेफिनेट नहीं, है, नहीं, है, हमें नहीं पता भाई है उसे ने लिया। भाई कौन सा कौन सा तो बहुत सारे हमें नहीं पता कौन से स्पेसिफिक डॉग की बात हम लोग कर रहे हैं अगर हम बोले भाई ये तो रोज सेब खाती है अरे भाई अब सेब का नाम थोड़ी है सेव तो सेव है, राइट तो इनडेफिनेट है तो ऐसे ही चीजों के साथ हम लोग ए और एन लगाते हैं इतनी बात सभी को समझ में आई अब एन कहा लगाते हैं भाई बचपन से हमें बताया है कि एन हम बहुत सारे लोग क्या करते हैं लेटर के साथ लगा देते हैं यानी कि e, से जो भी शुरू होगा उसके साथ में एन को पहल देंगे ऐसे नहीं करना आपको साउंड समझना है उसके साथ एन लगाना है बाकी सबके साथ ए लगाना है समझ में आया अब बहुत बार क्या होता है मान लो मान लो लिखा है यूनिवर्सिटी बच्चे क्या करते हैं लगा देते हैं, गलत है क्यों क्यों गलत है? यू तो हमारा है, तो क्यों गलत है? साउंड किसका आ रहा है यूनिवर्सिटी में जल्दी बताओ कमेंट करके साउंड किसका आ रहा है यूनिवर्सिटी में साउंड किसका आ रहा है मैम आई एम योर ट्वेंटी ट्वेंटी टू स्टूडेंट ओके हेलो जय श्री राम आदित्य गेमर जी साउंड किसका आ रहा है या का यूनिवर्सिटी में किसका साउंड है या का तो हम एन क्यू लगाएंगे हम ए लगाएंगे तो ये चीज आपको याद रखनी है अगर वावल साउंड है तो एन आएगा और नहीं है तो ए आएगा सो डोरी ईट्स एन एप्पल एवरी डे ठीक है क्योंकि वावल साउंड है तो अपन ने क्या करा एन लगाया आई एम अ सिंगर मैं सिंगर हूं ठीक है भाई सिंगर तो बहुत सारे लोग हैं है ना तो डेफिनेट नहीं है इनडेफिनेट बात है कि ठीक है सिंगर्स तो और भी लोग हैं सो आई एम अ सिंगर आई सॉ एन एक्सीडेंट ए साउंड है अगेन so, वावल साउंड है तो हमने एन लगाया तो ये तो बच्चे बच्चे को पता है कि एन आन कहाँ आना है और ए कहाँ पर आना है राइट right?

आप लोग मुश्किल से आधे घंटे में कर लोगे क्यों क्योंकि आप बड़े हो गए हो वो छोटे बच्चों का है वैसे ही टॉपिक भी सारा बस शर्त है कि ढंग से सुनना ध्यान से सुनना थोड़ी देर आधा घंटा ध्यान लगा लो बस ठीक so, है सो डेफिनेट आर्टिकल है यानी कि हमें पता है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं कोई चीज स्पेसिफिक है कोई चीज डेफिनेट है उसके साथ अपन द लगाते हैं समझ में आया सो अ डेफिनेट आर्टिकल इंडिकेट दैट इट्स नाउन इज अ पर्टिकुलर वन टू द लिसनर अब वो वो भी हो सकता है हो सकता है पहले भी कभी सुन रखा हो उसके बारे में तभी हमें पता है कि किसकी बात हो रही है मान लो मान लो मैं आपके पास आई और मैंने बोला कि यार तुम्हें पता है वो जो बिल्ली है ना जो रोज आती है वो आज नहीं आई अब वो बिल्ली वो रोज आती है का मतलब क्या है कि मैंने आपको पहले भी बताया है उस बिल्ली के बारे में यानी कि आप उस बिल्ली को जानते हो इंट्रोड्यूस करा रही हूँ पहली बार उसके बारे में बात कर रही हूँ तो आप ए लगाओगे समझ में आया तो जो डेफिनेट चीजें होती हैं जिसके बारे में अपने को पता होता है भाई को पता है बात हो रही है ऑलरेडी मैं चीजें हैं राइट या स्पेसिफिक चीजें हैं यूनिकली स्पेसिफाइड चीजें हैं तो आप उन्हीं के साथ द लगाते हो ठीक है एक ही डेफिनेट आर्टिकल है पूरे अंग्रेजी भाषा में वो है आपका द जैसे देखो द डॉग बाग द गर्ल अभी द में अलग से भी एक लिस्ट बनवाऊंगी अभी तुम्हारी कॉपी में कि द को कहाँ लगाना है चिंता मत करो अभी थोड़ा सा बाहर बाहर से समझो मैंने बोला द डॉग बाग एट द गर्ल जब मैंने डॉग के आगे द लगा दिया तो स्पेसिफिक डॉग है अरे भाई वो डॉग ने भौका उस पे दैट द, द गर्ल स्पेसिफिकली मैं बता रही हूं कि वो कुत्ता है जिसने भौका समझ रहे हो तो इसलिए हमने द लगाया आई एम द मैनेजर मैं हूं मैनेजर मैनेजर तो एक स्पेसिफिक है ना अगर तुम कंपनी में चले जाओ कंपनी में बहुत सारे लोग हैं बट अगर मैं बोलूं अरे वो मैनेजर है तो वो स्पेसिफिकली पता चल जाएगा अच्छा वो लोगों को मैनेज करता है वो यहाँ का बॉस है समझ में आया तो द लगाएंगे ऐसे ही आई एम दस्ट टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है भी। आगे जब रूल समझाऊंगी तो पता चलेगा कि सुपरलेटिव के साथ हम द लगाते हैं कि पूरी क्लास में मैं सबसे लंबा लड़का हूं तो स्पेसिफिक हो गया ना कि भाई तू ही है सबसे लंबा लड़का तो द लगेगा ठीक है तो फटाफट से अब सारे बच्चे जो अपनी कॉपीज में नोट्स बना रहे थे अपनी कॉपीज को दोबारा खोलेंगे और मैं आपको बताऊंगी द कहां कहां पर लगाना है क्योंकि सबसे ज्यादा हम लोग अटकते हैं द में ठीक है कि द कहा लगाए कंफ्यूज होते हैं तो रूल नंबर वन रूल नंबर वन कॉपी में लिखो द आप लगाओगे किसी ऐसी चीज के लिए दैट हैज ऑलरेडी बीन मेंशन जैसे मैंने अभी बिल्ली वाला एग्जांपल दिया कोई ऐसी चीज जिसके बारे में हमने पहले भी बात की हुई है ठीक है जिसके बारे में आपको पहले से नॉलेज है ऐसी चीज जो ऑलरेडी मेंशन करी जा चुकी है उसके साथ हम, लगाते है। मैं हम दे दो। है, देखो, सबसे पहले बैंक से चुरा मान लो मैं तुम्हारे पास आई या मैंने कॉल किया मैंने न्यूज दी कि यार तुझे पता है ऐसे ऐसे मंडे को ना हमारे यहाँ बैंक में ना एक चोर ने चोरी कर ली फिर मैं तुम्हें फिर से किया और मैंने बोला

हां जी समझ में आया कि नहीं यस और नो यस और नो जो चीज ऑलरेडी मेंशन है ऐसे चलो दूसरा एग्जाम्पल भी देती हूँ ठीक है आई वॉज वॉकिंग पास्ट बेनीज बेकरी

ये स्पेसिफाई हो गया क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया कि अरे मैं उसकी बेकरी के आगे से जा रही थी फिर मैंने डिसाइड किया टू गो इनटू द बेकरी एक चीज जिसके बारे में ऑलरेडी बात हो गई है उसके बारे में दोबारा बात कर रहे तो द लगाया इज इट क्लियर समझ में आया ना तो कोई ऐसी चीज जिसके बारे में ऑलरेडी अपन बात कर चुके हैं दोबारा मेंशन कर रहे हैं हम द लगाएंगे नंबर 1 रूल नंबर 2 इज The, आप उन में लगाएंगे जहां पर पर्टिकुलर पर्सन या ऑब्जेक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं अब भाई इसका क्या मतलब है वी मीन बाय पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इसका क्या मतलब है? देखो द मैन रोट दिस बुक इज फेमस मान लो एक किताब है मेरे पास मान लो किताब पढ़ी है मेरे पास ठीक है ये किताब मैंने ले ली मैंने बोला अरे जिसने ये किताब लिखी है ना वो फेमस है

तो so स्पेसिफिक हो गया कि वो रेड कार की मैं बात कर रही हूँ इसलिए मैंने यहाँ पर द लगाया समझ में आया ऐसे ही अगर मैं मैं बोलती आई लिव इन द स्मॉल हाउस विद अ ब्लू डोर भाई ना छोटे से घर में रहती हूँ बहुत लोग रहते हैं अरे जिसका वो ब्लू दरवाजा है तो अगेन द लगाया स्पेसिफिक हो गया समझ में आया ऐसे ही मैंने बोला ही इज द डॉक्टर आई केम टू सी अरे भाई हॉस्पिटल में तो बहुत सारे डॉक्टर है पर ये वही डॉक्टर है जिसे मैं मिलने आई तो कोई पर्टिकुलर पर्सन की या कोई पर्टिकुलर चीज की जब हम बात करते हैं तो हम द लगाते हैं रूल नंबर टू ठीक है अब नेक्स्ट देखिए रूल नंबर थ्री लिखा है द आप उनके साथ लगाइए जो चीजें यूनिक है यूनिक मतलब अपने आप में एकाएक है वो ठीक है वन पीस जैसे मनीषा रानी बोलती है ना खुद को कि भाई हम तो वन पीस हैं हमारे जैसा तो कोई और है ही नहीं ठीक है तो ऐसे लो ऐसे के साथ आपको द लगाना है जैसे द सन रोज एट सिक्स सेवेंटीन दिस मॉर्निंग भाई सन एक ही है है ना सूरज नहीं आता तो क्या हाल होता है हमें भी पता है तो सूरज तो एक ही है यूनिक है यूनिक है कि नहीं तो क्या लगाओगे द लगाओगे ऐसे ही अगर मैं एक सेकंड ऐसे ही अगर मैं बोलती हूँ कि यू कैन गो एनी वेयर इन द वर्ल्ड भाई वर्ल्ड तो एक ही टर्म है ना जो हम इस जहां को रेफर करने के लिए यूज करते हैं तो इसलिए द आएगा ऐसे ही Sky, एक ही है भाई प्रेसिडेंट सीईओ तो जो चीजें यूनिक हैं, ठीक है जो चीजें क्या हैं यूनिक हैं, उनके साथ हम लोग द लगाते हैं नेक्स्ट देखो नंबर फोर अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना बहुत आसान भी है सुपरलेटिव डिग्री और ऑर्डिनल नंबर के आगे हमेशा द लगता है ये क्या चीज है मैम सुपरलेटिव मतलब बचपन में ये पढ़ा होगा ना टॉल टॉलर टॉलेस्ट शॉर्ट फिर शॉर्टर फिर शॉर्टेस्ट पढ़ा है ना एडजेक्टिव की डिग्री पढ़ी है कि नहीं गुड बेटर बेस्ट बैड वर्स वर्स्ट दिस इज द वर्स्ट डे दिस इज द बेस्ट डे पढ़ा है कि नहीं यस और नो पढ़ा है ना हाँ तो वो जो सबसे ऊपर सुपरलेटिव डिग्री होती है ना बेस्ट टॉलेस्ट शॉर्टेस्ट वर्स्ट वो जो सबसे ऊपर हाई डिग्री होती है सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं उसको उसके साथ आप द लगाते हो और किसी और किसी डिग्री के साथ द नहीं आएगा द शॉर्ट द शॉर्टर नहीं आएगा द शॉर्टेस्ट आएगा ठीक है ऐसे ही ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं जैसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड अरे मैं तो फर्स्ट आया हूँ अरे मैं तो थर्ड आया हूँ इन्हें बोलते हैं ऑर्डिनल कार्डिनल क्या होते हैं नॉर्मल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऑर्डिनल मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ तो इनके साथ भी आप द लगाते हो याद रखना ठीक है जैसे कि the highest building, अब क्या क्या है 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 सब ठीक और पे थर्ड इन सबके साथ आप लगाते हो याद रखना ठीक है अब नेक्स्ट देखो रूल नंबर फाइव द आप उन एडजेक्टिव के साथ अभी देखो हमने एग्रीमेंट में भी पढ़ा था अगर आपको याद होगा तो हमने पढ़ा था ना कि द प्लस एडजेक्टिव आता है आता है ना तो द आप उन एडजेक्टिव के साथ भी लगाते हो जो पूरे ग्रुप को रेफर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जिन्हें एक बोलकर हम क्या कर रहे हैं पूरे के पूरे ग्रुप को रेफर कर रहे हैं जैसे कि अगर मैं बोलू द फ्रेंच द फ्रेंच बोल के मैं क्या कर रही हूँ सारे फ्रेंच लोगों को रेफर कर रही हूँ ना राइट सो द फ्रेंच इंजॉय चीज फ्रेंच लोगों को ना चीज बड़ा पसंद होता है तो मैं बोलकर सारे पूरे के पूरे ग्रुप को रेफर कर रही हूं ऐसी अगर मैं बोलू द एल्डरली तो एल्डरली बोलकर मैं सारे जितने भी बुजुर्ग लोग हैं उन सबको रेफर कर रही हूं कि यार उन्हें स्पेशल अटेंशन की जरूरत होती है उनका स्पेशल ख्याल हमको रखना ही पड़ता है समझ रहे हो सो एल्डरली बोलकर मैं सारे एल्डर लोगों को रेफर कर रही हूं तो इसलिए मैं द लगाऊंगी ऐसे ही अगर मैं बोलू पुअर तो पुअर बोल के मैं सारे जो गरीब लोग हैं उन्हें रेफर कर रही हूँ तो मैं द लगाऊंगी कि शी हैज गिवन अ लॉट ऑफ मनी टू द पुअर तो जब आप ऐसे एडजेक्टिव को यूज करते हो जिसे आप बोलकर सबको रेफर कर रहे हो पूरे ग्रुप को तो आप द लगाते हो क्लियर एवरी वन नेक्स्ट देखो रूल नंबर सिक्स द लगाओगे आप डेकेड्स के साथ डेकेड्स क्या होता है सदियां है ना जैसे कि 70s 60s 90s 80s ऐसे इनके साथ द लगता है इसी के साथ-साथ इसी के साथ-साथ आप लोग क्या करोगे 18 20s 19 20s है ना 17 20s इन सबके साथ भी आप द लगाओगे तो डकेड्स के साथ आप लोगों को द लगाना है ये कॉपी में लिखते जाओ तभी याद होगा ऐसा नहीं है कि मैं बोलती जा रही हूं और याद होता जा रहा है जब ये आप अपनी आंखों के आगे रखोगे रोजाना नजर जाएगी तभी दिमाग में बैठेगा ठीक है ना ओनली, ओनली से जो भी क्लॉज शुरू हो रहा है उसके साथ भी द लगा क्योंकि ओनली का मतलब क्या होता है केवल एक राइट जैसे कि द ओनली डे द ओनली पर्सन द ओनली टी इस तरीके से ठीक है नेक्स्ट इज रूल नंबर एट रूल नंबर एट बहुत आसान है कि प्रॉपर नाउन के साथ हमें क्या करना है द लगाना है जैसे कि नेम्स प्रॉपर नाउन मतलब क्या होता है किसी का भी नाम ये तो आपको पता है ना प्रॉपर नाउन क्या होता है अभी आप लर्न एंड फन में नहीं हो गए। नहीं नहीं अब मैं नहीं हूं वहां पे अब मैं यहाँ हूँ लास्ट ईयर बहुत हेल्प हुआ हमारे बैच को थैंक यू इस ईयर यहाँ से हेल्प होगा हाँ जी ठीक है सो यहाँ पर प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है नेम्स किसी भी चीज का नाम तो द लगाओगे आप नाम के साथ किसके नाम के साथ कोई भी बच्चों ज्योग्राफिकल एरिया का नाम हो गया कोई भी रिवर का नाम हो गया कोई भी माउंटेन रेंजेस अच्छा एक बात का ध्यान रखना लोग क्या करते हैं माउंट एवरेस्ट के साथ भी द लगाते हैं कभी देखा है आपने या कभी आपने भी लगाया हो यस और नो माउंट एवरेस्ट के साथ द लगाते हुए देखा है कि नहीं देखा जल्दी बताओ बोलो देखा है ना वो गलत है नहीं लगाना क्योंकि ये बोल रहा है कि माउंटेन रेंजेस के नाम के साथ लगाना है यानी कि कोई ग्रुप ऑफ माउंटेन है ना तो अगर उस ग्रुप का कोई नाम है तो आप उसके साथ द लगा सकते हो। बाकी आपको नहीं लगाना ठीक है ग्रुप ऑफ आइलैंड का अगर कोई नाम है तो उसके साथ लगा दो कैनल्स इन ओशियन समझ में आ तो इनके साथ आपको द लगाना है, इनके नाम के साथ जैसे कि द आर्टिक द अटलांटिक ऐसी द नाइल रिवर का नाम है द रॉकी माउंटेन्स माउंटेन के ग्रुप का नाम है ठीक है तो माउंटेन के ग्रुप के नाम के साथ आप लगा सकते हो बट एक इंडिविजुअल माउंटेन के के नाम के साथ आपको द नहीं लगाना इस चीज का दिमाग में रखना ठीक है? चलिए नेक्स्ट रूल नंबर नाइन रूल नंबर नाइन है द लगाओगे उन कंट्रीज के साथ जिनका प्लुरल नाम है हर कंट्री के साथ द नहीं लगता द इंडिया द पाकिस्तान नहीं होता समझ में आया हर कंट्री के साथ द आपको नहीं लगाना आप उन्हीं के साथ द लगाओगे जिनका बेटा जी क्या है प्लूरल नाम है क्या है जल्दी बताइए प्लूरल नाम है ठीक है जैसे कि नेदरलैंड्स हो गया प्लूरल नाम होना चाहिए उनका एंड एक दो और हैं आगे एक्सेप्शंस जो मैं आपको आगे ही बताऊंगी तो याद रखना द आप उन्हीं देश के साथ लगाएंगे जिनका प्लूरल नाम है हां यहीं पर आ गया रूल नंबर 10 क्या है और और ऐसी कंट्रीज जिनके नाम में रिपब्लिक किंगडम या स्टेट्स आता है उनके साथ आप लगाओगे। जिनके नाम में दोबारा रिपीट कर रही हूं किंगडम स्टेट या रिपब्लिक आता है जैसे कि द यूनाइटेड स्टेट स्टेट्स आ गया इसलिए द लगाया है द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड रिपब्लिक आ गया इसलिए द लगाया है तो स्टेट्स रिपब्लिक या किंगडम है ना द यूनाइटेड किंगडम तो किंगडम आ गया तब भी आपको द लगाना है नेक्स्ट रूल नंबर number eleven. Newspaper के नाम के साथ भी आप द लगाते हो ठीक है जैसे कि की दार्जियन द दा न्यूयॉर्क Times, द हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया तो जो newspaper के नाम होते हैं उनके साथ भी आपको द लगाना है बेटा गेमर गर्ल मैं यहाँ पे पागल हूं पढ़ लो बेटा प्लीज और अगर बात ही करनी है तो शाम का जो सात बजे वाला सेशन है उसके लाइव चैट में जाके बात कर लो अभी तो वो लाइव ही नहीं है तो आप वहां पे बात कर सकते हो है ना अभी पढ़ लो यार फिर ना ऐसे, ऐसा फील होता है कि जैसे मैं पागल हूं जो यहाँ पढ़ा रही हूँ खड़े होके अगर आप पढ़ रहे हो और आप कॉपी में नोट डाउन कर रहे हो तो आपके पास टाइम नहीं होना चाहिए इतना कि फालतू की बात में चैट करने का रूल नंबर ट्वेल्व अच्छा नहीं इलेवन ही रूल है बस तो ये इलेवन रूल आपको याद रखने की द कहा लगाना है अभी बात आती है कि द कहा से हटाना है ठीक है जहां पर बच्चे गलती कर देते हैं और गलती से वो है ना तारक मेहता में की गलती से मिस्टेक हो गई राइट गलती से मिस्टेक हो गई वाली कौन है यार वो बाघा की गर्लफ्रेंड फ्रेंड उसका नाम नहीं याद आ रहा मुझे नहीं आ रहा उसका नाम याद मुझे तो बाघा की गर्लफ्रेंड है वो हर बात पे बोलती है गलती से मिस्टेक हो गई तो यहाँ पर बेसिकली गलती से मिस्टेक हमें नहीं करनी तो द कहां कहां पर नहीं लगाना जो बच्चे गलती से लगा देते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ ठीक है अब सबसे पहले मिटीरियल प्रॉपर नाउन के साथ हम द नहीं लगाते सबको पता होगा मिटीरियल नाउन क्या होता है है ना जिन नेचुरल सब्सटेंसेस से जिनसे और सब्सटेंस बनते हैं जैसे मान लो वुड अब वुड के तो कबड भी होते हैं वुड की चेयर भी होती है टेबल भी होता है तो वुड क्या है मिटीरियल नाउन कोई भी मिटीरियल राइट एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिन्हें आप देख नहीं सकते टच नहीं कर सकते जो आपकी फीलिंग है जैसे ऑनेस्टी हो गया ठीक है एंड प्रॉपर नाउन तो सबको पता है किसी का नाम तो इनके साथ आप द नहीं लगाते अगर इनकी जनरल सेंस में बात हो रही है समझ में आया जैसे कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी जनरल एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना तो ऑनेस्टी नहीं होगा ऐसी मटेरियल है, है ना शुगर चीनी तो शुगर में द नहीं आएगा ऐसे पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस तो द पेरिस नहीं होगा इस चीज का याद रखना नंबर 2 क्या है अगर हमारे पास प्लुरल काउंटेबल नाउन है मतलब प्लुरल है और हम उसे काउंट कर सकते हैं अगर वो जनरल सेंस में बात हो रही है तब भी हमें द नहीं लगाना जैसे द चिल्ड्रन लाइक टॉयज नहीं होगा ठीक है द नहीं लगाना क्यों क्योंकि चिल्ड्रन है प्लुरल है हम काउंट भी कर सकते हैं कितने बच्चे हैं राइट right. तो हमें द नहीं लगाना क्योंकि आम बात है जनरल बात है बच्चों को तो खिलौने पसंद होते इसमें इसमें स्पेसिफाई किया है है ना अलग से बात किया है तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर द नहीं लगाएंगे नेक्स्ट है बिफोर द नेम्स ऑफ पीपल लोगों के नाम के आगे द नहीं लगता द रोहित द तान्या द राहुल नहीं लगाना ठीक है नेक्स्ट कॉन्टिनेंट कंट्रीज एंड सिटीज किसी कॉन्टिनेंट के नाम के आगे किसी देश के नाम के आगे अभी-अभी मैंने बताया था कि कौन से ऐसे देश है जिनके आगे आप लगा सकते हो। बाकी किसी देश के आगे किसी सिटी के आगे आपको द नहीं लगाना द यूरोप नहीं होगा द इंडिया नहीं होगा द लखनऊ द जयपुर नहीं होगा ठीक है नेक्स्ट क्या है मैंने आपको पहले भी बताया कि आप माउंटेन के ग्रुप के साथ द लगाओगे बट जो इंडिविजुअल नाम है उनके साथ आपको द नहीं लगाना ठीक है इंडिविजुअल नाम के साथ आपको द नहीं लगाना जैसे कि माउंट एवरेस्ट बहुत बार लोग बोल देते हैं द माउंट एवरेस्ट तो वो गलत है उसके साथ आप द बच्चों नहीं लगाओगे इतना क्लियर है जल्दी से बता दो okay. नेक्स्ट है बिफोर नेम्स ऑफ द मील्स यूज्ड इन जनरल सेंस मील्स खाने की जो मील्स होती हैं है ना लंच ब्रेकफास्ट डिनर इनके साथ भी हमें द नहीं लगाना द ब्रेकफास्ट नहीं होगा द लंच नहीं होगा बेटा इसके बाद करेंगे नरेशन नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसके बाद हम लोग नरेशन टॉपिक करेंगे इस टॉपिक के बाद हम लोग नरेशन करेंगे ठीक तो है तो नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्या है लैंग्वेजेस एंड वर्ड्स लाइक स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी चर्च हॉस्पिटल इनके साथ भी द नहीं लगाना ठीक है कोई लैंग्वेज हो गई उसके साथ भी द नहीं आएगा और इन वर्ड्स के साथ भी आपको द नहीं लगाना लास्ट चीज जहां पर द नहीं लगाना वो है नेम्स ऑफ रिलेशन लाइक फादर मदर तो द फादर द मदर नहीं लगाना ठीक है तो इन चीजों को ध्यान में रखना ये एरर और करेक्शन में भी बहुत बार आ जाता है कि द आएगा नहीं आएगा गलत क्या है सही क्या है तो बिल्कुल याद होना चाहिए कि द हमें कहाँ पर लगाने की जरूरत है और कहाँ पर नहीं लगाना ठीक है अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर पे भाई डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है देखो मैं बताती हूँ चार ही होते हैं दिस दिस दैट एंड दोस दैट्स इट अब दिस मतलब जो चीज सिंगुलर है और मेरे पास है जैसे दिस इज अ पेन दैट कब लगता है जो चीज सिंगुलर है और दूर है दीज़ कब लगता है जो चीज पास है और बहुत सारी है और दोस कब लगता है जो चीज दूर है और बहुत सारी है तो ये चार हमारे डेमोस्ट्रेटिव डिटर्मिनर होते हैं अब याद रखना डिटर्मिनर तो नाउन और टू द नाउन इट रिप्लेसेस ठीक है क्या बोला जा रहा है जब ये एक पर्टिकुलर नाउन को रिप्रेजेंट करता है जैसे दैट हाउस इज वेरी डर्टी दैट हाउस बोल के क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई वो घर बहुत गंदा है ना तो ये क्या कर रहे तो हैं हमारा यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर इतना क्लियर है तो एक बार जल्दी से बता दो इन द सेक्शन मैम नरेशन यूपी बोर्ड में है हां जी बेटा बिल्कुल है नरेशन यूपी बोर्ड में भी है सीबीएसई में भी है ठीक है नेक्स्ट है दीज मैंगोज आर सो टेस्टी ये जो मैंगो है ये बड़े टेस्टी हैं ऐसी दोज पीपल आर वियर तो ये सब क्या है दैट आपका डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर है इसको याद रखना ठीक है हां बेटा पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम पे मिलेगी टेलीग्राम पे पीडीएफ मिलेगा आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए डिस्क्रिप्शन में पहले नंबर पर लिंक है ठीक है अब नेक्स्ट देखो पोजेसिव डिटर्मिनर बेटा देखो अब आप लोग अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए पोजेसिव हो के नहीं यस और नो जल्दी बताओ बहुत सारे बच्चे होंगे अपने बेस्ट फ्रेंड्स के लिए तो तूने उससे बात कैसे करी है ना जब मेरी लड़ाई हो रखी है तो तू है कौन उससे बात करने वाला या वाली तो पॉजिटिव क्या होता है आपके पास कोई चीज है यू पॉजिट समर क्या होते हैं माई योर हिज हर देयर तो ये सब पॉजिटिव डिटर्मिनर है जिनकी मदद से आप दिखा पाओ कि कोई चीज आपकी है जैसे माय पेन भाई मेरा पेन है लेकर दिखा मुंह तोड़ दूंगी किसका पेन है मेरा तो नाउन से हमेशा पहले आते हैं ये समझ रहे हो लाइक पॉजिटिव एडजेक्टिव ठीक है सो माय क्या हो गया पॉजिटिव डिटर्मिनर बेला इज हर नेम भाई उसका नाम है तो हर क्या हो गया पॉजिटिव डिटरमिनर वी कैन गो टू देयर प्लेस भाई उनके जगह पर हम जा सकते हैं देर so, क्या हो गया पॉजिटिव डिटर्मिन समझ में आ रहा है दिस इज वेरी नेक्स्ट देखो अच्छा अब ये क्वांटिफायर क्या होते हैं क्वांटिफायर से देखो वर्ड से ही पता चलता है भाई जो चीज हमें क्वांटिटी बताएं किसी चीज की नंबर बताएं है ना क्वांटिफायर मतलब जो हमें क्वांटिटी बताएं या जो हमें किसी भी चीज का नंबर लेकर है इसको हम लोग अभी देखने वाले हैं तो सबसे पहले बेटा हम लोग देखेंगे सम और एनी को ये प्लीज अपनी कॉपीज में लिख लो लो ऐसे एक लाइन बना लो, सम और एनी बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग सम कहां पर लगाएं और हम लोग एनी कहां पर लगाएं तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं फटाफट से प्लीज अपनी कॉपी में आप, आप लोग एक ऐसे लाइन खींच लीजिए ताकि आप लोग आगे चलकर कंफ्यूज ना हो अब देखो क्या लिखा है कि सम और एनी ना दोनों ही हमें इनडेफिनेट क्वांटिटी बताते हैं इनडेफिनेट मतलब हमें पता नहीं है कोई चीज दो है चार है छ है आठ है पता नहीं सम मतलब थोड़ा एनी मतलब भी थोड़ा राइट right? तो इनडेफिनेट हमें बताते हैं अब सम और एनी हम लोग तब बोलते हैं जब आसान नहीं होता बताना कि कोई चीज कितनी है या जरूरी नहीं होता बताना कि कोई चीज कितनी है तो हम बोल देते हैं हाँ यार थोड़ा है समझ में आया जैसे मम्मी पूछती है अभी अभी फ्रिज में अभी। में टमाटर कितने बचे हैं हैं थोड़े समझ आया तो इन दोनों को ही हम लोग काउंटेबल जिसे हम काउंट कर सके गिन सके और अनकाउंटेबल जिसे हम काउंट ना कर सके उसके साथ लगाते हैं ठीक है थीके? तो मैम अब समझे कैसे हम डिफरेंस क्या है मैं बताती हूँ देखो सम को हम अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव स्टेटमेंट में लगाते हैं अभी टेंसेस में हमने पढ़ा कि नहीं कि अफर्मेटिव स्टेटमेंट क्या होती है यस और नो आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा जल्दी बताओ पढ़ा ना कि अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंस जिसमें नॉट नो नहीं नहीं आता ठीक है तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सम को लगाते हैं अब सम काउंटएबल नाउन के साथ यूज होता है जिसका मतलब होता है थोड़ा

ठीक है सम अनकाउंटेबल के साथ भी यूज होता है यानी कि देयर इज सम डस्ट ऑन द फ्लोर अरे यार थोड़ी सी डस्ट है अब गिन तो नहीं सकती ना मैं एक डस्ट दो डस्ट अनकाउंटेबल है बट पॉजिटिव नॉट नहीं आना चाहिए स्टेटमेंट में इस बात का आपको ध्यान रखना है एनी को हम लोग लगाते हैं नेगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन के साथ तो ये जो आपने एक लाइन खींची थी ना ऐसे सम और एनी की तो इसमें लिख लो कि सम लगाते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट में और एनी लगाते हैं हम लोग नेगेटिव और क्वेश्चंस में इस तरीके से अच्छे आप लिख लो ठीक है सो देखो देयर आर एंट एनी पीपल ऑन द मून तो हमने क्यों लगाया यहाँ पर एनी क्योंकि है not आया है. आया गेस्ट समझ में आया तो so, एनी आप लगाओगे नेगेटिव स्टेटमेंट में और क्वेश्चन में मान लो किसी ने पूछा आर देयर एनी फैमिली में कोई डॉक्टर है अब अगर आपको पॉजिटिव में जवाब देना है अगर आपको सकारात्मक में जवाब देना है आप बोलोगे आर सम डॉक्टर्स अगर आपको नकारात्मक में जवाब देना है तो आप बोलोगे तो फिर एनी कि नहीं है, नहीं है. समझ में आया एनी लगाते हैं, कि भाई है ही नहीं। और सम लगाते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट में सो आई होप ये आसान सी चीज आपको क्लियर हो गई एनी को अनकाउंटेबल के साथ भी लगाते हैं बट अगेन नेगेटिव स्टेटमेंट के साथ लगाओगे जैसे बोला जाए इज देयर एनी ब्रेड क्या टेबल पे कोई ब्रेड है तो पॉजिटिव में देना है तो बोलोगे देयर इज नेगेटिव में देना है तो देयर इज नॉट एनी ब्रेड कोई ब्रेड नहीं है हाँ जी, तो की आप no भी लगा सकते हो तो इस बात का ध्यान रखना है अब हम आ जाते हैं मच और मैनी पे कि हमें मच कहां लगाना है और हमें मैनी कहां लगाना है कोई बात नहीं बेटा कार्तिक कोई बात नहीं ठीक है तो देखो मच क्या होता है मच आप लगाओगे सिंगुलर और अनकाउंटेबल के साथ यानी कि सिंगुलर एक वचन होना चाहिए पर जिसे आप काउंट ना कर पाओ और मैनी आप लगाते हो बहुवचन के साथ और जिसे आप काउंट भी कर पाओ ठीक है मच और मैनी दोनों ही बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटीज को हमें एक्सप्लेन करते हैं कि कोई चीज बहुत ज्यादा तादाद में है कोई चीज जो बहुत ज्यादा है ठीक है जैसे आई हैव मैनी पोस्ट कार्ड अब मैनी क्योंकि पोस्ट कार्ड प्लूरल है और हम इसे काउंट भी कर सकते हैं इसलिए हमने मैनी लगाया अगर मैं बोल रही हूँ शी हैज गॉट मच इन्फ्लुएंस ऑन यू कि भाई उसका ना असर तुम्हारे पे बहुत है क्या मैं असर को काउंट कर सकती हूँ सारे बच्चे बताएंगे मुझे इन द कमेंट सेक्शन क्या मैं असर को काउंट कर सकती हूं बेटा नरेशन इसके बाद होगा बहुत बार बोल चुकी हूं नरेशन इसके बाद होगा तो मैं असर को काउंट नहीं कर सकती कि आपका असर क्या है आपका इन्फ्लुएंस कितना है तो अनकाउंटेबल है बहुत है मच लगा है तो बहुत है बट अनकाउंटेबल है समझ में आया तो याद रखना कि मच लगता है सिंगुलर अनकाउंटेबल के साथ और मैनी लगता है प्लूरल काउंटेबल के साथ ठीक है नेक्स्ट देखते हैं ओके okay, ये तो सारा हाउ हाउ मच है अ अ फ्यू लिटिल अब अ फ्यू और अ लिटिल में डिफरेंस समझना ठीक है बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ्यू कहां आएगा अ फ्यू कहां आएगा लिटिल कहां आएगा अ लिटिल कहां आएगा ठीक है सो लेट सी देखो अ फ्यू मतलब कोई चीज जो बहुत कम है स्मॉल क्वांटिटी में है और फ्यू मतलब भी यही होता है स्मॉल क्वांटिटी में है तो मैम डिफरेंस क्या है अ फ्यू आप लोग लगाते हो पॉजिटिव सेंटेंसेस में और खाली फ्यू लगाते हो नेगेटिव सेंटेंसेस में ये याद रखना मान लो आप एक शहर में नए नए आए हो ठीक है आप क्या आए हो आप एक शहर में नए नए आए हो अभी ताजा ताजा आए हो आप तो आप क्या बोल रहे हो मेरे ना इस शहर में थोड़े क्लोज फ्रेंड्स हैं और हम लोग अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं तो ये तो पॉजिटिव स्टेटमेंट हुआ अच्छी बात हुई कि आपके शहर में थोड़े फ्रेंड्स हैं तो आप लगाओगे अ अ फ्यू फ्यू आई हैव क्लोज फ्रेंड्स अब मान लो आप सैड हो रहे यार मेरे तो थोड़े से ही फ्रेंड्स हैं नेगेटिव हो गई बात तो आप खाली फ्यू लगाओगे आई हैव फ्यू फ्रेंड्स इन टाउन सो आई फील लोनली तो फ्यू अगर खाली फ्यू है नेगेटिव आइडिया है अगर अ फ्यू है तो पॉजिटिव आइडिया है इज इट क्लियर ऐसे ही सेम अ लिटिल और लिटिल के साथ भी होता है सेम चीज आपकी अ लिटिल लिटिल और के साथ होगी अ लिटिल एक्सप्लेन करता है स्मॉल क्वांटिटी को ठीक है और लिटिल इंप्लाइज करता है समथिंग दैट इज नॉट इनफ यानी कि अ लिटिल पॉजिटिव लिटिल नेगेटिव

अब ऑफ हम लोग कब लगाते हैं ये तो यार सभी को पता है लॉट ऑफ की जगह आप लॉट्स ऑफ भी लगा सकते हो जब हम बोलते हैं लॉट्स ऑफ लव तो लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ हम लोग लगाते हैं बहुत ज्यादा के लिए जैसे कि देयर आर लॉट ऑफ बस स्टॉप्स आई हैव गॉट लॉट्स ऑफ स्टोरी बुक्स ठीक है तो अ लॉट ऑफ का मतलब क्या होता है कि कोई चीज जरूरत से बहुत ज्यादा है नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अदर और अनादर पे ये टॉपिक खत्म होने वाला है इसके बाद नरेशन करेंगे बार बार बोल रही हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सो so, नेक्स्ट हम चल रहे हैं अदर और अनादर पे ये क्या है ये दोनों यूज होते हैं डिफरेंस दिखाने के लिए किसी भी चीज में अंतर किसी भी चीज में डिफरेंस दिखाने के लिए अब अदर यूज होता है दिखाने के लिए एडिशनल या डिफरेंट टाइप्स ऑफ है ना कि हमारे पास और भी चीजें अब आपकी मम्मी सूट लेने जाती है राइट right? अरे मैम हमारे पास दूसरे भी हैं आप देखो तो सही यानी कि अदर और भी हैं हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ठीक है ये हम लगाते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ अब ऐसे याद रखो सूट प्लूरल है मतलब बहुत सारे सूट है तो प्लुरल हो गए और आप काउंट भी कर सकते हो तो प्लूरल काउंटेबल के साथ हम अदर को लगाते हैं ठीक है समझ में आया और सारे अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी आप लोग लगा सकते हो जैसे अदर शूज माइट मैच योर आउटफिट बेटर ये वाले शूज अच्छे नहीं लग रहे अदर शूज दूसरे शूज जो हैं वो तेरे पे अच्छे लगेंगे ठीक है इज टू मीन वन वन मोर और अ डिफरेंट ये सिर्फ सिंगुलर नाउन के साथ ही यूज होता है अनकाउंटेबल के साथ यूज नहीं होता जैसे कहना है कप ऑफ टी मैं आपको इजी करके समझाती हूँ अदर का मतलब बिल्कुल ही अलग भाई तेरे पे अच्छा ही नहीं लग रहा तू इसे हटा दे तू दूसरे शूज पहन ले अदर शूज अनदर मतलब एक और कि भाई चाय पीली एक और मिलेगी क्या कैन आई आया तो अनदर का मतलब क्या होता है ठीक है क्या होता है One more. या इससे कुछ अलग और चाहिए बट अदर मतलब क्या होता है बिल्कुल ही अलग बिल्कुल ही एडिशनल गॉट इट सो आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर अब हमारे पास आता है यहां पे ईच एंड एवरी ईच एंड एवरी अगेन बहुत ही ज्यादा आसान है ईच मतलब होता है हर इंडिविजुअल मान लो आपकी एक क्लास है क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं है। मैम बोलती है ना ईच ऑफ यू तो ईच मतलब हर एक अलग अलग बच्चे को बोल रही है ठीक है एवरी इंडिविजुअल इसको भी इसको भी इसको भी इसको भी इसको भी इसको भी सबको सब और जब मैम एवरी बोल रही है तो एवरी मतलब मैम पूरे ग्रुप की बात कर रही है किसकी बात कर रही है पूरे ग्रुप की बात कर रही है अगर मैं बोलूं ईच चाइल्ड वाज लाफिंग मतलब हर एक बच्चा हंस रहा था अलग-अलग मैं रेफर कर रही हूँ अगर मैं बोलूं एवरी चाइल्ड वाज लाफिंग मतलब सब हंस रहे थे मैं अलग-अलग रेफर नहीं कर रही हूँ इज इट क्लियर तो ईच मतलब सिर्फ एक और एवरी मतलब सब लोग गॉट इट इज इट क्लियर अब आते हैं ईदर और नीदर पे सो so यार ये तो सबको पता है ईदर मतलब होता है एनी वन मेंबर ऑफ द पेयर कि कोई चीज पेयर में है और हम लोग किसी एक की बात कर रहे हैं तब हम लगाते हैं ईदर जैसे ईदर ऑफ द बुक्स वॉज वो वर्थ कप कीपिंग मान लो दो बुक्स है मैं बोल रही हूँ ईदर ऑफ द बुक्स मतलब अलग अलग बोल रही हूँ ये ये चाहे आप ये रख लो चाहे आप ये बुक रख लो दोनों ही बुक्स बहुत शानदार है ठीक है तो इधर का मतलब क्या होता है टू एनी वन मेंबर ऑफ द पेयर कोई चीज पेयर में है और हम किसी एक की बात कर रहे हैं बट दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है दोनों चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट है समझ में आया इज इट क्लियर जैसे अगर मैं बोलू आई वुड लव टू डाइन एट वुर ऑफ दी होटल मान लो मेरे दोस्त ने मुझे दो होटल के ऑप्शन दिए कि भाई किस में खाना खाएगी मैं बोलू भाई आई वुड लव टू डाइन एट वुर ऑफ दी होटल इधर मतलब दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है अब तू किसी में भी चल ले किसी भी एक में चल ले मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दोनों है दोनों इक्वल हैं दोनों ही शानदार हैं तो जब दो चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट होती हैं इक्वल होती हैं बट हम किसी एक को रेफर कर रहे होते हैं तो हम ईदर लगाते हैं समझ में आया और नीदर कब लगाते हैं जब हम नेगेट कर रहे होते हैं पेयर को ठीक है नेगेट कर रहे हैं नीदर कार इज वर्किंग कोई काम नहीं कर कोई कार काम नहीं कर रही ठीक है नीदर चाइल्ड केम भाई कोई नहीं आया So, बिल्कुल अपोजिट होता है ईदर का क्लियर एवरी वन इज दिस क्लियर जल्दी से सारे बच्चे यस मैम स्पैम करेंगे इन द कमेंट सेक्शन फटाफट से जल्दी 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 ओके ठीक है चलो तो अभी एक लास्ट टॉपिक है हमारा नरेशन जो मुझे कराना है एनर्जी है ना करने के लिए या नहीं है नरेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है और नरेशन के लिए टेंसेस कराना सब कराना बहुत इम्पॉर्टेंट था इसलिए मैंने नरेशन को लास्ट में रखा है अब मुझे पता है मुझे पता है कि यूपी बोर्ड में एक टॉपिक है एक्टिव पैसिव और सीबीएसई में एक टॉपिक है मॉडल्स तो वो मैम आपने अभी क्यों नहीं कराया रीजन है उसके पीछे अभी मैंने सारे कॉमन टॉपिक्स कराए हैं आपको सिर्फ एक एक ऐसा टॉपिक है एक्टिव पैसिव और मॉडल्स जो आपको नहीं करा जिसकी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है एक्टिव पैसिव डालोगे वीडियो अवेलेबल है मॉडल्स डालोगे वीडियो अवेलेबल है सीबीएसई में बारह नंबर की ग्रामर है अगर आपको कोई भी एक टॉपिक डिफिकल्ट लगता है आप छोड़ सकते हो बट और नरेशन मत छोड़ना अगर कुछ छोड़ना ही है तो मॉडल्स छोड़ देना क्योंकि बारह में से दस ही क्वेश्चन आएंगे करने पर बाकी सारे टॉपिक्स अच्छे से कर लेना ठीक है टाइम हो तो मॉडल्स भी कर सकते हो वीडियो अवेलेबल है मैं आगे अभी और भी प्रैक्टिस वगैरह में कराऊंगी बट जो मेन ग्रामर के मोस्टली पूरा 98 एट परसेंट ऑफ दिलेबस आपका आज खत्म है ठीक है सो so, नरेशन हम करेंगे ब्रेक में दे रही हूँ पंद्रह मिनट का ब्रेक दूंगी दिक्कत मत लो क्योंकि मुझे पता है नरेशन थोड़ा सा हैवी टॉपिक है तो उसके लिए बिल्कुल ही ब्रेन का फ्रेश होना आपका जरूरी है ब्रेन बिल्कुल फ्रेश कर कर आओगे बिल्कुल तभी समझ पाओगे नरेशन समझ में नहीं आएगा समझ लोगे तो एक घंटे का खेल है नहीं समझोगे तो फिर कभी नहीं आएगा समझ सो आई एम गिविंग यू मिनट्स ब्रेक बट वापिस आ जाना हर बारी में ब्रेक देती हूँ कम बच्चे ही लौट के आते हैं तो आप ही का नुकसान है उसमें क्योंकि मैं तो सौ बच्चे भी होंगे तो भी मैं पढ़ा के जाऊंगी राइट right? बट आप ही का नुकसान है अगर आप लोग नहीं आओगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ठीक है सो फिफ्टीन मिनट्स आई एम गिविंग यू चलिए मिलते हैं पंद्रह मिनट बाद ठीक है आ जाना वापस याद से है माय ऑडिबल गाइस आवाज आ रही है आवाज आ रही है सबको Alright, so one last topic is remaining and that is narration. So बड़ा बच्चे सारे बच्चे आ जो ताकि हम लोग मिलके narration को you know ख़तम कर सकें। hmm. कहा सेव किया मैंने भाई यप चलो तो कितने ऐसे बच्चे हैं ब्रेक ब्रेक हो गया क्या किया ब्रेक में क्या क्या किया सबने ब्रेक में थोड़ा बताओ भाई थोड़ी नींद बींद खुले तुम्हारी क्या करा आपने ब्रेक में गाजर का हलवा खाया अच्छा खा लीजिए भिजवा दो यार <laughs> अच्छा कुछ बच्चों ने नैप ले लिया बहुत बढ़िया और खाना खा लिया ठीक है हलवा खा लिया वाह भाई कुछ नहीं यूट्यूब देखा ये सबसे गलत काम किया रिवाइज़ करा बहुत बढ़िया नहा लिए पंद्रह मिनट में क्या बात है यार बहुत बढ़िया और क्या किया एप्पल खा लिया शॉर्ट्स देख लिए कभी भी ब्रेक लो ना तो सोशल मीडिया या फ़ोन से थोड़ी देर के लिए दूर हो जाया करो थोड़ा आंख बंद कर लिया करो थोड़ा स्ट्रेच कर लिया करो सोशल मीडिया शॉर्ट्स वगैरह को रहने दिया करो जब भी ब्रेक लो क्योंकि उससे दिमाग ना और भरा भरा लगता है उससे दिमाग शांत नहीं होता उससे दिमाग और भरता है हाँ इंस्टाग्राम चला लिया ये बहुत गलत किया बट ठीक है चलो सो so, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं नरेशन टॉपिक को हम लोग खत्म करने वाले हैं उसके बाद हम आज की क्लास को करेंगे खत्म बट भूलना मत शाम को सात बजे हमारा एक सेशन है है ना एक सरप्राइज लिखा हुआ है तो वो सरप्राइज क्या है कौन कौन से बच्चे उसका फायदा उठा सकते हैं ये आपको शाम में ही पता चलेगा सात बजे के सेशन में ज्यादा बड़ा सेशन नहीं है दस पंद्रह मिनट का सेशन है तो इसीलिए जरूर आना शाम को सात बजे बट अभी के लिए हम लोग चलते हैं हमारे एक लास्ट टॉपिक पे नरेशन पे ठीक है अब आप लोग मुझे ये बताइए कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्हें से डर लगता है गर्लफ्रेंड से बात कर लियो ये सही करा तुमने तो कितने ऐसे बच्चे हैं जो नरेशन से बहुत डर लगते हैं और मतलब बहुत डर लगता है जिनको जल्दी बताओ यार थोड़ा सा एनर्जी दिखाओ अगेन क्लास को शेयर कर दो ताकि सारे बच्चे आ जाए जो बेचारे गुम हो गए चले गए ठीक है मी 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 बेटा ज्योति श्रीवास्तव अभी किसको पढ़ा रही हूं मैं ये यूपी बोर्ड में नहीं है क्या सिलेबस चेक करो बेटा नरेशन नहीं है क्या यूपी बोर्ड में है ना तो किसको पढ़ा रही हूँ मैं ये टेंसेस नहीं है क्या यूपी बोर्ड में आर्टिकल्स नहीं है क्या यूपी में। बोर्ड में हम्म ये सब आपके बोर्ड में हैं फिर आप कैसे बोल सकते हो कि आप यूपी बोर्ड को क्यों नहीं पढ़ाते लेटर टू गॉड नहीं है क्या यूपी बोर्ड में कैसी बात करते हो बेटा आप चलिए सो so, शुरू करते हैं हम जिनको डर लगता है नहीं लगेगा प्लीज़ कॉपी पेंसिल ले लो और ढंग से बैठो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि नरेशन का मतलब क्या होता है भाई देखो नरेशन मतलब होता है है किसी 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 भी चीज़ किसी भी चीज़ किसी भी भी चीज 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 को 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 नरेट करना बोलना बताना या किसी भी चीज़ को कहना ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं नरेशन यानी कि नरेट करना आपने बचपन में सुना होगा कि भाई स्टोरी नरेशन या स्टोरी नरेट करना है यानी कि किसी भी चीज को बताना है उसको हम लोग नरेशन बोलते हैं ठीक है अब नरेशन दो टाइप में होता है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच नरेशन का जो अंदर का मामला होता है टाइप होता है उसे क्या बोलते हैं एक को डायरेक्ट और एक को इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं अब ये डायरेक्ट स्पीच क्या होता है इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है इसे समझना है देखो किसी भी चीज के रूल्स में जाने के लिए राइट right, आपको पहले उसको बाहरी तौर पे समझना पड़ेगा राइट right? किसी भी चीज को समझने के लिए आपको पहले भारी तौर पे उसको समझना पड़ेगा मान लो अगर आपको किसी स्कूल के रूल्स को समझना है तो आपको आपको बेसिक टर्म्स बताना चाहती हूँ कि इसे क्या, बोलते हैं, उसे क्या बोलते, बोलते हैं फलाना चीज को हम लोग क्या बोलते हैं ठीक है एग्जाम में रॉन्ग हो जाता है अभी नहीं होगा अभी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे ना तो नहीं होगा रॉन्ग बट आपको पहले ढंग से सुनना पड़ेगा पेशेंस रखे अच्छा मैं अभी जब स्टार्ट करूंगी तो बीच में आपको लग सकता है कि हमें नहीं आ रहा बट आप उस थॉट को पकड़ के रखना मतलब क्लास में बने रहना क्योंकि आगे आपको समझ में आएगा अगर आप पहले ही नहीं आ रहा बोल के हार मान लोगे तो आगे नहीं समझ में आएगा तो बी पेशेंट थोड़ा सा धैर्य रखो और समझो सो so, सबसे पहले समझते हैं कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है डायरेक्ट स्पीच होता है किसी भी बात को हु बहु बोल देना ठीक है अब जैसे कि मान लो मैं हमेशा ये एग्जांपल देती बिकॉज दिस इज वेरी इजी टू टू एक्सप्लेन एंड अंडरस्टैंड एज वेल अगर मैं आपको कॉल करती हूँ मान लो मैंने खुशी यादव को उठा लिया उठा लिया मतलब नाम ले लिया खुशी का और मैंने खुशी को कॉल किया और मैंने बोला कि okay, खुशी मैं ना आपके घर आ रही हूँ या मैं ना आपके घर कल आ रही हूँ तो खुशी अपनी मम्मी के पास गई और खुशी बोल आ, क्या बोल रही है अपनी मम्मी से कि मम्मी तान्या मैम ने कहा कि मैं ना आपके घर आ रही हूँ मतलब खुशी ने मेरे एग्जैक्ट वर्ड खुशी ने मेरे डिटो वर्ड कॉपी करके अपनी मम्मी को बता दिए ये और नो बताए कि नहीं बताए बिल्कुल सेम बिल्कुल ही हु बहु बिल्कुल डिटो बात बता दी इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट नरेशन और इन्हें हम हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में बंद करते हैं क्यों क्योंकि ये किसी और के शब्द हैं हमेशा अगर हम किसी और के शब्द बोल रहे हैं कि शब्द किसी और के पर बोल हम रहे हैं तो हम उसे इन्वर्टेड कॉमा में रखते हैं ठीक है तो बात को याद रखना है जब भी हम किसी की बात को बिल्कुल सेम बिल्कुल हु बहू बताते हैं तो करते हैं चलो भाई आदित्य को उठा लो आदित्य बोल रही है कभी मैम मेरा नाम भी ले दो तो आदित्य को उठा लो अब मान लो मैंने आदित्य को कॉल किया

वहीं पर जाके आदित्य ने क्या बोला कि तान्या मैम ने कहा कि वो हमारे घर आ रही है तो ये हो गया इनडायरेक्ट यानी कि किसी और की कही गई बात को हमने सेम मीनिंग रखा बट हमने अपने शब्दों में बोल दिया सो दैट इज इन डायरेक्ट स्पीच तो इसको आपको याद रखना है इसे हम इनवर्टेड कॉमा में नहीं लिखते क्योंकि ये तो हमारे शब्द है अब आप लोग अपनी कॉपीज में कुछ इस प्रकार से चार्ट बना सकते हैं नरेशन लिखिए है। यहां पर लिखिए डायरेक्ट यहां पे लिखिए इनडायरेक्ट अब डायरेक्ट स्पीच के भी दो पार्ट होते हैं जो मैं आपको समझाने वाली हूं तो ये बनाना जरूरी है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो और एक कड़ी पकड़ के रखो कि हाँ मैडम क्या बता रही है ठीक है अब डायरेक्ट स्पीच में दो पार्ट होते हैं एक होता है रिपोर्टिंग और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच दोनों का ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है पेपर के अंदर अब कैसे पता चलेगा कि रिपोर्टिंग क्या है और रिपोर्टेड क्या है तो हमेशा मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ बच्चों से अगर आप लोग मान लो मेरे घर आए हो, ठीक है या मैं आपके घर आई हूँ अभी मैं अंदर नहीं आई मान लो मैं दरवाजे के बाहर हूं तो मैं पहली चीज क्या करूंगी मैं पहली चीज क्या करूंगी जल्दी बताओ मान लो आप आपका कोई दोस्त है वो बोल रहा है भाई कल मैं तेरे घर आया था तूने गेट नहीं खोला तो तुम बोल रहे हो भाई तूने बेल ही नहीं बजाई पता कैसे चलेगा तो कोई भी आपके घर आता है वो बेल बजाता है बेल कैसे बजाता है जल्दी बताओ बेल कैसे बजाता है टिंग टोंग राइट तो टिंग वर्ड से याद रखना है कि कोई चीज जो बाहर है जब कोई चीज बाहर है तभी तो क्या हो रहा है यहाँ पर तभी तो बेसिकली हम लोग यू नो बेल बजा रहे हैं क्योंकि हम बाहर है राइट सो रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर होता है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है क्लियर समझ में आया तो जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर है उसे रिपोर्टिंग स्पीच कहोगे जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग इस सेंटेंस को देखिए रागिनी सेट टू मी आई एम गोइंग टू जयपुर अब इस सेंटेंस में ये जो रागिनी सेट टू मी है ये इनवर्टेड कॉमा से बाहर है राइट तो ये हो गया रिपोर्टिंग समझ में आया और जो अंदर है वो क्या हो गया रिपोर्टेड अब एक बात बताओ रागिनी सेट टू मी में सब्जेक्ट क्या है कमेंट करके बताएंगे सारे बच्चे रागिनी सेट टू मी में सब्जेक्ट क्या है हमारा फटाफट से सारे बच्चे कमेंट करके बताओ रागिनी सेट टू मी में सब्जेक्ट क्या है रागिनी वेरी गुड सो इसको क्या बोलेंगे रिपोर्टिंग सब्जेक्ट क्योंकि ये बाहर है ना ये पूरा क्या है रिपोर्टिंग स्पीच तो इसके जितने भी मेंबर्स हैं उनको तो रिपोर्टिंग लगाएंगे ना आगे जैसे शर्मा फैमिली में हर किसी में शर्मा लगता है और वर्ब सेड है और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया मी सिमिलरली रिपोर्टेड सब्जेक्ट कौन सा हो गया आई रिपोर्टेड वर्ब कौन सा हो गया आई एम गोइंग और रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट हो गया समझ में आया तो रिपोर्टिंग जो बाहर वाला है रिपोर्टेड जो अंदर वाला है सो आई होप कि इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं है सो so ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया अब चलते हैं रूल्स पे रूल क्या बोलता है सबसे पहला रूल प्लीज इन रूल्स को शॉर्ट फॉर्म में अपनी कॉपीज में लिखते रहना तभी फायदा होगा तो अभी मैं रूल समझाऊंगी बीच में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है पहले ही बता रही हूँ बट जब एग्जाम्पल दूंगी रूल्स के बाद तब सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी सो रूल नंबर वन है कि जब भी पेपर में दिया है कि भाई डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच करो तो हमारे जो इन्वर्टेड कॉमा है वो हट जाएंगे रूल नंबर वन यही बोलता है कि जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करेंगे आप अपने जो इन्वर्टेड कॉमास हैं उन्हें आप हटा देंगे रूल नंबर टू क्या बोलता है उसके बाद आपको रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस देखना है रिपोर्टिंग मतलब बाहर वाली जो वर्ब है इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाली जो वर्ब है उसका टेंस देखो अभी एग्जाम्पल में भी देखेंगे अगर वो प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस है तो जो रिपोर्टेड जो अंदर स्पीच है जब आप उसे नीचे इनडायरेक्ट में करोगे उसका टेंस चेंज नहीं होगा बट अगर वो पास्ट में है तो फिर आपको टेंस चेंज करना है समझ में आया जैसे कि यहाँ पर था रागिनी सेट टू मी में रिपोर्टिंग बोल रहा है ये बाहर वाली वर्ब का टेंस देखो जैसे अभी तो ये पास्ट में है अगर ये पास्ट में है तो बोल रहा है अगर आप इसे इनडायरेक्ट में करोगे तो अंदर का टेंस बदलना पड़ेगा बट अगर ये आपका प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो आपको अंदर का टेंस नहीं बदलना समझ में आया अब अगर टेंस बदलना है देखो टेंसेस तो सबको आगे है ना अच्छे से ये और नो जल्दी बताओ टेंसेस सबको आगे अच्छे से ये और नो अभी अभी टेंसेस पढ़ा है क्योंकि नरेशन के लिए टेंसेज आना बहुत जरूरी है टेंसेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नरेशन ठीक है तो अभी यहाँ पर लिखा है अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है तो हमें अंदर का टेंस बदलना है अब किसी भी चीज को बदलने के लिए हमें पहचानना भी तो पड़ेगा राइट अगर मैं बोल दू आपको एक सेंटेंस दे दू बोलू इसे बदलो तो आप बोलोगे कि मैम में बदलू तो मैं बोलूंगी वो तो पता लगाओ में बदलेगा अब पता लगाने के लिए आपको पहले ये तो पता होना चाहिए कि जो मैंने सेंटेंस दिया है वो किस टेंस में है यानी कि टेंस की पहचान तो होनी चाहिए तो उसके लिए ये रूल आपको ये पूरा का पूरा चार्ट आपको याद करना है ये मैं आपको दे भी दूंगी टेलीग्राम पे आप लोग लिख भी लीजिए ये याद करना है अगर आपने वाक्य पहचान लिया कि भाई ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे सिंपल पास्ट में बदलना है रूल्स आपको याद होने चाहिए अगर आपको पता चल गया भाई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो पता चल जाएगा भाई पास्ट कॉन्टिन्यूस में बदलना है ठीक है तो ये पूरा का पूरा जो टेंस का चार्ट है आपको याद होना चाहिए जिससे आपको पता चले कि आप लोग कौन से टेंस में चेंज करोगे ये सबसे ज्यादा मेजर और इम्पोर्टेंट है अगर ये आ गया मतलब आधा नरेशन आपको आ गया ठीक अभी मैं आपको करके भी दिखाऊंगी अब अगर फ्यूचर में है मान लीजिए फ्यूचर में है अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है अंदर फ्यूचर में है सेंटेंस तो क्या करोगे विल और शैल आपका वुड या शुद्ध शुड में बदलता है कैन आपका कुड में बदलता है में आपका माइट में बदलता है पर अगर रिपोर्टिंग अगर डायरेक्ट नरेशन में जहां पे रिपोर्टिंग वर्ब है ऊपर उसी के आगे कॉमा में डायरेक्ट नरेशन में कुड शुड वुड माइट लगा है तो कोई भी चेंज नहीं होता फिर से बता रही हूं अगर डायरेक्ट स्पीच में विल और शैल है तो वुड और शुड में बदल जाएगा कैन है तो कुड में बदल जाएगा मे है तो माइट में बदल जाएगा पर अगर कुड शुड वुड माइट है तो वो किसी में भी चेंज नहीं होगा नो चेंज गॉट इट तो एक ये चार्ट याद करना है तीसरा सबसे important रूल देखो अभी रूल्स आप लिख लो जब मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी एग्जाम्पल दूंगी तो आपको सारे रूल समझ में आएंगे क्योंकि अभी रूल्स पहले बताना जरूरी है ना मैथ्स में भी क्या होता है पहले रूल सीखते हो तभी तो आगे सॉल्व कर पाते हो राइट right? तो अभी यहां पर देखो क्या लिखा है रूल नंबर थ्री लिखा है कि फर्स्ट पर्सन को आप कैसे बदलोगे मतलब पीछे लेकर चलती हुई to right? तो, तो इसे कैसे चेंज करोगे ये कैसे पता चलेगा जैसे अगर मैंने आपको कॉल करा और आपने अपनी मम्मी को बोला तान्या मैम हमारे घर आ रही है तो हमारे कैसे बदलने कैसे चेंज किया क्योंकि मैंने तो बोला था कि मैं आपके घर आ रही हूँ तो आपके घर को हमारे घर में बदलना है ये कैसे पता चलेगा ये इसका रूल मैं आपको समझा रही हूं तो अगर फर्स्ट पर्सन है फर्स्ट पर्सन क्या होता है मैं हम वो बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब मतलब इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाला वर्ब उसका जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप बदलोगे अभी हम एग्जांपल में देखेंगे अभी सिर्फ आप नोट डाउन कर लो सेकंड पर्सन बदलोगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और थर्ड पर्सन में कोई भी परिवर्तन कोई भी चेंज जो है वो नहीं आएगा कोई चेंज नहीं आएगा थर्ड पर्सन एज इट इज रहेगा ठीक है तो थर्ड पर्सन एज इट इज रहेगा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के और सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा समझ में आया तो ये आप लोग देख सकते हो इसे याद भी कर सकते हो बच्चों वाली चीज है क्या कि भाई अगर आई सब्जेक्ट में यूज हुआ है तो आगे अगर आपको कभी लगाना है तो आप माय लगाओगे में जैसे आई लव माई बैग इस तरीके से आई लव आई बैग नहीं हो सकता या आई लव मी बैग नहीं हो सकता आई लव माई बैग ऐसे ही अगर वी है तो आर लगाओगे वी लव आवर बैग यू है तो योर लगाओगे ही है तो हिज लगाओगे शी है तो हर लगाओगे दे है तो देर लगाओगे तो आगे ये चीज आपके काम आएंगी इसलिए आपको अभी अभी क्या करना है 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 आपको ये नोट डाउन करते हुए चलना ठीक अब नेक्स्ट रूल क्या बोलता है नेक्स्ट रूल बोलता है देखो अगर रिपोर्टिंग वर्ब में से लगा है सेज लगा है या विल से लगा है ठीक है या सेड लगा है तो तो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब इनडायरेक्ट में भी सेम रहेगी आपको कोई भी चेंज यहां पर नहीं करना दोबारा बता रही हूं ध्यान से सुनिए अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी से है और सेज है या फिर सेड है या विल से है तो आपको चेंज नहीं करना पर अगर इनके आगे टू लगा है अगर इनके आगे टू लगा है जैसे से के आगे to लगा है तो वो जब नीचे इनडायरेक्ट में करोगे tell में बदल जाएगा सेज के आगे to है तो tells में बदल जाएगा said के आगे to है तो told में बदल जाएगा तो इस चीज को आपको याद रखना है बट इनके बाद ना ऑब्जेक्ट का आना जरूरी है ये tell टी फैमिली के बाद ऑब्जेक्ट आना जरूरी है जैसे यहां पर देखो ही tells राम इज प्लेइंग ये गलत है क्यों क्योंकि tells के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है ना

तो पता चलेगा कि भाई हमें समझ भी आ रहा है कि नहीं यही सारे इंपॉर्टेंट रूल्स है अगर ये आ गया तो 90 प्रतिशत नरेशन आपको आ गया ठीक है अगर ये रूल्स दिमाग में चले गए तो मतलब मैक्सिमम मैक्सिमम जो आपका नरेशन है ना वो दिमाग में चला गया अभी हम लोग एग्जाम्पल के तो तौर पे इसको एक बार ही समझते हैं क्या लिखा है ही सेम गोइंग टू जयपुर मान लो ये सेंटेंस दे रखा है हमें वैसे तो पेपर में ऑप्शन आएगा बट फिर भी इनडायरेक्ट में हमें इसे कैसे करना समझते हैं देखो ही की जगह ही सेज की जगह अब ये जो सेज है ये कौन से टेंस में है ये सेज हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है ना इन्वर्टेड वाला वर्ब है रिपोर्टिंग वर्ब है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना होता है टेंस तो ये कौन से टेंस में है प्रेजेंट टेंस में है अब क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट टेंस में है तो अंदर का टेंस चेंज नहीं होगा राइट right? प्रेजेंट और फ्यूचर में तो अंदर का टेंस हम नहीं चेंज करते ना, तो अंदर का टेंस बेटा हमारा चेंज नहीं होगा डिटर्मिनर कब होगा बेटा अभी अभी खत्म करा है मैंने डिटरमिनर इससे पहले ठीक है तो अभी देखो यहां पर अब क्योंकि टेंस चेंज नहीं होगा पर फिर भी पता होना चाहिए कि कौन सा टेंस है सो आई एम गोइंग टू जयपुर कौन सा टेंस है कमेंट में बताओगे फटाफट एम लगा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा है आज ही हमने टेंसेस पढ़ा है यस प्रेजेंट प्रेजेंट तो नीचे भी मतलब ही रखना है चेंज नहीं करना सो ही सेज दैट अब आई क्या है फर्स्ट पर्सन फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग बोला था रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लिखा है ही तो यहां पर भी ही लगा दिया अब क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आई एम है राइट right? तो नीचे ही के साथ तो एम आएगा नहीं तो ही इज हो जाएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस में गोइंग का गोइंग टू का टू जयपुर का जयपुर सेम समझ में आया थोड़ा बहुत इज इट क्लियर एक और देखते हैं शी सेज टू मी यू आर राइटिंग अ लेटर टू हिम ठीक है शी सेज टू हिम you are writing a letter to him ठीक है अभी यहाँ पर क्या है देखो सबसे पहले एक-एक करके हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है हमें ज्यादा कंफ्यूज पहले से ही नहीं होना है अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो हम सारी चीजें बढ़िया तरीके से कर पाएंगे ठीक है तो सबसे पहले देखो शी की जगह शी सेज टू क्या आ गया टेंस क्योंकि सेज के आगे टू था तो अकॉर्डिंग टू द रूल हमने उसको टेंस में बदल दिया राइट तो tells अब me का me लगा दिया inverted comma हटा that आ गया अब you क्या है मेरा second person second person किसके according बदलता है जल्दी बताइए मैम ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट यानी कि मी के अकॉर्डिंग बदलेगा अब मी को मैं सब्जेक्ट में तो लगा नहीं सकती कि मी इज हैप्पी क्या बोलते हैं आई एम हैप्पी तो आई आएगा नॉमिनेटिव केस में अब सबसे पहले मुझे देखना है कि रिपोर्टिंग वर्क तो मेरा प्रेजेंट में है मतलब मेरा टेंस चेंज अभी भी नहीं होगा कौन सा टेंस है प्रेजेंट तो आई के साथ एम लगेगा राइटिंग अ लेटर टू हिम थर्ड थर्ड पर्सन पर्सन है तो third person में कोई चेंज नहीं आता तो हिम की जगह हिम ही रहेगा समझ में आया इज दिस क्लियर एवरी वन ये तो बात हो गई कि जब हमारा रिपोर्टिंग वर्क प्रेजेंट में हो फ्यूचर में हो तो अंदर का टेंस नहीं चेंज करना अभी हम पास्ट में भी देखेंगे कि कब हमें अंदर का टेंस चेंज करना है। बट उससे पहले ये चार्ट बहुत जरूरी है इसका प्रिंट आउट निकलवा लो कॉपी में लिख लो घर पे लगा लो बट ये चार्ट को जरूर याद कर लेना बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये आपको बताता है कि भाई दिस आपका दैट में बदलेगा These, those में बदलेगा हेयर देयर में बदलेगा नाउ देन में बदलेगा अगो बिफोर में बदलेगा दस सो so में बदलेगा टुडे दैट डे में बदलेगा या नेक्स्ट डे में बदलेगा ओ सॉरी टुमारो बदलेगा नेक्स्ट डे में या फॉलोइंग डे में येस्टरडे बदलेगा प्रीवियस डे में ठीक है तो इस तरीके से ये सारे के सारा चार्ट आपको याद करना है ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो और आपके लिए चीजें आसान हो जाए तो जैसे छोटे बच्चों की छोटे बच्चे याद करते ना टू का पहाड़ा टू का टेबल तो वैसे ही आप लोग इस चार्ट को प्लीज याद कर लेना हैं अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्क पास्ट में है तो कैसे करना है मैं आपको दो एग्जाम्पल दूंगी ठीक है सबसे पहले देखो लिखा है ही सेट टू मी आई नेवर ईट स्वीट क्या लिखा है ही सेट टू मी आई नेवर ईट स्वीट्स शुरू करते हैं करना ही की जगह ही सेड के आगे टू है तो इसलिए टोल्ड में बदल गया मी की जगह मी इनवर्टेड कॉमा हटा दैट आ गया इतना सब ने कर लिया ही टोल्ड मी दैट अब अपने को क्या करना है अपने को देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड है इनवर्टेड कॉमा से बाहर वाली जो वर्ब है वो किस में है भाई पास्ट में है पास्ट में है यानी कि इनवर्टेड कॉमा के अंदर जो लिखा है, उसका टेंस बदलेगा अब बदलने के लिए पता तो होना चाहिए ना चीज क्या है मान लो मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया आपकी दोस्त की मम्मी आपके घर आती है ठीक है और बोलती है कि बेटा आप इसको अपने पास रख लो दस पंद्रह दिन और इसको अपनी तरह बना दो ठीक है क्या बोलती है इसको अपनी तरह बना दो इसको चेंज कर दो तो आप बोलोगे आंटी चेंज करने के लिए पहले पता तो होनी चाहिए चीज क्या है मैं आज तक पता ही नहीं कर पाया चीज क्या है ठीक है ये तो खैर अलग बात है बट क्या चीज़ है मतलब वो है क्या चीज़ पता होनी चाहिए ना किसी को भी चेंज करने के लिए राइट right? तो यहाँ पर भी हमें पहले पता होना चाहिए कौन सा टेंस है तो आप पहले टेंस को पहचानो आई नेवर ईट स्वीट ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है है ना कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस रूल के अकॉर्डिंग किस में बदलता है सिंपल पास्ट में और सिंपल पास्ट का रूल क्या है कुछ भी नहीं हमें खाली वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना होता है अभी अभी हमने टेंसेस पढ़ा सो so, आगे बढ़ते हैं अब हमें इतना पता चल गया अब आई क्या है मेरा फर्स्ट पर्सन फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी कि ही लगेगा यहाँ पर नेवर की जगह नेवर ईट जो फर्स्ट फॉर्म था सेकंड फॉर्म में आते ही एट हो गया स्वीट्स का स्वीट्स समझ में आया इज दिस क्लियर प्लीज टेल मी यस मैम और नो मैम ठीक है ऐसे ही राम सेट टू शाम आई एम वॉचिंग टीवी अब सबसे पहले राम सेट टू को कम हमने कर दिया टोल्ड शाम की जगह शाम हटा आ गया अब रिपोर्टिंग वर्ब हमें पता है पास्ट में है तो अंदर का टेंस बदलेगा अंदर का जो काल है वो बदलेगा ठीक है भाई बदल देंगे तो बदलने के लिए अपने को क्या करना है यहां पर अपने को पहले पहचानना है अंदर का टेंस कौन सा है

यानी कि राम की according बदलूंगी। राम के बदलूंगी की जगह प्रोनाउन में क्या लगा सकती हूँ क्लियर ही, तो ही तो टीवी टीवी। हुआ तो इस तरीके से जब हमारी हेल्पिंग वर्ब पास्ट में हो जब हमारी सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो हमें इस चार्ट के अकॉर्डिंग चेंजेस करने पड़ते क्लियर है बच्चों भाई चेंज क्यों नहीं हो रहा है हो गया ये अभी लास्ट मोमेंट पे ठीक hmm. है अब नेक्स्ट देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है मैक्सिमम सारे नरेशन का रूल यही है सबका यही है थोड़ी बहुत चीजें हैं जैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं तो वो मैं अभी बताने वाली हूं ठीक है तो सबसे पहले आप ये समझो कि अगर कोई यूनिवर्सल लेवल पे ट्रूथ है कोई हैबिचुअल फैक्ट है तो हमें क्या करना है यानी कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई जनरल या कोई यूनिवर्सल या कोई हैबिचुअल ट्रूथ है ठीक है कि भाई सूरज तो रोज उगता है भाई एक सच्चाई है ये तो मैं तो रोज अखबार पढ़ता हूँ तो अगर कोई ऐसी चीज लिखी है अगर कोई कहावत लिखी है प्रोवर्ब है कोई ऐतिहासिक घटना लिखी है है ना पास्ट में तो आप जो प्रेजेंट टेंस है उसे चेंज नहीं करते चाहे आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में भी क्यों ना हो आप इनवर्टेड कॉमा के अंदर जो प्रेजेंट टेंस है उसको चेंज नहीं करते

अब आई बदलेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो माई फ्रेंड की जगह ही लगाएंगे। अब अर्ली टेंस है यहां पर भी ही अर्ली रहेगा तो टेंस चेंज नहीं होगा ठीक है नेक्स्ट फादर सेड मैन इज द ओनली एनिमल दैट फूड भाई ये तो सच्चाई है ना ये तो फैक्ट है कि इंसान ही है केवल जो अपना खाना बना सकता है पका सकता है सो so, इसका टेंस भी चेंज नहीं होगा तो फादर सेट दैट बाकी पूरा का पूरा सेम टेंस चेंज नहीं होगा ऐसे ही द द टीचर सेड ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी ठीक है समझ में आया सो so, ये भी क्या है एक प्रोवर्ब है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी तो इसका भी टेंस हमें चेंज नहीं करना द टीचर सेट दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी हो जाएगा ऐसे ही द टीचर सेट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन भाई ये तो यूनिवर्सल लेवल पे ट्रूथ है ये तो सच्चाई है तो इसका भी टेंस हमें चेंज नहीं करना गॉट इट इतना समझ में आया अब दूसरी इम्पोर्टेंट सूचना अगर पास्ट टेंस है और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है दोबारा से सुन लो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर पास्ट इनडेफिनेट कहने का क्या मतलब है कि अगर सिंपल पास्ट है या फिर पास्ट कॉन्टिन्यूस इन दोनों में से अगर कोई भी टेंस है वो चेंज आप नहीं करोगे अगर अगर रिपोर्टेड स्पीच में दो एक्शन हो रही हैं एक ही टाइम पर अगर रिपोर्टेड स्पीच यानी कि इनवर्टेड कॉमा के अंदर दो एक्शन हो रही हैं एक ही टाइम पर तो आप पास्ट इंडेफिनेट या जो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है वो चेंज नहीं करोगे ठीक है जैसे कि जब राम पढ़ रहा था तो श्याम लिख रहा था दो एक्शन हो रहे हैं एक ही टाइम पर जब मैं पढ़ा रही थी आप लिख रहे थे दो एक्शन हो रहे थे एक ही टाइम पर तो ऐसे केसेस में हमें जो अंदर पास्ट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस यूज़ उसे चेंज नहीं करना सेम रखना है तो सरला सेम वाज राइटिंग इट नेक्स्ट सेम है ये तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं बट फिर से बता देती हूं कि सिंपल पास्ट टेंस को चेंज नहीं करते अगर कोई ऐतिहासिक घटना है मान लो अकबर इस साल में मरा था अकबर डाइड इन सिक्सटीन ओ फाइव ए डी भाई ये तो ऐतिहासिक है ना इसे हम अपने हिसाब से थोड़ी फ्यूचर में ला देंगे वो तो चला गया मर गया है ना वो तो पास्ट की बात हो गई वो तो फैक्ट हो गया हिस्ट्री हो गई हिस्ट्री थोड़ी चेंज कर देंगे तो इसका टेंस चेंज नहीं होगा द टीचर सेड दैट अकबर डाइड इन 1605 एडी सेम रहेगा ठीक है बच्चों चलो तो अभी बहुत ही कम बचा है हमारे पास सिर्फ इंटेरोगेटिव और इम्पेरेटिव का रूल और बचा है बाकी सब हमने कर लिया एक बार फुल एनर्जी यस मैम मुझे देखना है कमेंट सेक्शन में सो so मुझ मुझमें भी एनर्जी आ जाए और हम लोग फिर आज की क्लास को खत्म करें जल्दी जल्दी थैंक यू मैम आपकी वजह से मेरे प्री बोर्ड में सिक्सटी सेवन आए आउट ऑफ सेवेंटी वेरी गुड साक्षी ग्रेट वेरी नाइस अब देखो इंटरोगेटिव में भी ना सारे रूल सेम रहेंगे ऐसा नहीं है कि कोई अलग रूल हम बना देंगे या कोई रूल यू नो हमारे से चेंज हो जाएंगे ऐसा कुछ भी नहीं है इंटरोगेटिव में भी सारे रूल हमारे सेम रहेंगे दो चार चीजें हैं छोटी-छोटी जिसका हमें ध्यान रखना है सबसे पहले आपको पता है ना इंटरोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं एक तो वो जो ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होते हैं जिनका आंसर आप यस yes नो में दे, दे सकते हो क्या तुमने खाना खाया क्या तुमने पानी पिया क्या तुम वहां चले गए ना में आंसर दे सकते हो एक होते हैं जो वर्ड से शुरू होते हैं जिनका आप आंसर यस yes नो में नहीं दे सकते जैसे तुम्हारा नाम क्या है तुम कहां रहते हो इनका आंसर आप यस yes नो में नहीं दे सकते तो पहले हम बात करेंगे जो ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं जैसे आर यू टायर्ड यस मैम यस नो में जिसका आप जवाब दे सकते हो ठीक है तो जब आप इनको करते हो ना जब भी आप इंटेरोगेटिव को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करते हो तो ये जो क्वेश्चन फॉर्म में होते हैं ना ये चेंज हो जाते हैं फुल स्टॉप फॉर्म में यानी कि क्वेश्चन से ये सिंपल असर्टिव सेंटेंस में बदल जाते हैं कभी भी इंटेरोगेटिव नरेशन में होगा तो वो सिंपल सेंटेंस में बदल जाएगा क्वेश्चन फॉर्म में नहीं रहेगा इस बात को गाट बांध लो समझ में आया डायरेक्ट so, स्पीच में इंटेरोगेटिव में बदल दिया जाता है सिंपल सेंटेंस में बदल दिया जाता है ठीक है जो क्वेश्चन मार्क है वो भी हट जाता है बाकी सारे जो रूल है वो आपके सेम रहते हैं अब क्योंकि इंटेरोगेटिव है ना आपसे कोई कुछ पूछ रहा है राइट तो आप क्या करते हो आप सेज say, और सेड की जगह ask, या आस्क्ड का इस्तेमाल करते हो क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है ना तो पूछने के लिए तो आप आज की ही, ही लगाओगे राइट और रॉन्ग तो आप सेज सेज होता है बताना आस्क होता है पूछना तो सेज सेज और सेड की जगह आस्क आस्क या आस्क्ड का इस्तेमाल करोगे इंटेरोगेटिव में समझ में आया इज इट क्लियर कभी कुबार हम इनक्वायर और इनक्वायर का भी यूज कर लेते क्योंकि इनक्वायर करना मतलब पूछना अब दो इनक्वायर हैं एक आई वाले और एक ई वाला डिफरेंस क्या है कुछ भी नहीं ये वाला जो आई वाला है वो फॉर्मल होता है ई वाला होता होता है है ये के साथ यूज होता है। ठीक है जैसे ही आपके है दोस्त ने आकर करी पूछताछ कर रही है ऊपर वाला आएगा ठीक है तो कभी कभार इन वर्ड्स का भी इस्तेमाल हो जाता है पूछने के लिए अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल जैसे लिखा है she said to me, Are you going to college? अब यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है ना आर यू गोइंग टू कॉलेज तो इसे कैसे बदलना है देखो इसमें आप क्या करते हो दैट की जगह ना इफ या वेदर लगाते हो कुछ भी आप लगा सकते हो इफ या वेदर कुछ भी लगा सकते हो आप ठीक है ऐसा नहीं है कि गलत हो जाएगा सो so, यहां पर यहां पर क्या करना है आपको She 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 said to to me. तो she asked me right? अब, inverted, so she asked me asked asked right? inverted comma so whether अब, are you going to college change जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में है ठीक है, है भाई तो मतलब अंदर वाला जो टेंस है वो अपना चेंज होगा बिल्कुल होगा चेंज करने के लिए पहले पहचानो कौन सा टेंस है तो तो मैम मैम आर लगा है 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 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये तो प्रेजेंट तो है। है। क्या बोला था इंटेरोगेटिव से असर्टिव में बदल जाएगा यानी कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले है ना तो यहाँ पर हमें सब्जेक्ट पहले लगाना है। क्योंकि क्वेश्चन पूछते हुए हम हेल्पिंग वर्ब पहले लगाते हैं ना अगर हम नॉर्मल सेंटेंस बोल रहे हैं तो हेल्पिंग पहले थोड़ी लगाएंगे ऐसे थोड़ी बोलेंगे am I a girl? ये तो आप question पूछ रहे हो, अगर आपको sentence बनाना है आप क्या बोलोगे, इनडायरेक्ट right में, तो में, तो में करते हुए पहले सब्जेक्ट लिखोगे कि आई एम गर्ल हमेशा ये याद रखना तो सबसे पहले यह सब्जेक्ट आएगा अब सब्जेक्ट में क्या आएगा यू सेकेंड पर्सन है

क्लियर तो सारे रूल सेम है जो हमने पहले सीखे बस यही आपको ध्यान रखना है कि आस्क ask, लगेगा एंड में बदलेगा बाकी पूरा रूल नरेशन का सेम है अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे बहुत ही कम बचा है हमारा सिर्फ इम्पेरेटिव सेंटेंस बचा है ना और पांच दस मिनट तो अभी क्या है कुछ ऐसे सेंटेंस भी होते हैं ये वाला तो हाँ जिनके साथ आंसर जुड़ा होता है ठीक है कुछ ऐसे आ जाते हैं कॉन्वर्जेशन फॉर्म में जिनके साथ आंसर जुड़ा होता है इंटेरोगेटिव में फॉर एग्जाम्पल शी कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन नो आई सेड तो इन केसेस में आप क्या करोगे अगर नो no है तो आप लिख सकते हो आई रिप्लाइड इन नेगेटिव अगर येस yes है तो आप लिख सकते हो आई रिप्लाइड इन एफरमेटिव बस इतनी सी चीज आपको ध्यान में रखनी है अगर नो जुड़ा है तो आई रिप्लाइड इन नेगेटिव और अगर येस जुड़ा है तो आई रिप्लाइड इन ये आप लोग लिख सकते हो समझ में आया नेक्स्ट क्या है यहां पर लास्ट चीज जो आपको ध्यान रखनी है अब दूसरे टाइप के जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं जो डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होते हैं ठीक है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू नहीं हो रहे उनमें आपको क्या करना है उनमें आप कोई भी दैट कोई भी इफ कोई भी वेदर नहीं लगाओगे तो क्या लगाएंगे जो WH वर्ड लगा हुआ है ना उसी को यूज करोगे एज अ कंजंक्शन बस बाकी सारे रूल सेम है मैम लेट वाले सेंटेंस करा दो बेटा अभी आगे करेंगे ना इंपरेटिव में इसके बाद एक लास्ट इंपरेटिव ही बचा है हमारा ठीक है अभी करेंगे हम पहले ये समझ लो नहीं नहीं आई रिप्लाइड इन पॉजिटिव नहीं बेटा अफर्मेटिव ही लिखना ठीक है तो यहाँ पर उन्हें ही यूज करना है बाकी पूरे रूल आपका सेम रहेगा कोई भी चेंज नहीं है फॉर एग्जाम्पल ही सेट टू हर वट डू यू वॉन्ट सो ही सेट टू की जगह आस हर तो अब इन्वर्टेड कॉमा हटके कोई दैट कोई एफ कोई वेदर कोई फलाना कुछ नहीं लगाना आप खाली जो wh एच वर्ड है वॉट उसी को लिखोगे ही आस्क हर वॉट अब क्या लगाओगे आप यहाँ

Clear? Narration बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है नरेशन मत छोड़ के जाना ठीक है लास्ट टॉपिक जो है वो है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस अब इंपेरेटिव सेंटेंसेस या इम्पेरेटिव वाक्य क्या होते हैं जिनमें आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो जिनमें आप किसी को कमांड दे रहे हो जिनमें आप किसी को आदेश दे रहे हो ठीक है या कोई सजेशन दे रहे हो कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो इन्हें हम बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस समझ में आया तो ऐसे वाक्यों में प्लीज वगैरह भी लगा होता है तो जब भी प्लीज वगैरह हो उसे इग्नोर करना प्लीज को हमें इनडायरेक्ट में नहीं करना ठीक है समझ में आया देखो अब इसको समझ लो ये बस लास्ट है हाँ ये बस लास्ट है हमारा so, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है लिखा हुआ है कि वाक्य में अगर प्लीज और काइंडली जैसे शब्द है तो इनडायरेक्ट में आपको इग्नोर करना है ठीक है और हमेशा सेंटेंसेस में ना आपको भाव पता होना चाहिए जैसे अगर मैं बोल रही किसी को गेट आउट तो आप क्या बोलोगे यार मैम ने तो ना शाउट करा या मैम ने ऑर्डर दिया गेट आउट अगर मैं बोल रही हूँ प्लीज यार ला दो तो आप क्या बोलोगे अरे मैम ने ना रिक्वेस्ट करा तो ये रिक्वेस्ट वर्ड आप खुद से क्यों ऐड कर रहे हो क्योंकि आपको वाक्य सुनकर पता चल रहा है कि मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ यस और नो यस और नो बताओ सही बोल रही हूं कि गलत बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ तो यहां पर भी वही करना है यहां पर भी आपको सेंटेंस को पढ़कर समझना है कि रिक्वेस्ट हो रहा है कमांड हो रहा है सजेशन हो रहा है या ऑर्डर हो रहा है और उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्ड लगाने हैं ठीक है अब यहां पर देखो

ऑब्जेक्टिव केस में लगाएंगे तो हर हो जाएगा क्योंकि शी का हर बन जाता है ना ऑब्जेक्टिव केस में सो टू ब्रिंग हर बुक ऐसे ही शी सेड टू मी हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क सो शी आस्क्ड मी टू हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क सिमिलरली राम सेड टू सीता टेक मेडिसिंस रेगुलरली तो एडवाइस दे रहा है राम एडवाइज्ड सीता टू टेक मेडिसिंस रेगुलरली समझ में आया अगर डोंट है मान लो आई सेट टू हरी डोंट प्लग द फ्लावर्स तो डोंट की जगह नॉट टू लगा दोगे आई ऑर्डर्ड हरी नॉट टू प्लग द फ्लावर्स सिमिलरली द एसपी टू एसएचओ शूट द रॉबर द एसपी ऑर्डर्ड द एसएचओ टू शूट द रॉबर फेयर इनफ क्लियर ठीक है और क्वेश्चन टैग्स को हटा देना है कुछ भी क्वेश्चन टैग होगा ना जैसे विल यू wont you will you तो इनको इग्नोर करना है क्वेश्चन टैग्स को बिल्कुल इग्नोर करना है क्वेश्चन टैग्स को बिल्कुल हटा देना है अब एक लास्ट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है लेट वाले सेंटेंसेस फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे ठीक है बिल्कुल लास्ट चीज है लेट वाले सेंटेंसेस चलो यार कम ऑन इतना नहीं हारते शेर हो तुम लोग तुम एक बात बताओ जब हमने क्लास शुरू करी थी 800 बच्चे थे अभी क्लास में 250 बच्चे हैं तो तुम्हारे में कुछ तो स्पेशल होगा कुछ तो स्पेशल होगा जो उन 600-700 बच्चों में नहीं है होगा ना और वो स्पेशल क्या है तुम्हारे अंदर तुम्हारा हार्डवर्क तुम्हारी डिटर्मिनेशन तुम्हारा मेहनत राइट हाँ नॉट टू की जगह फॉरबेड का भी इस्तेमाल कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है सो so, यहां पे लेट वाले सेंटेंसेस में क्या करना है ये भी एक तरीके की पहली बात तो ही हैं सारे के सारे रूल इसमें भी सेम ही रहने वाले हैं ठीक है ठीके? लेट से बहुत सारे हमारे अलग अलग मीनिंग निकलते हैं कभी लेट से सजेशन निकलता है प्रपोजल निकलता है तो हम इन्हें भी टू लगा कर कर सकते हैं बहुत ही आसान है देखो करना कैसे है लास्ट चीज है एकदम ध्यान से समझना ध्यान से एग्जाम्पल को देखना लिखा है शी सेट टू मी लेटस गो टू मार्केट

suggested to me यहां तक सेम लिखा इनवर्टेड कॉमा हटाया दैट आया अब अगर दैट लगाया है तो इसके साथ वी शुड भी लगाओगे लेट अस वाले वाक्यों में याद रखना नहीं तो वी शुड लगा लो दैट के साथ और नहीं तो इन तीनों में से कुछ मत लगाओ टू लगा लो आपकी चॉइस है जैसे आपको करना है दोनों सही हैं ठीक है सो शी सजेस्टेड टू मी दैट वी शुड गो टू मार्केट ऐसे एक और एग्जांपल देती हूँ ही सेड टू मी लेट अस परचेस दिस हाउस

राइट right, अब आपके ऊपर है आपको हटा के टू लगाना है या दैट वी शुड लगाना है आपके ऊपर है बाकी सारे रूल क्लियर जल्दी जल्दी से बता दो इफ इट्स क्लियर तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं फिर क्लास को एंड करेंगे ठीक है कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं कुछ प्रैक्टिस हो जाएगी फिर हम क्लास को एंड कर देंगे सबसे पहले ये वाला देखते हैं फिर हम अपना यू you नो know, बाकी का आगे का एमसी क्यू करेंगे तो मान लो ये एक कम्युनिकेशन communique... ये एक कॉन्वर्जेशन दे रखा है ठीक है ये एक कॉन्वर्जेशन दे रखा है लिखा है आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द क्लास पिकनिक टूमोरो अब यहाँ पर है नेहा टोल्ड नमिता तो हमें अभी क्या करना है लुकिंग फॉरवर्ड से पहले वाला करना है यानी कि आई एम रियली आई एम रियली को हमें इनडायरेक्ट में करना है तो आपके अकॉर्डिंग आई एम रियली को हम लोग इनडायरेक्ट में कैसे करेंगे बताओ सबसे पहले तो टोल नमिता के बाद दैट आएगा राइट right? अब आई है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा सब्जेक्ट क्या है नेहा तो शी आएगा और एम का हो जाएगा was. ठीक है दैट शी रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू क्लास पिकनिक अब टुमारो को हम किस में बदलेंगे जल्दी जल्दी बताओ टुमारो को किस में बदलेंगे टुमोरो को किस में बदलेंगे

जल्दी बताओ हां जी एग्रीड दैट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम अब वी किसमें बदल जाएगा वी फर्स्ट पर्सन है तो किसमें बदलेगा वी किसमें बदलेगा हां जी दे में बदलेगा दे विल किस में बदलता है वुड में बस they would be meeting एक सेकेंड दे वुड बी मीटिंग अब यहां पे वी के साथ आवर लगा था तो दे के साथ देर लगेगा इतना कॉमन सेंस थोड़ा आराम से चलाना अपने पेपर में सो दे वुड बी मीटिंग देयर फ्रेंड्स एंड टीचर्स सिंपल ठीक है चलो नेक्स्ट करते हैं विदुषी सेड वी वेंट फॉर अ समर ट्रिप

है ना अब अंदर का टेंस बदलने के लिए हमें पहले पहचानना पड़ेगा कि भाई ये वाला टेंस कौन सा है तो ये वेंट क्या है वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी कि सिंपल पास्ट लगा सिंपल पास्ट चार्ट में जाकर देखो फिर से किस में बदलता है पास्ट परफेक्ट में यानी कि हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म कहीं पर लगा होगा अब आप देख लो हैड कहां लगा है भाई ये रहा तो बस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है ठीक है इस तरीके से आपको सॉल्व करना है नेक्स्ट राहुल सेड आई विल मैनेज हेयर राहुल सेड आई विलजर आफ्टर राहुल यहाँ पर क्या हो जाएगा राहुल सेड की जगह राहुल सेड ही आएगा बैट भी सेम है ही भी सेम है यहाँ तक पूरा सेम है अब विल हमारा गुड में बदलता है हमें पता है बिल्कुल पता है तो जहां पर नहीं बदल रखा उन्हें काट दो आगे चलो ही वुड मैनेज अब हेयर आपका देर में बदलता है ये भी हमें पता है बड़ा सा चार्ट दिखाया था बदलता है तो यहां पे तो बदला नहीं तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी समझ में आया यस yes, बेटा शिवा या शिवी जो भी था यूपी बोर्ड का भी है ये नेक्स्ट केशव सेड रीटा इज बिजी राइट नाउ केशव सेड रीटा इज बिजी राइट नाउ Said, is busy right now. So, पे हमें बस इतना पता होना चाहिए कि नाव किस में बदलता है यूज हो रखा है सो केशव इनफॉर्मड दैट रीटा वॉज बिजी देन सो ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारा एबसोल्यूटली करेक्ट आंसर समझ में आया नेक्स्ट देखो रवि सेड द कॉन्सर्ट एंडेड यस्टरडे रवि सेड द कॉन्सर्ट एंडेड यस्टरडे रवि सेड द कॉन्सर्ट एंडेड यस्टरडे सो यहां पर रवि सेड दैट तक तो सब सेम है दैट द कॉन्सर्ट तक भी सब सेम है अब एंडेड वर्ब का सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में बदलेगा यानी कि हैड भी आएगा बिल्कुल आएगा तो जहां पर नहीं आया उन्हें काट दो अब दो में हैड हैड एंडेड एंडेड है येडे हमारा प्रीवियस डे में चेंज होता है सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर क्लियर नेक्स्ट सेकेंड ओके नेक्स्ट ही सेड लेट अस हैव डिनर हेयर ही सेड लेटस हैव डिनर हेयर लेट वाला वाक्य है अभी अभी समझाया आया है ही सेड लेटस हैव डिनर हेयर हाँ जी, so, यहां <coughs> he said, तो पर देखो, हम लेट वाले वाक्यों में या लगा सकते हैं, पहली बात तो हेयर में बदलेगा हर जगह बदल रखा है he asked if we wish, तो ask तो आएगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन नहीं पूछ रहा

हां जी द टीचर सेट द विंड इज विज एनर्जी सोर्स अब अंदर क्या एक फैक्चुअल बात है एक फैक्ट लिखा है तो मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो प्रेजेंट टेंस यूज होता है उसको अपने को चेंज नहीं करना राइट right? तो प्रेजेंट टेंस को हमें चेंज नहीं करना तो सेम रहेगा बिल्कुल द टीचर सेड दैट द विंड इज अ दबल एनर्जी सोर्स तो बी इज द करेक्ट आंसर यहां पर हम इसे टोल्ड और टेल्स में क्यों बदलेंगे सेड के आगे टू थोड़ी लगा हुआ है राइट बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट डेविड सेड कैन वी गो टू मोरो डेविड सेड कैन वी गो टू मोरो डेविड सेड कैन वी गो टू मोरो बताओ तो यहाँ पे डेविड पूछ रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन है राइट सो डेविड आस्क्ड होगा तो सेड वाला दोनों कट जाएंगे अब टुमारो फॉलोइंग डे में होगा तो ये भी कट गया तो करेक्ट ऑप्शन इज बी डेविड आस्क इफ सबसे आगे सब्जेक्ट आएगा वी कैन कुड में बदल जाएगा गो टुमारो द फॉलोइंग डे सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट ही सेड आई हैव बीन अ ग्रेट मेंटोर ही सेड आई हैव बीन अ ग्रेट मेंटोर ही सेड आई हैव बीन अ ग्रेट मेंटोर अब यहां पर अगर तुम लोग देखो तो सबसे पहले हैव हाँ बीन लगा है तो तुम्हें पता है कि हैड बीन में बदलेगा और आई ही में बदलेगा तो ही हैड बीन होना चाहिए अब ही हैड बीन एक ही जगह है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट शी सेड शट द डोर दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ओके देन हम क्लास को रैपअप करेंगे She said, Shut the door. हाँ जी सो so, शब्द डोर एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है और ये ऑर्डर लग रहा है राइट सो शी ऑर्डर्ड मी टू शट द डोर ऑल राइट गाइज सो दैट्स इट फॉर दिस क्लास दैट्स इट फॉर टूडे मैं आपसे मिलूंगी शाम में सात बजे दस पंद्रह मिनट का सेशन है जरूर आइएगा बिकॉज एक एक बड़ा सरप्राइज है जो आप लोगों को बताना है जो हो सकता है कि आप लोगों के काम आ जाए बस इसीलिए आप लोगों को बताना है ठीक है एक इन्फॉर्मेशन है बेसिकली जो आप लोगों तक मुझे देनी है पहुंचानी है सो so, सात बजे मैं मिलूंगी आपसे कोई पेड कोर्स नहीं है पहली बता देती हूँ क्योंकि बच्चों को सरप्राइज के नाम से ये लगता है बेचने आ गए तो ऐसा कुछ बेचने में नहीं आई हूँ कोई पेड कोर्स नहीं है ठीक है सो मैं आपको मिलूंगी सात बजे एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास आई होप आपको इस क्लास से मदद मिली हो और आपको थोड़ा बहुत समझा पाई हूँ मैं तो आप लोग प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा बिकॉज आपके कमेंट्स बहुत मैटर करते हैं फीडबैक जानने में कि क्लास कैसी थी और आगे की क्लास को प्लान करने में तो आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी और आपके कितने फायदे की ये क्लास थी ताकि मैं आगे की क्लासेस को अकॉर्डिंगली प्लान करूँ थैंक यू सो मच आई विल वेट फॉर योर कॉमेंट्स एंड येस जितनी लंबी ये क्लास थी उतने कॉमेंट्स uh, होने चाहिए ठीक है चलिए ऑल राइट सो आई विल सी यू गाइज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ